तो लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? बस ये देखा कि एक्सचेंज क्या होता है, डिपॉजिटरी कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, ब्रोकर कौन होता है, हमें अगर कभी मार्केट में ट्रेड करना हो तो हमें कौन सी अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर हम ये देख रहे थे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्यों होता है, तो हमने ये मेनली देखा कि जब कंपनी जब किसी को बहुत ज़्यादा फंड यानी कि ह्यूज फंड अगर रेज करना हो और हमें लग रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे दोस्त है फ्रेंड है उनके पास अगर हम फंड रेज नहीं कर पा रहे तो उस केस में हम पब्लिक से फ़ंड रेज करते, पब्लिक से फ़ंड रेज करते, बट पब्लिक को जो हम लोग देते हैं एक तरीके से वो ओनरशिप का ही राइट देते हैं, पब्लिक को एक तरीके से हम ओनरशिप देते हैं लेकिन पब्लिक उसमें डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करता है, वोटिंग होते हैं 50% वोटिंग के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, बोर्ड में हम लोग अपॉइंट कर देते हैं, बोर्ड में जो होते हैं वही कंपनी का डिसीजन लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ये किया कि एक कंपनी हम लोगों ने बनाया जिसको फंड कितने की ज़रूरत थी, एक कंपनी बनाया जिसको 100 करोड़ की ज़रूरत थी, तो 100 करोड़ फंड रेज हो गया, उसमें क्या देखा कि बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाया, हर एक इंसान को कुछ शेयर दिया गया, हर एक इंसान ने पैसे दिया उसके बदले में उसको एक प्रूफ दे दिया गया, कौन सी प्रूफ था वो, इक्विटी शेयर का। तो हमने क्या किया कि इक्विटी शेयर वो इशू करता गया, उसने मान लीजिए 10 रुपये दिया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि एक शेयर का फेस वैल्यू कितने रुपये का था, 10 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ देता है, मान लो फेस वैल्यू पे ही इशू होता है फिलहाल अभी, तो इक्विटी शेयर हर एक को इशू किया जाता है, हर 10 रुपये के लिए क्या होता है एक एक इक्विटी शेयर इशू कर लिया जाता है, इस तरीके से फंड रेज हो गए, ये अपना बिजनेस करना शुरू कर लिया, ठीक है जी, ये अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। अब क्या होता है देखिए, सारे फंड तो आ गए इकट्ठा, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, किसी ने ज़्यादा भी लगाया होगा, सबके फंड आ गए। अब कंपनी का बिजनेस जो है, आप मुझे बताइए अब कंपनी का मालिक कौन हुआ, थोड़ा सोच के देखिए, क्या कोई एक पार्टी है इसका, नहीं है, जितने लोगों ने दिया सब इसका मालिक है। अब ये जो बिजनेस करके लाया है, मान लीजिए इसका बिजनेस 3 मंथ तक रन किया गया, 3 महीने के बाद जो भी कुछ कमाया होगा, या तो ऐसे कायदे से अब कितने दिन के बाद हम इन्वेस्टर को बताएं कि देखो मालिक को हम बताने जा रहे हैं, कंपनी कहते हैं मालिक को कि ये रहा आपने जो पैसे दिया था उस पैसे से हमने इतना कमाया, वो कितने दिन पे इन्फॉर्म करना चाहिए, सबसे पहली बात ये जो है ए बी सी, ये चलो 3 मंथ को भूल जाते, कितने दिन के बिजनेस को जो है रिपोर्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर को बताना चाहिए कि आपने जो पैसा दिया देखिए आपके पैसे के साथ हमने ये सब काम किया, कायदे से कितने दिन पे बताना चाहिए, क्वार्टरली, क्योंकि जानते हैं इसीलिए क्वार्टरली है ना, क्योंकि यहाँ पे सेबी का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर महीने बताने की ज़रूरत नहीं है, हर 3 महीने आपको बताने की ज़रूरत है, किसको बताना पड़ेगा, इन्वेस्टर को, जिसने पैसे लगा रहे हैं उन लोगों को बताइए कि आपने 3 महीने में क्या काम किया है। अब ये जो 3 महीने का जो बिजनेस बनाया होगा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट उसने बनाया होगा, क्या आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिनेशन करवा के फिर रिपोर्ट करें, सबसे पहली बात। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट को जो वेरीफाई करते एग्जामिन करते वो कौन होता है, सीए, ठीक है, वो सीए क्या करते हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करेगा, क्या वो जाके ये देखे कि सही से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है या नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, ऑडिट का मतलब ये होता है कि हम जाते हैं वो देखते हैं कि उसने जो भी कुछ एंट्री डाला है, मान लीजिए कोई सामान खरीदा है उस सामान को वेरीफाई करेंगे, मान लीजिए कोई सामान खरीदा है उसको हम जाके चेक करते हैं कि उसने जो जर्नल एंट्री डाला है अपने बुक्स में, जो अमाउंट रिकॉर्ड किया है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया है वो सही है या गलत है, इन सारे चीज़ को वेरीफाई करने वाले काम क्या होता है, ऑडिट करना। क्या ये 3 महीने का ऑडिट कराने के बाद हम सामने वाले के पास लेके आए, सबसे पहली बात, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल स्टूडेंट, फाइनल लेवल के स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है और उनको यही नहीं पता है कि ऑडिट करने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं या ऑडिट करने से पहले करते हैं, पता ही नहीं, ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अदरवाइज तो आप देखो इन्वेस्टर को तसल्ली दिलाने के लिए, अब मुझे बताओ कंपनी तो इमेजिनरी थिंग्स है, कंपनी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फीलिंग लेस एंटिटी है ये, सही बोल रहा हूँ मैं, फीलिंग लेस एंटिटी, इसके पास कोई फीलिंग नहीं है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता है, जिसने भी पैसे दिया, जो इसके पेरेंट्स है मान लीजिए प्रोमोटर जिसको हम कहते हैं, जिसने इनिशिएट किया था,
जिसने इनिशिएट किया था, प्रोमोटर से लेके इन्वेस्टर जो एक एक रुपये दस दस रुपये दे रखा है, किसी के साथ ये डिफरेंशिएशन नहीं करता, सबके साथ ये सिमिलर ट्रीटमेंट करते, यानी कि सब उनके लिए सब क्या है, बराबर है। तो अब मैं कहता हूं वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, कंपनी, कंपनी के पास फीलिंग भी नहीं है, तो कंपनी कैसे सामने वाले के पास पहुंचाएगा। तो हमने कंपनी को डिसीजन लेने के लिए यही लोग जो है, यही सब लोग किसको बिठा रखा है वहां पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, है ना, कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया। हम कहते हैं चल तू ले ले डिसीजन कंपनी का। अब मैं कहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इन्वेस्टर को खुश करने के लिए तो जो मर्जी क्या कहते हैं, जो मर्जी रिकॉर्ड करके और सामने वाले तक पहुंचा दे, और वो ऐसा करना क्यों चाहेगा, सबसे पहली बात है ना, एक चीज रहता है। तो ध्यान से देखिए, अब नहीं पता है तो बता दूं, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो 3 महीने का होता है, वो 3 महीने के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। वहां रिक्वायरमेंट ये है सेबी का, सेबी का रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक काम कर लो, ऊपर ऊपर से चेक कर लो, आप उसका जर्नल एंट्री मत चेक करो, उसका वाउचर मत चेक करने जाओ। मतलब ये हो गए कि मान लीजिए इस कंपनी ने ये बताया कि उसने ने एक मशीन खरीदा है 1 करोड़ का, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो जो 1 करोड़ का मशीन खरीदा है उसके जाके इनवॉइस चेक करिए, क्या वो 1 करोड़ में ही खरीदा है या नहीं खरीदा है, प्रॉपर इनवॉइस लगा है नहीं लगा है, सपोर्टिंग है, वो सब चेक करने की अभी आपको जरूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि सामने वाले ने जो रिकॉर्ड किया है वो सारा सही है, आप बस ऊपर ऊपर से एक बार रिव्यू कर लो, ऊपर ऊपर से रिव्यू करिए, जैसे होते हैं ना, आप उसका बस ट्रायल बैलेंस देख लीजिए, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रखा है ऊपर ऊपर से देखना, उसको गहराई में जाके एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करने की जरूरत अभी आपको नहीं है। इसीलिए ये जो 3 महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट पे जो ऑडिटर साइन करते हैं वो स्टार्ट ऑडिटर ही होता है, स्टार्ट ऑडिटर, तो वो जो साइन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, आप लोग शॉर्ट में कहते हो LR, शॉर्ट में लिमिटेड रिव्यू। ये लिमिटेड रिव्यू का रिपोर्ट किसके थ्रू यहां तक पहुंचेगा, इस इन्वेस्टर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, ये NSE के थ्रू पहुंचाया जाता है, BSE के थ्रू, क्योंकि यही इंटरमीडियरी था जिसके प्लेटफॉर्म को यूज करके आपने कंपनी को पैसे दिया था। सही बोला मैंने, ध्यान से देखिए, आपने जब पैसे दिया था बीच में कौन था, मिलन किसने करवाया था, तो मिलन करवाया था तो एक्सचेंज वाले को, तो मिलन करवाने वाले पार्टी का ही जिम्मेदारी है कि वो आपके तक पहुंच के और वो सारे इन्फॉर्मेशन देगा। इसीलिए आज के डेट पे जब ये कंपनी को 3 महीने का बिजनेस रिपोर्ट करना होता है, तो अब मुझे बताओ एक एक इन्वेस्टर को मैं कैसे पहुंचाऊं ये रिपोर्ट, सबसे पहली बात। और अगर मान लीजिए हम कहते मेल कर देते हैं सबको, है ना, मेल भी करोगे टाइमिंग का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो सबके लिए रिक्वायरमेंट ये रखा सेबी ने, सेबी जो रेगुलेट करता है मार्केट को, उसने क्या बोला कि देखो कंपनी आपको क्या करना है, जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल होंगे किसी को भी बताने से पहले, सबसे पहले आपको किसको बताना पड़ेगा, एक्सचेंज को। एक्सचेंज में आप अपना इंफॉर्मेशन दे दीजिए, एक्सचेंज पे आप अपना रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए, फाइनेंस का रिपोर्ट अपलोड कीजिए कि आपका ये रहा, इतना ऐसे संपत्ति रहा, इतना आपने रेवेन्यू के जनरेट किया, इतना प्रॉफिट कमाया, इतना का आपने खर्चा किया, सारा चीज आप कहाँ अपलोड कर दीजिए, NSE पे। ये इन्वेस्टर इतना समझदार है कि उनके अपने आप वहां जाके वो चेक कर लेगा, बस आपका काम है हमें बता दो, हम मान लेंगे कि सबके तक पहुंच गए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने नहीं देख पाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बाद में जाके अपना चेक कर लेगा, समझ में आ गए, और आप अपने भी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दो, लेकिन सबसे पहले इन्फॉर्म किसको करने पड़ेंगे, आपको, एक्सचेंज को। जब एक्सचेंज के पास इंफॉर्मेशन आता है तो एक्सचेंज आपको ये अनाउंसमेंट यहां से दिखाता है आपको, ठीक है। जब आप NSE के साइट पे जाओगे और BSE के साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट दिखेगा, ठीक है। ये मैं न्यू वाले वेबसाइट पे, थोड़ा सा मैं न्यू हूँ इस पे, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज्ड टू नहीं हुआ हूँ इस पे, ओल्ड वाले पे तो मुझे एक एक सारा चीज़ पता है। तो मैं कोशिश करते हैं हम लोग भी न्यू वाले वेबसाइट पर ही जान पहचान बढ़ा लेते हैं। इसके कुछ डेटा होगा, मार्केट डेटा, इसमें कहीं पर अनाउंसमेंट दिखेगा, ठीक है, देखते हैं कहाँ पर अनाउंसमेंट रखा है। मार्केट डेटा के अंदर अनाउंसमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के अंदर अनाउंसमेंट नज़र नहीं आ रहा है, लिस्ट के अंदर ये रहा, कॉर्पोरेट फाइलिंग में ये देखो अनाउंसमेंट कुछ नज़र आ रहा है, यानी कि इसने लिस्ट में डाला है, जबकि यही पुराने वाले अगर वेबसाइट पे हम जाते तो पुराने वाले वैसे पुराने, अब क्या करना है, कुछ दिन के बाद तो वैसे भी हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, ये है पुराने वाले, ठीक है। इसमें देखो कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट करते वो यहाँ पे होता है, कॉर्पोरेट का इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट, यहाँ रियल टाइम अनाउंसमेंट चल रहा होता है, रियल टाइम कैसे, ये देखो यहाँ से आपको एक एक चीज़ दिखते हैं कि कोई इसास शिपिंग लिमिटेड है,
इसने शेयर होल्डर्स का मीटिंग के लिए कुछ, देखो ये रात को 12:30 पे भी उसने रिपोर्ट किया हुआ है। तो कुछ लोग बोलेंगे अच्छा 12 बजे रात में भी सब जाग रहे होते हैं क्या? अब देख लो, अब आपके सामने पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग रात रात तक चलता ही नहीं चलता है, चलते? और अगर मान लीजिए रात में मीटिंग हो गई और वो इन्फॉर्म करने में लेट कर देता है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कहीं बाहर लीक हो जाए, तो इसीलिए वो लोग अपने आप को सेव करने के लिए उसी टाइम क्या करता है, रात है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हर इंसान रात को भी काम करते हैं, तो रात को ही आप क्या कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, एक्सचेंज वहाँ पे क्या करेगा, वो अनाउंसमेंट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट अगर किसी को पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सबके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखना किसी का अभी कौन सी मंथ चल रहा है, अभी मंथ चल रहा है, अभी तो कोई भी क्वार्टर का अभी जो है ना, ये फाइनेंशियल रिजल्ट किसी का भी अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा है। जनवरी से जो होंगे ना, जनवरी 14 जनवरी के आसपास से सबका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर जो दिसंबर एंड होंगे, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो होगा वो आपका जनवरी 14 से स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर केस में आईटी कंपनी से ही शुरुआत होती है, क्योंकि आईटी कंपनी को बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सर्विस देता है, इसके बहुत ज़्यादा हौच-पौच होता नहीं ट्रांजेक्शन का। इन लोगों का जो क्वार्टर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा सा लेट आता है, फेबररी एंड तक, मार्च के मिड तक सबका आ जाता है। मार्च के एंड तक जितने भी कंपनी लिस्टेड है सबका क्वार्टर का रिजल्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर वो डिफॉल्ट में पर आ जाएगा, फिर उसके बाद नोटिस आना शुरू हो जाएगा इन लोगों को, और वो देना ही होता है हर का। तो ये जो 3 महीने का बिजनेस है जिसको क्वार्टर का रिजल्ट हम लोग कहते हैं, वो रिजल्ट को आप लोग जो है उसको नाम क्या देते हो, लिमिटेड रिव्यू। याद कर लो, कुछ लोगों ने नहीं किए हो तो, लिमिटेड रिव्यू जो होते हैं वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, याद रखिएगा। ऑडिट नहीं हुआ है, सीए ने साइन किया है, तो कुछ लोगों को दिमाग में ये आता है सीए ने साइन किया है तो अनऑडिटेड कैसे हो गया? वो अनऑडिटेड इसलिए है क्योंकि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को जाके वेरीफाई नहीं किया है, उसने जो मशीन खरीदा है 1 करोड़ का उसको उसने चेक नहीं किया है कि उसने जो 1 करोड़ का मशीन खरीदा है उसने 1 करोड़ का इनवॉइस लगा भी है नहीं भी लगा है, सही से उसने एंट्री किया है नहीं किया है, जीएसटी का क्रेडिट लिया है नहीं लिया, वो सब चीज जो होगा ना, वो सारे काम कब करना आप, वो सारा काम कब करते हैं सीए? ईयर एंड पे, ईयर एंड पे जाके करते। तो जो आप देखना, जो चौथा क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना वो ऑडिटेड होगा, जो लास्ट के क्वार्टर जो होते हैं, जैसे आप मान लीजिए अभी आपने क्या किया, अप्रैल से लेके जून का अपना पहले क्वार्टर दे दिया, ठीक है जी, फिर आपने जुलाई से लेके सितंबर तक का सेकेंड क्वार्टर डिक्लेयर कर दिया, ये भी अनऑडिटेड है, ये भी लिमिटेड रिव्यू के साथ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का फिर ये थर्ड क्वार्टर ले लिए, यानी कि ये सब क्वार्टर का, Q1, Q2, Q3 है ना। और देखना ये जैसे ही आपका अप्रैल से लेके जून कंप्लीट होते हैं तो जुलाई 15 से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, और जुलाई से लेके अगस्त क्या सेप्ट हाँ सेप्टेम्बर मिड तक ये आते रहते हैं। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जून कंप्लीट हुआ, जुलाई से शुरू हो गए, अगस्त के एंड तक ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा कहा जाता है, 2-4 दिन जो है वो सेप्टेम्बर में भी जाता है। तो वैसे देखिए अब कौन सी रह गया, जनवरी से लेके मार्च तक, जब ये Q4 का आएगा ना तो ये वाले जो होंगे ना आपका, क्योंकि उस टाइम ऑडिटिंग हो चुका है इसका, सीए ने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट उसको फाइनल कर चुका है, तो ये होता है आपका क्या, ऑडिटेड। बाकी जितने भी होते हैं ये सारे अनऑडिटेड होते हैं और ये लिमिटेड रिव्यू के साथ जाता है। वैसे वहां पे भी लिमिटेड रिव्यू होते हैं लेकिन वो ऑडिटिंग भी हो चुका होता है, तो और इस दिन पे जब जाएगा तो वो 1 क्वार्टर का तो फाइनल करता ही करता है, और उसके साथ साथ वो 1 साल का फिर से दोबारा इश्यू करता है। यानी कि जो लास्ट क्वार्टर होते हैं उसमें दो दो ऑडिटेड जाता है, एक तो 1 साल का पूरा ऑडिटेड जाएगा और फिर उसके बाद 3 महीने का भी लास्ट क्वार्टर जो होगा वो आपका ऑडिटेड होगा। बाकी जितने भी होते हैं अनऑडिटेड क्वार्टर का रिजल्ट होते हैं, वो अगर आपको कभी देखना है कि कौन सी कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां से आपको दिख जाएगा। चलिए तो ओल्ड में था, एक काम करते न्यू में थोड़ा सा देखते हैं कहाँ दिखता है हमें वो, ठीक है जी। न्यू में हम अनाउंसमेंट तो चले गए थे शायद, अनाउंसमेंट तो कहाँ से आ गए, लिस्ट पे गए, अनाउंसमेंट पे क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा है, देखो इसका भी यहाँ पे वही दिख रहा होगा क्योंकि एक ही वेबसाइट अभी दो चल रहा है इसमें, इसका बस इंटरफेस थोड़ा सा बदल गया। ये देखो इशाज शिपिंग अब यहाँ पे लिख के दे रहा है कि सबमिटेड द एक्सचेंज चेंज अ कॉपी स्क्रूटनाइज रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ दिसंबर समथिंग, ये पूरा पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लीजिए। December 23 फर्दर द कंपनी हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग वोटिंग रिजल्ट समथिंग कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे भी देख रहे हो 12:30 पे ये फॉरकास्ट हो रखा है। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पे जैसे देखो अनाउंसमेंट में कैसे अनाउंसमेंट दिया है, उसने कैसे
भेजा है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पीडीएफ का अटैचमेंट होता है। तो अगर क्वार्टर का रिजल्ट दिखता ना तो बहुत बढ़िया होता आपके लिए। सब्जेक्ट किसी का कहीं पे छूटा फूटा रह गया हो जिसका, उसका अगर आपको दिख जाएगा तो देखिएगा सीए के सारे उसके सिग्नेचर के साथ कौन उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ये वन डे का था, वन वीक का अगर आप देखना चाह रहे हो तो इसने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक ठाक किया है। प्रेस रिलीज है, एनालिस्ट मीटिंग है, ट्रेडिंग विंडो डिस्क्लोजर अंडर समथिंग, अपडेट्स अपडेट्स न्यू वेरिफिकेशन। अभी तो टाइम ही नहीं ना क्वार्टर के रिजल्ट का, इसीलिए नहीं। ये है कुछ क्लैरिफिकेशन फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है जी, पहले वाले में क्या होता था, सर्च करने का ऑप्शन नहीं था, अभी वाले में सर्च करने का ऑप्शन भी दिया है उसने। यानी कि ऊपर आप सर्च कर लोगे तो पुराना वाले भी आपका जो रिजल्ट होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, जबकि उस वाले जो पुराने वाले वेबसाइट था ना इसमें सर्च करने का ऑप्शन होता था लेकिन वो अनाउंसमेंट सर्च नहीं होता था, वो सर्च जो हो जाता था ना उसका दूसरा जो ट्रैक जो कंपनी का डिटेल है ना वो सर्च हो जाया करता था। जैसे अभी वाले में मुझे लगता है अनाउंसमेंट भी सर्च होता है। जैसे मान लो ये हमारा अनाउंसमेंट है, हम इसमें सर्च करने जाते हैं, कोई एक कंपनी का नाम लिखते हैं, देखते हैं उसने क्या कब कर रखा है। सर्च कंपनी नहीं, वो तो ऊपर था दूसरा सर्च है। ये रहा यहाँ पे सब्जेक्ट कीवर्ड। ओके, सब्जेक्ट भी सर्च करना है। ओके ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग INFY इन्फोसिस का। ठीक है जी, इन्फोसिस का ये देखो, इन्फोसिस का जो जो भी होगा प्रेस रिलीज और अलॉटमेंट ऑफ इस समथिंग जो है ये आपको 23 दिसंबर या 18 दिसंबर का है, यानी कि इससे पुराना ये नहीं दिखा रहा है। अच्छा ये वन वीक है इसीलिए यहाँ दिखा रहा है। ओके, 3 मंथ में लूँगा तो दिख जाना चाहिए। ये देखो 3 मंथ में इन्फोसिस का एनालिस्ट कितना नोटिफिकेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ना सबसे पहले कहाँ बताया जाता है, एक्सचेंज में। और ये जो भी कुछ दिखा रहा हो दिमाग में सेट कर लो, फिर बाद में मत बोलना कि हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से दिखा देते हो। अगर आपको अभी देखना है तो ध्यान से देख लो, इसीलिए तो मैं आपके सामने देख देख के जा रहा हूँ कि कौन सी मेन्यू पे कहाँ गया हूँ और आपके सामने ही सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस पर ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ न्यू वाले वेबसाइट पर, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इसको यूज ही नहीं किया है। फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा है आपको कुछ, ये फाइनेंशियल रिजल्ट जो होगा ये देखो कब का है, ये 11 अक्टूबर। तो अक्टूबर आप मुझे बताओ, अभी लास्ट सेप्टेम्बर लास्ट जो वो क्या था, लास्ट क्वार्टर जो गया है, अभी सितंबर क्वार्टर गया है, सितंबर का रिजल्ट कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से। देखो कब अक्टूबर, कितने अक्टूबर का इसका रिजल्ट आ चुका था, 11 अक्टूबर को। अब कहते हैं कि हम वो 11 अक्टूबर को उसने क्या सबमिट किया था वो हमें देखना है। तो ये देखो यही चीज है, थोड़ा सा जब कोई भी चीज़ नया लेके आता है तो कुछ एक फ़ायदा होता है। ये जिस तरीके से अभी आपने NSE के साइट पर ढूंढ लिया ना, पुराने वाले वेबसाइट पे मिलता ही नहीं था, जाके एकदम पीछे जाओ तब तक डेटा भी डिलीट कर देता था या कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट है, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम हमने अनाउंसमेंट को भी सर्च कर लिया। और उस टाइम पे क्या होता था, हमें अगर PDF देखना होता उसको कि उसने क्या क्या फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट किया था, तो वो मुझे मनी कंट्रोल के साइट पे जाके वो लोग क्या करते थे, हिस्ट्री में बचा के रख लेते थे, तो वहाँ पे जाके हम डाउनलोड करते थे। अभी आप डायरेक्टली NSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे मनी कंट्रोल कहाँ से आ गया, अभी मैंने बताया नहीं, बाद में बताऊंगा, भूल जाते। ये देखो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने डाउनलोड किया, ये हमारा डाउनलोड होके आ गया वापस। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, देखते हैं उसने ये देखिए क्या क्या चीज़ इसने सबमिट किया था, कौन इसका ऑडिटर है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। कैसे लिमिटेड रिव्यू का रिपोर्ट बनता है ये भी आप देख सकते हो। मान लीजिए कभी आपके सामने लिमिटेड रिव्यू का अपॉर्चुनिटी आया और आपने कभी किया नहीं है, चलो ऐसे सोच लो कि अभी आपने किया नहीं है और आप क्वालिफाई कर गए और अब आपको उस टाइम लिमिटेड रिव्यू देखनी है। अब उस टाइम डेटा ढूंढते रहो तो इसको ले लो उसके ले लो, गूगल पे तो सारा डेटा मिलेगा नहीं आपको, वैसे पब्लिक कंपनी का तो आप उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहीं से जाके देख लीजिए कि वो लोग कौन ऑडिटर है, किसने कैसे बना रखा है। ये देखिए आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग करके सारा चीज़ें, फाइनेंशियल रिजल्ट जो जो चीज़ बताएगा वो सारा चीज़ यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। हम ये सब चलो पढ़ते रहिएगा आप लोग, हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये कुछ समराइज करके ये अपना सीट बना रखा है। अब ये न्यूज़ के बाद हैं, उसी का है ना, ये इतना ये कलरफुल ये प्रेजेंटेशन करके कब से देने लग गया ये, वो PDF का अटैच वो फॉर्मेट होता है, ये PDF का स्कैन फॉर्मेट। रुको 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 रुको, देखने दो ये सब, जैसे वो सिग्नेचर किया होता है ना उसका, जब बना हुआ प्रिंट आउट होते हैं, वो प्रिंट आउट का स्कैन कॉपी भेजा जाता है। ये तो पूरे के पूरे क्या है, ये तो पूरे के पूरे ये 62 पेज का ये PDF फॉर्मेट में बनाया हुआ एकदम। नहीं ये वाले तो नहीं आता था,
मैंने नोटिस नहीं किया ना पीछे, इस पे साइन थोड़ा ना किया होगा, देख रहे विदाउट सिग्नेचर के साथ है। ये रहा अब डिलॉयट जो है इसका क्या है, ऑडिटर है। अब ये रहा इसका स्कैन कॉपी होना चाहिए, सब सिग्नेचर के साथ होगा। ठीक है आओ ना देखते हैं ना हमने क्या डाउनलोड किया है। रुको इतना थोड़ा ना होता है उसका, एक सेकंड रुको, क्या डाउनलोड किया अभी, इन्फोसिस रिजल्ट एक्सचेंज द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंड 30 सितंबर। हाँ हमने इसी पे तो क्लिक किया था है ना, जीपी से ही तो डाउनलोड किया था, डाउनलोड भी हो गया और ओपन भी हो गया। ठीक है इतने वही वाले डाउनलोड होके 62 पेज का सबमिट किया हुआ है। ओके जी हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो गया हो, मेरे को आइडिया ही ना हो, अपने आप बढ़ गया। एक ही पीडीएफ था क्या इसमें? ओके ठीक है थोड़ा सा चेंजेज है ना इसीलिए मैं देख रहा हूँ ना कि इतना सा इतना बढ़िया से तो प्रेजेंट किया हुआ वो उसमें होता है, एनुअल रिपोर्ट जब होते हैं सारे पूरे मैगजीन के जैसे पूरा प्रेजेंट किया होता है, लेकिन जो क्वार्टर का रिजल्ट होता है उसमें बस सिंपल बैलेंस शीट पीएल सारे जो सिग्नेचर किया हुआ वो धुंधला धुंधला जो होते हैं ना स्कैन कॉपी सीधा आता है। ठीक है तो इसीलिए मेरे को देखा हुआ वो है। अब यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल है, तो मुझे लग रहा है कुछ गलत चीज़ तो डाउनलोड नहीं कर लिए, इतना प्रेजेंटेशन के साथ नहीं होगा। चलो ना हमें वो देखते हैं आगे, ये भी देख रहे हो ये भी स्कैन कॉपी नहीं है। चलो कोई नहीं हम इसी को देख लेंगे, हो सकता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लिया इन लोगों ने भी। ये देख रहे हो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको प्रेजेंट करके दे रहा है, तो ये चीज़ आप वहाँ से आप अपना पढ़ सकते हो। ठीक है अब मुझे अब यहाँ पे पढ़ने का भी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि एक किस तरीके से ये लोग आपके सामने तक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। चलिए मान लीजिए हम लोगों ने जो कंपनी बनाया था वो आप देखते रहिए 62 पेज का है, ये कुछ ज़्यादा है। दूसरा भी कंपनी का एक दो बार जब इस बार आएगा ना तो देख लेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने अप्रूव्ड अन इफेक्टिव अक्टूबर 11। ओके ठीक है इम्प्रूवमेंट किया होगा। चलिए वापस आते इसको क्लोज करें, ये तो बस मैंने दिखा दिया कि इस तरीके के फॉर्मेट में आपके सामने आता है, बाकी आप रीड करते रहिए, मेरा काम था उसको दिखाना प्लेटफॉर्म दिखाना कि कौन सी प्लेटफॉर्म से कैसे हमारे सामने आता है। ओके तो यही हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लिया था, 3 महीने बीत गए, कंपनी सबमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ 3 मंथ दैट इज लिमिटेड रिव्यू अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक रिजल्ट साइंड बाय स्टैचुटरी ऑडिटर। स्टैट ऑडिटर का ही काम होता है लिमिटेड रिव्यू को साइन करना। ठीक है प्रॉफिट रिकॉर्डेड मान लीजिए 50 करोड़, 50% ऑन कैपिटल। मान लो इतना ज्यादा बढ़िया हो गया कि पैसे कितने लगाए थे इसने, जाग रहे हैं ना सब? नहीं जाग रहे तो बस सोते रहिएगा, आप ये सोच लेना कि हमारे काम का तो ये है ही नहीं, और जब डेरिवेटिव वगैरह में सारे लिंक होना शुरू होगा तो उस टाइम बोलिए सर मज़ा नहीं आया। फिर से आते वापस, एक कंपनी का जन्म हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पैसे दिया, 100 करोड़ का बिजनेस शुरुआत किए थे, इसने पहले ही 3 महीने में कितने प्रॉफिट रिकॉर्ड करके लेके आ गए, 50 करोड़। अब मुझे बताइए जिस एबीसी ने पैसे दिया था उसका फीलिंग क्या होगा, लग रहा होगा अरे मैंने तो बढ़िया कंपनी में पैसे लगा लिया, मैं तो अच्छे अपॉर्चुनिटी को देख पाया, मेरे में वो हुनर है कि मैं अच्छे बिजनेस को पहचान सकता हूँ। इनको अब अपने आप पे क्या हो रहा होगा, गर्व महसूस हो रहा होगा। किसको? ये जितने भी इन्वेस्टर इनिशियली कहाँ इन्वेस्ट किया, आईपीओ में, आईपीओ में जो इन्वेस्ट किया था वहां से। अच्छा मैं आईपीओ की कल बात कर रहा था कि आईपीओ के लिए, चलो इस पे भी डिस्कशन अभी ही कर देता हूँ। आईपीओ का जब भी कभी अप्लाई करना होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आज के डेट पे बैंक के थ्रू है, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग बैंक में चल के, आप जो भी आप बैंक यूज करते हो उसको नेट बैंकिंग में जाइए। ठीक है नेट बैंकिंग में आप जाते हो वहां पे उसको लॉग इन करिए, हाँ जी लॉग इन जब हो जाएगा तो यहाँ देखिए इसके लॉग इन होने के बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट पे जाना है, इन्वेस्टमेंट पे जब जाओगे तो देखिए ऑनलाइन आईपीओ आ रहा है, इस ऑनलाइन आईपीओ पे क्लिक करिए। जब ऑनलाइन आईपीओ पे क्लिक करोगे आप फर्स्ट टाइम हो मान लीजिए, तो आपको कहता है रजिस्टर करना है कुछ जिसमें आपको बेनिफिशियरी डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे क्या करना है अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया है रजिस्टर, फर्स्ट टाइम होगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर क्या करोगे
आप अपने डीमैट अकाउंट को जब तक रजिस्टर नहीं करोगे तो शेयर आएगा कहाँ, क्योंकि आपके बैंक में तो डीमैट अकाउंट है नहीं। तो आप अपने डीमैट अकाउंट का सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोगे, बोलोगे क्या क्या चीज़ देंगे, तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है, डिपॉजिटरी बताओ। अब आपको डिपॉजिटरी नहीं पता है तो घूमते रहिए, इसलिए तो हमने पहले ही बता दिया कि डिपॉजिटरी कौन है जो हमारा। देखो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहा होगा, एक NSDL एक CDSL। अब आप बोलोगे कि कौन सी है, जैसे आपका जीरोधा में अगर अकाउंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरोधा का वो किसका एजेंट है, NSDL का एजेंट है या CDSL का एजेंट है। समझ में आ गया? तो जीरोधा जो है आपका वैसे दोनों का एजेंट है, वो जिस कंपनी का जिसके साथ जरूरत पड़ता है उसके साथ होता है। तो वो क्या कर रखा है, अभी जो आपका होगा है वो ऑलमोस्ट आपका ये जितने भी डीमैट अकाउंट आ रहे हैं वो CDSL के साथ आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे CDSL का अकाउंट डालोगे। बेनिफिशियरी नंबर ये आपको अलाउ वो आपको देता है, जब आप उसके प्रोफाइल में जाओगे ना कंसोल पे जाके तो वहाँ पे आपको दिखेगा बेनिफिशियरी नंबर। पैन कार्ड डालिए, इन्वेस्टर नेम डालिए, ईमेल आईडी आपका वो है, प्रोसीड करिए। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन के लिए आएगा, वो कंफर्म कर दोगे तो आपका वो ऐड हो जाएगा, जैसे हमने अभी पहले से उसमें रजिस्टर कर रखा है। रजिस्टर जो हमने किया हुआ है वो शेर खान वाले जो मेरा आईडी है, DP अकाउंट है, वो मैंने रजिस्टर किया हुआ है, मैंने दूसरा भी रजिस्टर किया नहीं है इस पर। तो ये देखो ये जो मेरा DP ID जो दिख रहा है ये DP ID जीरोधा वाले नहीं है, वो किसका है, शेर खान वाले। मान लीजिए मुझे IPO पे अप्लाई करना है, कहाँ पे करेंगे अप्लाई फॉर ऑन इक्विटी IPO, देखिए अभी आ रहा है ऑल अवेलेबल IPO में, अभी जो है ना एक IPO भी ओपन है, ठीक है। अब इसका डिटेल देखना चाह रहे हो, बैलेंस या कोई भी है जो भी है, व्यू IPO डिटेल्स, हमने यहाँ पे IPO का डिटेल देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये कह रहे हैं ये आपका ये कंपनी है, बिड लॉट 3,000 का है, मतलब ये हो गया कि एक बार में जो आपको खरीदना है वो कितना खरीदना है, 3,000 3,000। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और मिनिमम प्राइस 46 है, मैक्सिमम प्राइस 46 है, यानी कि 46 सिंगल प्राइस बिडिंग है इसका। सिंगल प्राइस बिडिंग का मतलब ये हो गया, जैसे अभी आप दूसरा जो IPO आएगा उसमें एक प्राइस रेंज देता है, प्राइस रेंज क्या हो गया कि एक आपको छोटा रेंज देगा एक आपको बड़ा रेंज देगा, आप बताओ कितने में खरीदना चाहते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहते हो छोटे रेट पे मैं खरीदना चाहता हूँ और कंपनी ने बड़े रेट पे इशू कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। और अगर आपने मान लीजिए बड़े रेट पे खरीदना चाहा और उसमें मान लीजिए आप जिस रेट पे खरीदने चाह रहे हो यानी कि अपर लेवल पे खरीदना चाह रहे हो और वहां पे मान लीजिए कंपनी को फंड रेज करना था 5,000 करोड़ और वहां पे 1,000 करोड़ के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, तो 5,000 करोड़ वाले को तो मिलेगा ही नहीं, तो वहां पे फिर केस में क्या होता है, रिटेल कैटेगरी में लॉटरी सिस्टम चलता है आज के रेट पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोराटा बेसिस पे, कि चलो प्रोराटा दे दो, यहाँ एक लॉट से नीचे प्रोराटा नहीं चलता है, समझ में आ गया। प्रोराटा तो चलता है, अलग अलग कैटेगरी होता है, वहां 3 कैटेगरी होते हैं, एक होता है रिटेल कैटेगरी, एक होता है HNI कैटेगरी, एक होता है आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। तो HNI क्या होता है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। रिटेल कैटेगरी में वो आता है जो 2 लाख से नीचे के लिए अप्लाई करता है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, ठीक है। ये IPO क्लोज होगा कब, 27 दिसंबर को, ओपन हो चुका है 23 दिसंबर को। अभी तक कितना इसमें लोगों ने अप्लाई किया है ये अगर देखना चाह रहे हो तो ये आपको सारा डिटेल आपको दिख जाएगा कि अभी तक कितने परसेंट, सॉरी कितने टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। चलो ये अगर देखना चाहोगे तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक काम करते, क्या था इसका नाम, वैलेंसिया, ठीक है। इसका हम लोग यहां से सर्च करते कितना वो हुआ है, ये देखिए किसने किसने रिपोर्ट दे दे रखा होगा, IPO डेट प्राइस रिव्यू डिटेल्स। अब जो बहुत ही वो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर IPO नहीं होते, हाँ 84 क्या, सेमी वेलेंटियन न्यूट्रिशन किक ऑफ इशू रिसीव्ड बिड फॉर 84,000 शेयर, सिर्फ 84,000 शेयर के लिए इसने बिड रिसीव किया एक दिन पहले की बात, इकोनॉमिक टाइम्स में। ओके चलो इसी को देखते, ये देखिए कह रहे कि दी इनिशियल IPO ऑफर बाई SME, अच्छा वो SME का है, स्मॉल मीडियम, ओके SME तुम्हें कम ही आएगा ना। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल इतना शेयर चार्ट इतना ईच इन दी फिक्स प्राइस इशू, तो आप सोचो 46 में आप इशू करने जा रहे हो, 3,000 है, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 46, 1,38,000, हाँ क्या, IPO 27 को बंद होगा, इशू विल क्लोज ऑन 30 दिसंबर, तो होते रहते हैं सब, रिपोर्ट तो कोई ना कोई इंसान ही बनाता है मिस्टेक, वो नहीं मिस्टेक करेगा, कौन, नहीं
बैंक में जो अभी देख रहा हूँ, जहाँ अप्लाई करना वाला, वो 100% परफेक्ट है। यहाँ मिस्टेक हो सकता है क्योंकि वहाँ का कन्फर्मेशन जो होते सही होते। देखो कितना खरीद, कितना इशू करना चाह रहा है, 15 लाख शेयर, और पिछले दिन तक कितने लोगों ने अप्लाई करना चाहा, 84,000, बहुत ही कम, अंडर सब्सक्राइब है। समझ में आ गया बात, आईपीओ फुल भी नहीं हुआ यहाँ पे। और यही जब आप IRCT का जब आईपीओ आया था, 113 गुना, 113 टाइम्स, मतलब समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए 1,000 शेयर इशू करना है तो 1,000 × 113, यानी कि वहां पे 1,000 वाले के लिए कितना हो गया, 1,13,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से एक मैंने भी किया था, और वो भी ऐसे ही बताते टाइम दिख गया, अप्लाई कर दिया और मिल भी गया, ठीक है। और मिल जो गया था उसमें 110% के प्रॉफिट पे निकाल दिया था, 110%, क्योंकि पहले ही दिन जो लिस्टिंग हुए थे ना, पहले ही दिन 150% पहुंच गया था, 336 रुपये के आसपास प्राइस था, और सेम डे 750 तक पहुंच गए, मैंने 680 पे निकाल दिया है ना, और 750, और उसके अगले दिन 2-3 दिन के अंदर वो 900 समथिंग पे पहुंच, यानी कि 3 गुना हो चुके हैं 1 हफ्ते के अंदर वो स्टॉक। तो उस टाइम अब ठीक है, लोगों को लगा कि उसके बिजनेस बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा ही चल रहा है, आज भी आई थिंक 900 के आसपास ही चल रहा है। चलो वापस आते हैं, फिर उसके बाद अभी आया था कोई एक बैंक आया था, उसका भी सब्सक्रिप्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स तो शायद उसका भी गया था, उसमें भी अप्लाई किया था। नहीं, उज्जीवन वाले का तो मुझे आइडिया नहीं कितना टाइम से गया, उसमें भी नहीं मिला था, उसमें भी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा, उज्जीवन स्मॉल बैंक वाले। उससे पहले एक और बात है, CSB या CBS, हाँ CBS कोई एक बैंक था, वो बैंक में भी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा था, उसमें भी मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पर फिर नहीं मिला था। चलो वापस आते, तो यार वो तब तक तो एक्सपायर हो गया होगा ये। अब देखिए यहाँ पे जाते हो, कहते सेलेक्ट कीजिए अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, कहते इन्वेस्टर का कैटेगरी बताओ, आप किस तरीके का इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हो। यहाँ पे आएगा रिटेल होगा, इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर अप टू 2 लैक्स एंड इंडिविजुअल HUF ट्रस्ट अप्लाइंग फॉर ग्रेटर देन 2 लैक, यानी कि हम जो भी आएंगे इस कैटेगरी में आएंगे, रिटेल कैटेगरी में, जो 2 लाख से नीचे के लिए अप्लाई करेगा, यहाँ पे जब प्रोसीड करोगे, योर सेशन इज अबाउट टू एक्सपायर, प्लीज क्लिक, एक्सपायर हो चुका है, हो गया। ये देखिए अब ये कह रहे हैं, आप मुझे बताओ कितने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ बिड लॉट, आपको 3,000 और उसके मल्टीपल में ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए हम 3 लाख खरीदना चाह रहे हैं, तो 3,000, सॉरी 3,000 शेयर आएगा, कट ऑफ प्राइस वही है जो आपके इसमें, तो सिंगल प्राइस है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप नहीं तो उसमें क्या होता है, जब 2-3 प्राइस होते तो हम कट ऑफ प्राइस रख देते, इसका मतलब जितने पे इशू करेगा उतने पे मैं खरीदने को तैयार हूँ, ये हो गए। अब उसके बाद नहीं, अगर उतने पे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कट ऑफ रखो या 46 रखो, दोनों तरफ क्या जाएगा, एक ही होगा, क्योंकि प्राइस ही क्या है इसके लिए, एक है। हाँ बाकी जिसका 2 प्राइस होते, जैसे मान लीजिए लोअर होता 45 और अपर होता 46, तो ये कट ऑफ सेलेक्ट करने पे क्या होता है कि कंपनी जितने पे इशू करेगा उतने पे खरीदने को तैयार हूँ मैं अपना प्राइस ही नहीं देना चाह रहा, बस मुझे आप बस दे दो, समझ में आ गया। और अगर नहीं अपना प्राइस डालना चाह रहे तो फिर अपना प्राइस दे दो, समझ में आ गया बात। तो नॉर्मली ये करते, अब उसके बाद प्रोसीड करोगे, प्रोसीड अभी नहीं होगा मेरा क्योंकि मेरे फंड में क्या है उसमें कम है, क्योंकि इसमें बैलेंस जो ज़्यादा है, प्रोसीड करेंगे तो फंड मेरा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अभी भी कहाँ रहेगा, वो बैंक में ही रहेगा, अभी उनके पास जाएगा नहीं। जब अलॉटमेंट का डेट आएगा, अब उस दिन, इसमें तो 100% अलॉटमेंट मिलना ही मिलना है, इसमें तो 100% अलॉटमेंट मिलना है, क्यों मिलना है, क्योंकि सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के केस में जो हम अगर प्रोसीड करेंगे, जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो वो शेयर मेरे कहाँ आएगा, मेरे शेयर खान वाले डीमैट अकाउंट में आएगा, समझ में आ गई बात। तो ये है तरीका एक आईपीओ अप्लाई करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली चले जाओ कहाँ पे, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे ब्रोकर आज के रेट पे अलाउ नहीं करता है, लेकिन जीरोधा वाले पे आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन वो UPI से ही करवाएगा और UPI पे आपको जाके मैंडेट करवाएगा, और UPI में भीम UPI ही आपका यूज होगा, समझ में आ गई बात। चलो वापस आते हम लोग, तो ये हो गई, इसको हम लोग क्लोज करते। अच्छा हाँ, वो जो मैंने किया था ना जी, वो मैंने किया था कल रात को, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मैंने नोटिस नहीं किया था, मेरे HDFC बैंक में मैंने डाला यहाँ से, और HDFC बैंक में नेट बैंकिंग में मेरा ये बेनिफिशियरी ऐड नहीं था, और ये नखरेबाजी उसका बहुत ज़्यादा है HDFC बैंक वाले का, 30 मिनट तक के बाद आपका फंड ट्रांसफ़र होंगे, IMPS सिर्फ 25,000 करने देगा 24 घंटे तक, और अगर NEFT करोगे तो मैक्सिमम आपको 50,000 करने देगा, और फिर 24 घंटे नहीं 48 घंटे तक वो 1 लाख अलाउ करेगा, और मैंने यहाँ पे 1.5 लाख डाल दिया था, ये रहा।
ऊपर से मैंने जल्दी करने के लिए देख रहे हो, ये आपका जो टाइमिंग था ना 11:55 पे किया था मैंने, ठीक है, उसमें 17 17 रुपीज़ का मुझे वो भी ले लिया था, चार्जेस भी ले लिया। और जब मैं जा गया, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया HDFC में, ठीक है, कि मैंने ये बोला कि चलो ठीक है, मैंने 12:10 पहले मैंने HDFC में डाल दिया, और मैं HDFC से 12:10 में वापस ले आता, और अब मैं देखता कि एक दिन का इंटरेस्ट मुझे देता ही नहीं देता है। तो अब वहाँ पे तो मैं ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता था, ट्रांसफ़र किया सारे रिजेक्ट हो गए। उसके बाद में भी ट्राई किया तो भी वो 50,000 भी नहीं लिया उस टाइम, कल मैंने मॉर्निंग में ट्राई किया था, नहीं लिया, फिर दिन में भूल गया, ठीक है। अब कोई बात नहीं, वो अब उधर चला गया है, अभी पूरा एक बार ले आएंगे, और अभी तक हमारे पास इसको चेक करने के लिए अभी 5 दिन और है, फिर दोबारा एक बार और ट्राई कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। या नहीं तो वैसे भी तो काउंटिंग हो जाएगा, कैसे, हमने 11:50 पे डाला है तो, और मान लीजिए हम अगर आज ही भी आज मैं अब ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है, तो अब मैं मान लीजिए आज ट्रांसफ़र करता हूँ, तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी ना कि कितने दिन का मिला, मैंने परसों रात को किया तो परसों काउंट किया उसने या नहीं किया, क्योंकि मैंने 12 बजे से पहले पैसे डाल दिया था, तो 12 बजे के क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस को चेक करेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस में 10 मिनट पहले तो हमने डाला ना, क्या वो 10 मिनट को एक दिन काउंट करता है, नहीं करता है, तो वैसे भी हमारा काउंटिंग हो जाएगी, समझ में आ गया। अगर वो 10 मिनट के बाद वापस कर देता तो बढ़िया से काउंटिंग हो जाता, तो चलो अभी भी काउंटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, यहाँ से वहाँ तक कैसे दिक्कत जाएगी, इतने धीरे धीरे तो चल रहा है, चलो वापस आते, वो माइंड हो जाता है ऐसे कि हमें लग रहा है कि अच्छा हाँ सामने कुछ घूम रहा है, ठीक है, नहीं तो इसका कोई लिंक है ही नहीं वहाँ तक। जैसे होते थे, एक आप वो बचपन में सुना होगा बीरबल की खिचड़ी, वहाँ पे नीचे क्या रख देते हैं, नीचे रख देते हैं कैंडल, ऊपर डाल देते हैं खिचड़ी, और वो पकता ही नहीं है, यही हो गया ना बात, वो एग्जैक्टली सुना है, नहीं सुना है, ठीक है, नहीं सुना है तो माफ़ कर दो, इसको बंद करो, ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर दिए, वापस आ जाते हैं। चलो तो ये काम हमने देख लिया। अगर कभी भी किसी को IPO के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास दो रास्ता है, ठीक है, एक तो ब्रोकर भी आज के रेट पे फैसिलिटी देने लग गए हैं, बीच में तो बिल्कुल ही बंद था ब्रोकर का, अभी ब्रोकर के अकाउंट से बंद है, वो UPI के थ्रू आपको करवा देता है। चलो तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब आइए अपने बिजनेस पे, कितने महीने रन किया हमने, 3 महीने, कितने प्रॉफिट कमा के दिया, 50 करोड़। ये जो पहले के इन्वेस्टर होंगे वो क्या सोच रहा होगा, हम तो जीत गए, हमने ऐसे बिजनेस में पैसे लगाए जिसने 3 महीने में ही कितना रिकॉर्ड कर दिए, 50% का प्रॉफिट। मान लीजिए कुछ DEF को इनिशियली भरोसा नहीं हुआ था, है ना, उसने स्टार्टिंग में चाहा तो था कि अरे ये कंपनी ना मोबाइल बनाने जा रहे हैं, और ये हमने मोबाइल बनाने की बात किया था ना, ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, और हमें इस पे भरोसा नहीं था इस कंपनी पे, लेकिन हमने ये देखा कि इसने तो 3 महीने में ही सीधा 50% का प्रॉफिट रिकॉर्ड करके दे दिया। अब ये क्या चाह रहा होगा बताओ, ये DEF क्या चाह रहा होगा और ABC क्या सोच रहा होगा, थोड़ा तो जल्दी से, आप लोग बहुत ही थके थके से लग रहे हो। DEF सोच रहा होगा कि इस कंपनी का मालिक मैं फिर से बन जाऊं, तो क्या कंपनी इनसे पैसे ले लेंगे, क्या सोचने वाली बात है, मैं तो कहता हूं बढ़िया है, कंपनी तो इनसे भी पैसे ले ले, वो पैसे को क्या करेगा बताओ, इतने लोगों का पैसे लेके तो उसको कमा के भी तो देने पड़ेंगे, फ्री में तो पैसे नहीं दे रहे, वो भी तो कमाने के लिए दे रहे हैं ना। कंपनी कहते हैं देख भाई मैं तुमसे डील नहीं करता, तुम लेट हो गए, तुम्हारे से डील करने के लिए मैं आया था लेकिन तुम्हें हम पे भरोसा नहीं हुआ। मैं कंपनी पब्लिक के साथ एक ही बार डील करता है, याद रखिए, वो कब डील करता है, IPO में, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमरी सेगमेंट, फर्स्ट टाइम का सेगमेंट उसको बोला जाता है कि प्राइमरी सेगमेंट में डील करता है। अब इसके बाद कंपनी क्या कहता है, देखो ना तो ये मेरे पास आ सकता है, मान लीजिए अगर कंपनी अभी लॉस करता तो क्या पैसे मांगने आ जाता, नहीं आता, यानी कि ये जो ABC जो इन्वेस्टर था इसने रिस्क लिया था, रिस्क इस बात का लिया था कि कमाऊंगा मेरा होगा, गवाऊंगा तो मेरा जाएगा, है ना। तो अब आप एक काम करो, इन्हीं लोगों को पटाओ, कौन कहता है, कंपनी कहते हैं मेरे पास मत आओ, मेरा दरवाजा तो बंद हो चुका है, समझ में आ गए। आपको अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस ए को पटाओ, उनके हिस्सेदारी खरीदो, है ना। तो आप मुझे बताइए DEF को कोई चीज खरीदना है तो अब ये किन से मिले, वही पुराने वाले से। अब पुराने वाले से मिलने के लिए एक्सचेंज ने क्या किया, एक्सचेंज ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, क्या बोला पता है, आपको इसके साथ डील करना है ना, डायरेक्टली डील नहीं करने दूंगा, आऊंगा मैं बीच में, कौन, वही NSE BSE, और NSE BSE में भी डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हो, किसके थ्रू आना, एजेंट के थ्रू, ओके। तो
तो अब देखिए क्या होता है यहां पे, ध्यान से देखिए, मैंने यही काम किया है। यह है एग्जिस्टिंग ओनर एबीसी, मान लीजिए ये न्यू इन्वेस्टर को है, ये खरीदना चाह रहा था। कंपनी का बुक्स वैल्यू, बुक वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, बुक में वैल्यू कितना होगा, मतलब क्या हो गया, इसके बैलेंस शीट जो बने होंगे, अब इतना बैलेंस शीट तो समझ आते हैं ना। इसने फंड कितना रेज किया था, 1000 करोड़, इसके संपत्ति कितने थे, 1000 करोड़। अब इसने 50 करोड़ का प्रॉफिट ऐड कर दिया, इसका 100 था, ठीक है जी, जीरो का वैल्यू नहीं होता ना, फिर क्या बोलेगा पता है, मुझे मालूम है क्या बोलने वाले हो। ये देखो 50 करोड़ का ऐड हो गया, आप मुझे बताओ एसेट्स कितना हो गया, उसका संपत्ति कितना हो गया, 150 करोड़, तो उसके लायबिलिटी भी 150 करोड़ दिखाने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ 50 करोड़ कहाँ गया, वो अपना रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ा देते हैं, ये इसका इक्विटी था लायबिलिटी साइड में, इसका रिजर्व एंड सरप्लस आ गए। आप मुझे बताइए उसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी कितना बन गया, 150 करोड़ का, यानी कि ये अब बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस कितने संपत्ति का हो गया, अब ये 150 करोड़ का। आप सोचिए ये डीईएफ अब इस बिजनेस में हिस्सेदारी लेना जा रहा है, आप मुझे बताइए पहले हर एक शेयर का वर्थ कितना हुआ करता था, हर एक कागज के टुकड़े जो लिया था उसका वर्थ कितना था, 10 रुपये का। अब मुझे बताइए उस कागज के टुकड़े का वर्थ कितना हो गया, 15 हो जाएगा ना, बोलोगे कैसे, देखो जब कंपनी शेयर इशू किया था, देखो क्या बोला था हमने, 10 करोड़ शेयर इशू किया था 10 रुपये के रेट पे, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था बताओ, 10 करोड़। अब आप मुझे बताइए 10 करोड़ शेयर का, 10 करोड़ शेयर का वर्थ कितना है, संपत्ति कितना है कंपनी में, 150 करोड़। तो आप मुझे बताइए एक शेयर का वर्थ कितना हुआ, एक शेयर का वैल्यू हो गया 150 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, क्या ₹15 आ गया, क्या ये जो आपने वैल्यू निकाला है क्या वो बैलेंस शीट कहता है ये वैल्यू, जल्दी बोलो, क्या उसका बुक्स कहता है ये वैल्यू, बुक्स का मतलब क्या है, वही तो है बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट की जो हम बात करें, क्या हम इसको कह सकते हैं बुक वैल्यू। तो जब भी कभी हम बोलते हैं कि बुक वैल्यू इस कंपनी का इतना है, तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, बुक वैल्यू अगर 15 रुपये हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बुक वैल्यू 15 रुपये क्या मतलब है, शेयर का मार्केट प्राइस 15 है, नहीं, मार्केट प्राइस तो कौन सी प्राइस होंगे, जितने पे बोली लगेगा। अभी देखो ना आप, ये तो सही मायने में जो बैलेंस शीट जितना संपत्ति क्रिएट किया है, वो संपत्ति के बेसिस पे एक शेयर का वर्थ कितना होना चाहिए, 15 रुपये। तो बुक्स कहते हैं कि 15 रुपये का शेयर होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू शेयर का 15 रुपये हो गए। अब मुझे बताइए कायदे से 15 रुपये में बिक जाना चाहिए, हाँ या ना। अब देखो क्या होता है, एबीसी भाव खाता है, भाव कैसे खाएगा, अरे मैं तो अभी इस कंपनी का देखते जाओ क्या होता है, अभी तो 50 करोड़ 3 महीने में ही कमा लिया, अगले 3 महीने तो 50 करोड़ और कमाएगा, मैं क्यों बेचूं बताओ, मेरे को क्या जल्दी है, क्यों बेचूंगा बताओ, आपका एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं क्यों उसका हिस्सेदारी बेचूं, सोचने वाली बात है। तो कोई बेचने को तैयार नहीं है, डी को खरीदना ही है, ये कहते मैं तो इस कंपनी में खरीद के ही रहूंगा। अब क्या होगा, आपने कुछ मूवी देखा होगा, बिकता सब है, सही दम दाम लगाने वाले होने चाहिए, सुना नहीं, सुना है नहीं, सुना है। तो अब आप मुझे बताओ बिकता सब है मतलब एबीसी भी बिकेगा, बेचेगा, बस उसको लालच देने की अब कोशिश करो। बहुत बार होता है, आप देखते हो कभी, मान लीजिए जैसे मेरे साथ भी कभी होता था, ये हाईवे है, मेरा जमीन था थोड़ा पीछे, एक छोटा सा प्लॉट ना किसी का एक आगे था, अब मुझे मालूम था इसका मैं खरीद लूं तो मेरे जमीन का भाव क्या हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो होगा सीधा 2 गुना हो जाएगा, एक अकेला सामने वाले होने की वजह से मेरा वर्थ वैल्यू क्या है, कम है। पापा को बोलते थे इनको बोलिए ना कि बेचेगा, कि तो बेचना ही नहीं चाह रहा है, अरे बेचेगा, उसका मार्केट वैल्यू जितना है उसका 1.5 गुना दीजिए ना, बेचेगा, 1.5 गुना लगा दिया, कहते लो इतना देने को तैयार है, नहीं बेचा। मैंने बोला कि अच्छा चलो एक काम करो और ज़्यादा, लेकिन ये था ना बहुत कम, छोटा सा टुकड़ा था, बहुत छोटा टुकड़ा था, ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा था पीछे, तो बोला 2 गुना लगा दो, वो रखा क्यों है बताओ, रखा क्यों है, रखा क्यों है, आप एक चीज सोचो, ठीक है, कि नहीं रखा इसलिए है कि कल के डेट में इसका हमारा जो वर्थ होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए इसको अभी ही 2 गुना मिल जा रहा है तो इसको बुराई क्या है, ठीक है, और हम 2 गुना अगर दे भी रहे हैं तो हमारा नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा इसका अगर इतना ज्यादा है
उसका अगर 1.5 गुना भी वैल्यू, अगर उसका वैल्यू बन गया तो उसके कंपैरिजन में मेरा जो इसका कॉस्टली बनेगा वो मुश्किल से 15-20% का कॉस्ट बढ़ेगा। समझ में आ गए? तो अल्टीमेटली 2 गुना लगा दो, मिल गया। तो बिकता सब है, बस होना क्या चाहिए, जितना लोग देने को तैयार है आपको उससे ज्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए अब क्या होता है, एग्जैक्टली वही सिस्टम लगाओ, डीईएफ को खरीदना है किसी भी हाल में, क्योंकि उनको मालूम है आज 15 रुपये का बैलेंस शीट वैल्यू है, आने वाले टाइम पे इसका वैल्यू जो है ना 30 रुपये बैलेंस शीट होने वाला है, बैलेंस शीट में 30 रुपये का हो जाएगा 1-6 महीने के बाद ही। किसी को लगता है अरे ये तो 1 साल के बाद ही इसका बैलेंस शीट में जो संपत्ति होगा ना वो 100 रुपये तक पहुंच सकता है, इस तरीके किसी को दिखा, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही तो होता था। आपको पता है आयशर मोटर, सुना है कभी? कौन है ये? अच्छा ट्रैक्टर बनाता है, ट्रक बनाता है, अच्छा वो आई से लिखा दिखता होगा इसीलिए। और आप लोगों को कभी ये बुलेट बाइक्स नहीं दिखा, रॉयल इनफील्ड, वो किसका है? अरे उसी का तो है, ठीक है। वैसे इनका नाम जब भी हमने सुना था पहले टाइम तो मुझे वो पहले ट्रैक्टर ही याद आया था, और इतना आवाज करने वाले फट 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 ट्रैक्टर जो होते हैं ना, हाँ सबसे ज्यादा आवाज करने वाले जो ट्रैक्टर हुआ करते थे वो इसी का होता था। जब हम लोग गांव में निकलते थे ना जब भी, अरे ये कौन सी, उसमें लिखा होता था आई सर, मतलब कितना घटिया सा ट्रैक्टर है ये। बाद में जब यहाँ पहुंचा और जब यहाँ देखा कि अरे कोई शेयर जब 2000 में देखा वो 15 रुपये का हुआ करता था, और ये तो 2015 तक पहुँचते पहुँचते, 2017, 18, 19, 2017 तक पहुँचते पहुँचते 17, 16, 16 होगा शायद या 17, ये तो 40,000 का पहुंच गया। तब दिखा, रही ऐसा कंपनी है क्या ये, 15 रुपये का शेयर 16 साल में 40,000 पे पहुंच गए। आज थोड़ा सा नीचे होगा ये, क्योंकि अभी देखते हैं थोड़ा सा, अभी आप देख सकते हो आपके अपने सामने कितना चल रहा है, अभी अभी नीचे आया है, ठीक, क्योंकि ऑटो सेक्टर का भी थोड़ा सा मंदी आया था, तो 2 साल से ऑटो सेक्टर जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा EICHER, आइसर मोटर, ये देखिए अभी भी 21,000 का चल रहा है, ठीक है। इसका अगर आप लाइफ टाइम हाई देखोगे तो चार्ट पे दिखेगा आपको 40,000 से ऊपर पहुंच चुका है, 52, 1 साल पहले ये 23,000 का हुआ करता था, आज भी 21,000 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी है ये, कंपनी का अगर जब जाके बैलेंस शीट चेक करोगे ना 2 साल पहले तक का, 100% ग्रोथ, प्रॉफिट सीधा डबल होता जा रहा है, हर साल जो होते हैं ना उसका प्रॉफिट 2 गुना हो रहा है सीधा डबल। तो उस तरीके से ग्रोथ जब रिप्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। उसका रीजन ये है कि जो पहले से मालिक है वो भाव खा रहा होगा, और जिसने अभी तक खरीदा नहीं उसको लग रहा है किसी भी तरीके से मैं इसका मालिक बन जाऊं। समझ में आया बात? अब क्या होगा बताइए, थोड़ा जल्दी बताओ। कायदे से संपत्ति कितना अर्न किया है, एक शेयर पे 15 रुपये का। एबीसी क्या कहता है, मैं नहीं बेचूंगा। ये सब बोली कहां लगाने गया, एनएससी में। इसने बोली लगाया बेच, खरीदने वाले कहते मैं ना 20 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, दूसरा कहता है मैं तो 19 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, एक कहता है 18 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, एक कहता है 17 रुपये, सब खरीदने के लिए बोली लगा रखा है। बेचने वाले कहते नहीं बेचता जा, इसने फिर बोली बढ़ाया, कहते चल 30 रुपये में दे दे, है ना। अभी भी बेचने वाले जिसके पास पहले से था भाव खाते, कहते नहीं बेचते जा, कहते नहीं बेचेगा, बेचेगा तो तू जरूर, बेचना तो तू बेचेगा ही, बस हो सकता है मुझे थोड़ा सा बोली क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पे ये लगा देता है 150 रुपये का बोली, अब क्या होगा? अब कुछ लोग बोलेंगे बेवकूफ है क्या 150 लगाएगा, अब बेवकूफ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर 150 गया, मान लीजिए आप ही होते एबीसी तो क्या करते बताओ? अब आते कहते चल रहने दे बहुत हो गया, कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, और आज मुझे कितना मिल रहा है 3 महीने बाद 150 रुपये, हम तो बेचेंगे ही बेचेंगे। आप मुझे बताओ खरीदने वाले 150 पे क्यों खरीद रहे हैं, यहां स्ट्रांग पार्टी कौन हुआ आप मुझे बताइए, इस वाले केस में बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है? बायर स्ट्रांग है, याद रखिएगा, वो बायर फॉरकास्ट कर रहा है। देखो सेलर को तो प्रॉफिट मिल रहा है, सिंपल सी बात है, वो इसलिए निकल रहा है, वो अब ये नहीं सोच रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, वो अभी ये सोच रहा है कि अभी क्या मिल रहा है, लेकिन बायर जो खरीद रहा है वो क्या सोच के खरीद रहा है, अब उसका फ्यूचर सोच के। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से रखिए, अगर कोई स्टॉक अगर 10 रुपये का शेयर अगर 150 पे पहुंच गए, तो आप मान लीजिए आप एक ऐसा पार्टी थे कभी से शेयर होल्ड नहीं कर रहे थे, और अब आप जुआ खेलने जा रहे हो, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, बहुत महंगा है बेच दें,
गलत सोच रहे हो। समझ में आ गई बात? आप बेच रहे हो, देखो जिसके पास शेयर है वो बेच रहा है, उसको समझ आ रहा है क्योंकि उसने प्रॉफिट अर्न किया है, वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है। ये इसलिए खरीद रहा है क्योंकि लग रहा है कि अब यह बिजनेस आने वाले टाइम पे बढ़िया होगा, तो हम वहां से क्या करेंगे और हमारा जो संपत्ति है वो अर्न होगा। कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर ये ना बेकार की बात है, इतना नहीं हो सकता है। मैं दिखा देता हूँ ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है। समझ में आ गया बात? अब मुझे बताइए मार्केट प्राइस कितना हुआ? 150। बुक वैल्यू क्या कहता है? 15। फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपये। 10 रुपये फेस वैल्यू, 15 रुपये बुक वैल्यू, 150 रुपये मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बुक वैल्यू का कितना गुना है? 10 टाइम्स। क्या कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है बुक वैल्यू से ज्यादा? क्योंकि बुक वैल्यू जो होता है ना उसका सही मायने में संपत्ति का रेट बताता है। याद रखिएगा, अगर आज मान लीजिए कंपनी बंद होने पे आ जाए, कोई रीजन आ गया, कुछ भी हो जाए, कंपनी बंद होने पे आ जाए, ये 150 रुपये का शेयर प्राइस कहां तक गिरेगा? 15 तक। कुछ लोग बोलेंगे जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि आज अगर कंपनी लिक्विडेट भी होगा तो क्या ये संपत्ति नहीं बेचेगा? संपत्ति बेच के क्या सबको पे नहीं करेगा? आप मुझे बताइए आपके संपत्ति कितने का है? 150 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10 करोड़। तो आप मुझे बताइए कितना वापस करोगे? 15 रुपये तो हो ही जाएगा। हाँ, अगर ये संपत्ति ही गलत है तो फिर उस बुक वैल्यू से भी नीचे जाएगा आपका। अदरवाइज बुक वैल्यू जो होता है किसी कंपनी का फेयर प्राइस होता है, याद रखिएगा। अगर उसका एसेट्स जितना दिखा रखा है, संपत्ति जितना उसने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, मतलब कोई उसमें गड़बड़ियां नहीं है, तो बुक वैल्यू तक आपको मिल जाएगा। बुक वैल्यू से नीचे शेयर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? जैसे अभी आप देखोगे ये सीसीडी की जब इश्यू आया था, कैफे कॉफी डे, जब उसका जो सुसाइड कर लिया था, उसके बाद शेयर प्राइस गिरना शुरू हुआ था, वो प्राइस भी बुक वैल्यू पे आप रुक गया था। याद रखिएगा, वो कितने पे आके, जब हम लोगों ने देखा था तो उस टाइम उसका बुक वैल्यू हम लोगों ने चेक किया था, अप्रॉक्सीमेटली 35 या 40 रुपये का बुक वैल्यू दिख रहा था। 40-50 रुपये पे आके जाके उसका शेयर रुक गया था। समझ में आ गए? जितने भी हायर वैल्यूड होंगे ना, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होगा तो वो कहां तक आके रुक जाएगा? उम्मीद होता है कि बुक वैल्यू तक रुक जाएगा अगर उसके संपत्ति क्या है सही सलामत है, अगर वो बेच के उतना पैसे रियलाइज कर सकता है तो। समझ में आए? तो एक काम करते, आप लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि 10 गुना तो आपने ज्यादा बोल दिया। एक काम करिए, ये जो रेशियोज वगैरह है ना, रेशियोज वगैरह चेक करने के लिए अब थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं। थर्ड पार्टी इंडिया में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपका मनी कंट्रोल। ये इसका भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। मनी कंट्रोल ये CNBC TV18 नेटवर्क है। CNBC TV18 एक नेटवर्क है, TV18 एक कंपनी है। वो TV18 जो है उसका भी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्री के पास ही, याद रखिएगा। उस TV18 में बहुत सारे टीवी नेटवर्क आते हैं। जब आप देखोगे रिलायंस का, जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, तो ये जितने भी कार्टून सार्टून का नेटवर्क वगैरह सब आते हैं ना, सब कहीं ना कहीं उसका मालिक कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और वो जो CNBC आवाज़ जो आपका जो बिजनेस चैनल आता है, वो बिजनेस चैनल का भी मालिक आपका रिलायंस है। और ये आपका जो मनी कंट्रोल है, ये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही ओनरशिप के अंदर आता है। समझ में आ गया? एक तरीके से देखोगे तो इंडिया का नंबर 1 फाइनेंशियल वेबसाइट है, आप ऐसे कह सकते हो आज के रेट पे। एक्यूरेसी भी आप देखोगे तो दूसरे वेबसाइट से आपका इसका एक्यूरेसी जो है सबसे ज्यादा मिलेगा। सिर्फ वेबसाइट बनाने से नहीं होता है, वेबसाइट को मेंटेन करना भी होता है, उसमें आपको डेटा जो है वो एक्यूरेट डेटा डालना भी आपको जरूरी है। इसमें एक फायदा है, किसी भी कंपनी का कोई भी हिस्ट्री, पुराना से पुराना हिस्ट्री देखने जाओगे तो सारे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा विथ रेशियोज एनालिसिस। अभी हम बात कर रहे थे किसी एक कंपनी की बात करते, मेरा बहुत ही पसंदीदा एक कंपनी है अभी फिलहाल, पहले यस बैंक भी हुआ करते थे, ठीक है? तो कोई जरूरी नहीं है, आपके भी होते हैं कि आज अभी बहुत प्यारा है, 6 महीने के बाद हो सकता है उसको शकल भी देखना ना चाहो, तो हर चीज होता है। तो वैसे यस बैंक भी मेरा प्यारा हुआ करता था, आज नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी फिलहाल मेरा सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? बजाज फिनांस। ये देखिए बजाज फिनांस पे हम चले गए, इसको देखते हैं कि इसका रीजन ये है क्योंकि इसका अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो नीचे कभी दिखता ही नहीं इसका। मैंने आपको एक बार ग्राफ दिखाया था, एक ऐसा कंपनी है ये, देखो इसके ग्राफ देखिए आप, 1 साल का ग्राफ दिख रहा है, 2 साल का भी ग्राफ देखोगे तो कभी डाउन साइड नहीं दिखेगा। ये देखो 5 साल का ग्राफ देख लीजिए, ये देखिए किस तरीके से स्ट्रेट आपका क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ, मतलब 45 डिग्री में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हम एक काम करते, कहीं ना कहीं ये महंगा स्टॉक है, हम ऐसे कह सकते हैं महंगा स्टॉक है। एक काम करते, इसका हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। बोलोगे कहां से देखोगे? इसने भी अपना सारा लुक बदला है, सब अपना अपना बदलते रहते हैं। ये रहा फाइनेंशियल, पहले लेफ्ट साइड में आता था, अब अप साइड में आ रहा है। ये देखो ये फाइनेंशियल्स में इसका रेशियो जो वगैरह होगा, हाफ ईयरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनेंशियल्स के ही नीचे उसका रेशियो जो हुआ करता था, फिर से आते ऊपर।
अब यहाँ पे हमने देखा फाइनेंशियल्स, एनुअल रिपोर्ट, कंपनी इंफॉर्मेशन, कमेंट, वैल्यूएशंस। फाइनेंशियल्स के नीचे ही रेशियोज हुआ करता था, ईयरली रिजल्ट, ईयर आर रेशियोज। फाइनेंशियल्स में ही इसने यहाँ पे रेशियो दे रखा है ना? ठीक है, इस रेशियोज पे चलते। या आप एक काम ये भी कर सकते हो, तो इसका बैलेंस शीट देख के आप खुद ही बुक वैल्यू निकाल सकते हो। आप बुक वैल्यू निकाल सकते हो इसका, और प्राइस है ही आपके सामने, वहां से देख सकते हो। या चलो, निकालने वाले काम तो इसने ऑलरेडी कर रखा है, हम लोग यहीं से देख लेते। हम रेशियो पे चले गए। अब ये देखिए सारे रेशियोज आपको निकाल के दे रखा है, ठीक है। ये 31 मार्च 2019 का जो ऑडिटर फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बेसिस पे बोल रहा है। ये देखिए कि इसका जो एक शेयर का जो बुक वैल्यू है वो आप देखते जाइए, ये रहा प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका इसका 9 गुना चल रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, हमने अभी बोला है कि बुक वैल्यू किसी का 15 रुपये और उसके लिए 150 रुपये कोई दे रहा है तो कोई ज्यादा नहीं दे रहा है। आप मुझे बताओ, बजाज फाइनेंस में देखिए 9 गुना चल रहा है, बुक वैल्यू का 9 टाइम्स चल रहा है। कहीं ना कहीं बुक वैल्यू भी होगा, देख सकते हो कहीं पे बुक वैल्यू आप लोग कहाँ है। मिल गया था आप लोग को, आंख बहुत तेज है आप लोगों का, सबसे ऊपर था। ये देखो बुक वैल्यू जो है इसका, देखो 339 रुपीज का। यानी कि आज इस कंपनी का एसेट्स को अगर बेच के पैसे रियलाइज किया जाए तो कितना मिलने वाला है, 339, यानी कि 340 रुपये मिलेगा। और आप देखिए इस कंपनी का शेयर के लिए लोग कितना देने को तैयार है, 4,000। आप बताइए, जिसका संपत्ति बिजनेस में 340 रुपये का है उसके लिए लोग 4,100 रुपये देने को तैयार है। मोटा मोटा 9 टाइम्स वही जो था, 9 गुना देने को तैयार है। बताओ क्यों? क्योंकि जितने भी सेलर है ना, इसके पुराना मालिक भाव खा रहा है, कहते हम नहीं बेचते भाई, हम इतने अच्छे कंपनी परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्यों बेचेंगे, बताओ। समझ में आ गया बात? तो लोग इसको बोली बढ़ा के दे रहा है। अब मुझे बताइए, है ये महंगा या सस्ता? महंगा, बहुत महंगा है। याद रखिएगा, अगर किसी दिन कुछ भी इसका अप डाउन न्यूज आता है, ऐसा क्रैश करेगा ना ये शेयर कि कोई इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे उसके साथ हुआ था। किसके? यस बैंक। तो खैर यस बैंक तो लूट ही गया, सिंपल, ठीक है। यस बैंक तो ऐसे समझो तो लूट चुका है, वो कब बंद होगा पता नहीं। इसकी बात कर रहा हूँ, आईसा मोटर का भी बात कर रहा हूँ। आईसा मोटर के लिए भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, उसका तो 14 14 गुना चलता था। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 14 टाइम्स हुआ करते थे। आज के रेट पे देखोगे, इसके ग्राफ देखिए ना, आपको समझ आ जाएगा। किसका? आईसा मोटर का ग्राफ देखिए, EICHER, आईसा मोटर। ये देखिए क्या कह रहे हैं इसका, बस आप ग्राफ देखिए। अभी फिलहाल चलो 5 साल का ग्राफ देख लीजिए, 5 साल में ही दिख जाएगा आपको कैसे टूटा है। ये देखो, ठीक है, कोई एक टाइम हुआ करता था इसका प्राइस देखिए 38,000, ये होगा कितने का दिख रहा है, 40,000 तक पहुंच चुका था ये, ठीक है। ऑल टाइम का देखिएगा तो आप देखिए, ऑल टाइम वाले मैंने डाल दिया, देखिए किस तरीके का ग्राफ दिखता है। एक टाइम हुआ करता था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा उड़ा नहीं, बस महसूस कर लो, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नीचे गया। आज भी अगर इसका देखते हो, आज भी अगर इसका कहाँ गया जी, आज भी इसका फाइनेंशियल्स पे जाके रेशियो चेक करिए, देखिए आज भी कितना मिल रहा है आपको फाइनेंशियल्स में रेशियो। थोड़ा बड़ा कर दूंगा अभी। आज भी देखो इसका बुक वैल्यू जो है 2,000 रुपये का है ना, और आज भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 7 टाइम्स तो अभी भी है, इतना नीचे गिरने के बाद, जबकि वो हाई अपने लाइफ टाइम हाई से भी 50% पे चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी कितना गुना है, 7 टाइम्स चल रहा है अभी। इसका मतलब जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसका सेलर जो है बेचने नहीं चाहता है, तो बायर उसको भाव बढ़ा के देते हैं, तो वो लालच में आके क्या करता है, वो बेचता है। अब चलो एक काम करते, बहुत नाम लिया आप लोगों ने यस बैंक का, देखते हैं यस बैंक के साथ क्या हो रहा है। हम कहते हैं चल भाई यस बैंक तू भी आ जाना थोड़ा सा। ये देखिए यस बैंक आ गए, यस बैंक के बैलेंस शीट पे चलते फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे जाएंगे और फिर उसके बाद रेशियोज पे आएंगे। थोड़ा सा इसका सिस्टम गलत हो गया, फाइनेंशियल्स पे क्लिक करते तो पहले नीचे जाता है, मुझे ये आ जाना चाहिए ना अपने आप। रेशियोज पे जाके दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए जी, ये कहता है कि हमारा बैलेंस शीट में कितने रुपए का शेयर है बताइए, 116 रुपए का। बैलेंस शीट कहता है 116 रुपए का शेयर है, और लोग इसको ट्रेड कितने पे कर रहे हैं, कहाँ गया प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू गलत दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है ये।
उस टाइम का प्राइस दिखा रहे हैं। हम लोग जितना भी देख रहे हैं ना वो आज का नहीं है, वो 31 मार्च का है। बोलोगे कैसे? जब बुक वैल्यू इसका 116 रुपये है, ध्यान से देखिए, जब बुक वैल्यू 116 रुपये है, प्राइस कितने का है बताओ? 50 रुपये का। 116 रुपये का बुक वैल्यू है, 50 रुपये का आपका क्या है? शेयर प्राइस है, मतलब 50% पे चल रहा है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना दिखा रहा है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है? 2.3। क्योंकि ये कौन सी दिन का ही है? 31 मार्च, उस दिन का प्राइस और उस दिन का लेके देखा हमने। पीछे भी जो दोनों देखा ना वो भी गलत देख लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। उसको अपने तरीके से निकाल लेना चाहिए था। अभी जैसे देखो, 1141 पे चल रहा था बजाज फिनांस। 4100 का शेयर, 340 रुपये का उसका बुक वैल्यू था, डिवाइडेड बाई 340। आज चल रहा है 12 गुना वो, कौन? बजाज फिनांस। 31 मार्च 2019 को वो 8-9 टाइम्स चल रहा था, आज वो 12 गुना चल रहा है। यानी कि जिस 1 रुपये के बुक वैल्यू के लिए लोग उसको 12 रुपीज पे करने को तैयार है, किसको? बजाज फिनांस को। ऐसा मोटर हमने देखा है, वहां पे दिक्कत है, वहां पे भी आप निकाल लीजिए। ये देखिए जितना उसका बुक वैल्यू है, क्योंकि बुक वैल्यू तो जिस दिन बैलेंस शीट बनाए उसी दिन का देखोगे ना। फिलहाल आपको कौन सी दिन का बुक वैल्यू दिख रहा था? 31 मार्च का। आप चाहो तो अभी पिछले क्वार्टर का भी देख सकते हो, पिछले क्वार्टर कौन सी गया हुआ है? सेप्टेम्बर। फिर उसके लिए हमें सारा के सारा डेटा बदलना पड़ेगा। तो चलो अब ये सब मैंने एक प्लेटफॉर्म दिखा दिया, कैसे देखा जाता है वो देख सकते हो। बोलो कैसे देखेंगे? ये रहा ना, अरे क्यों भाग रहे? ये देखो बजाज फाइनेंस, यहीं पे आप जो देख रहे हो ना फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आप क्या कर लिए? क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, ठीक है। जब क्वार्टरली रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो उसका जो क्वार्टर का जो आपका बुक वैल्यू आएगा, सॉरी बैलेंस शीट में जो एसेट्स होंगे ना, वहां पे बुक वैल्यू आपको अलग दिख जाएगा। तो उस बुक वैल्यू और उसके प्राइस से आप क्या कर लीजिए, उसको कंपैरिजन कर लीजिए। मोटा मोटा तो आपको इतना पता चल गया ना कि 10 गुना भी बुक वैल्यू हो सकता है और आधा भी हो सकता है। किसके बेसिस पे? परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो अब कंपैरिजन करो, एक बजाज फिनांस है 12 गुना, 1 रुपये के शेयर के लिए 12 देने को तैयार है, और एक हमारे पास एस बैंक है जो 1 रुपये के शेयर के लिए लोग 50 पैसे देने को तैयार है। सस्ता कौन है? एस बैंक सस्ता है या बजाज फिनांस? देखो कुछ लोग तो सस्ता और महंगा किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं पता है? वो प्राइस, वो 4100 का है और ये 50 रुपये का, तो सस्ता तो बजाज एस बैंक ही। ऐसे नहीं होता है। लो मैं दूसरा भी 50 रुपये का शेयर दिखा देता हूँ, 50 रुपये का। चलो आपने अशोक लैंड का नाम सुना है? 50 तो खैर नहीं होगा, वो भी 80-90 चल रहा होगा। अशोक लैंड 80 रुपये के आसपास चल रहा होगा, हाँ जी अशोक लैंड। इसका भी आपने वो ट्रैक्टर वगैरह अभी तो देखते हो दिल्ली जो ये बसेस जो जितने भी आपको चल रही DTC वाले, ये सारे जो हरियाली जो दिखते हैं और लाली, वो सब कौन होता है उसमें? ज़्यादातर अशोक लैंड का है। आप देखिए ये भी 80 रुपये का है ना, और मान लीजिए ये 80 रुपये का, टाटा मोटर उससे महंगा है, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो दो को मैं कंपेरिजन कराया था। ये है हमारा अशोक लेलैंड और ये है टाटा मोटर। कहाँ गया भाई टाटा मोटर? ये रहा टाटा मोटर्स। दोनों एक ही कैटेगरी का याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से ज़्यादा आपको समझ आएगा। ये है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर का प्राइस आप देखिए 125 से ऊपर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 175 चल रहा है अभी, अच्छा 125 तक आ गया था। ये गया कहाँ? ये गया कहाँ? ये है ही नहीं। क्या है, कुछ अलग पेज पे आ गया क्या? ये देखो यहाँ आता हूँ फिर से एक बार, टाटा मोटर्स आ गए, ठीक है मैं यहाँ पे आ गया। ये देखो 175 रुपये का चल रहा है, और अशोक लेलैंड कितने पे चल रहे हैं? 80 रुपये का। महंगा कौन है? टाटा मोटर। गलत, महंगा वो है कौन? अशोक लैंड महंगा है। बोलो कैसे? यही तो समझने की बात है। मैं कह रहा हूं आप 175 जो दे रहे हो कितने संपत्ति के लिए, ये तो देखो ना आप। उसने कितने संपत्ति अपने पास क्रिएट करके रखा हुआ है और उसके लिए कितना दे रहे हो, जो मेरा अपना एक्सपेक्टेशन कहता है। याद रखना मैंने जो भी बोला है वो वेरीफाई करके नहीं बोल रहा हूं। मुझे इतना मालूम है टाटा मोटर भी सस्ता चल रहा है, और सस्ता इसलिए चल रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस इसका भी ठीक नहीं चल रहा है, अभी क्या कई सालों से ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको सस्ता बोला है। तो आइए कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हम लोग फाइनेंशियल्स पे जाते हैं, अब फाइनेंशियल्स के बाद फिर नीचे जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा। ये फालतू बनाने वाले ने इसको कुछ, देखिए देखो नीचे चला गया, और फिर अब मुझे कहाँ लाना पड़ेगा? कहाँ आ रहा है? शुक्र है आप लोगों को कुछ नज़र तो आया, ठीक है जी। अब ऊपर नहीं जाना पड़ा, यहीं से मिल गया। आइए ये देखिए कितने का बुक वैल्यू है, 65 रुपये का, ठीक है। मार्च 19 का है, कोई बात नहीं, मार्च 19 का ही हम हिसाब कर लेंगे। 65 रुपये का बुक वैल्यू अभी कितने पे चल रहा है? 100,
75 पे चल रहा है, ठीक है, मार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा क्यों जाए, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो ज़्यादा मज़ा आता। अब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वार्टर के बैलेंस शीट नहीं आएगा, बैलेंस शीट तो यहीं से आएगा, ठीक है, क्वार्टर का रिजल्ट, एक मिनट रुको, क्वार्टर के रिजल्ट में सितंबर का ये देखिए, है ना, सितंबर में कितना था इसका, बैलेंस शीट तो नहीं दिखेगा ना, रिजल्ट दिखाएगा ना ये तो, बैलेंस शीट नहीं, रेशियोज में तो मार्च का ही दिखाएगा, रेशियो में जब भी जाओगे तो मार्च का ही दिखाएगा, मार्च का ही दिखाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट में क्वार्टर का बैलेंस शीट नहीं दिखाया इसने, है ना, चलो कोई बात नहीं। बैलेंस शीट मुझे उस दिन का चाहिए था, कौन से दिन का, 30 सितंबर वाले चाहिए, अब उसके लिए उसका जो है ना ये वाले, अब यहाँ से जाके आप डाउनलोड करोगे रिपोर्ट तो मिल जाएगा। चलो मार्च से ही कर लेते कैलकुलेशन, ठीक है, मार्च में बताइए कितने था, रेशियोज कोई नहीं यहीं से आ जाएगा, हाँ जी कितने रुपये का है, 65 रुपीज़ का, आज कितना चल रहा है, 175, ठीक है जी, 175 डिवाइडेड बाई 65 कितना गुना चल रहा है, 2.5, 2.5 गुना से ज़्यादा के आसपास चल रहा है टाटा मोटर्स। ओके जी अशोक लेलैंड भाई साहब तू भी अपना बता देना थोड़ा सा फाइनेंशियल्स, यहाँ पे आके फाइनेंशियल्स रेशियोज ये देखिए क्या कहते हैं, इसका बुक वैल्यू कितना है, 28, ये भी उतना ही है क्या, 80 डिवाइडेड बाई 28, चलो ये मोटा मोटा दोनों क्या है, कंपेरेबल है, दोनों कंपेरेबल है, ये मत बोलना कि टाटा मोटर्स क्या है, महंगा है, ठीक है टाटा मोटर्स महंगा है बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आज के रेट पे 80 रुपये का अशोक लीलैंड और 175 रुपये का टाटा मोटर दोनों क्या है आपके लिए, सेम है, इसी कैटेगरी में कोई और भी कंपनी होगी ऑटो में ही, मारुति, अब उसका तो ऑलरेडी चल रहा है 7,000 का शेयर, तो बोलोगे तो वैसे ही महंगा है, आप तो बोलोगे ही बोलोगे, सस्ता वाले शेयर को ही चलो कोई बात नहीं, ठीक है बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई, महिंद्रा भी महंगा है ना, सस्ते वाले कौन है, बजाज, बजाज ऑटो वो भी महंगा ही है, चलो कोई नहीं, ये देखिए मारुति, आइए जी मारुति कितने का शेयर है, 7,000 का, वो तो वैसे ही महंगा दिख रहा होगा, उससे नहीं फर्क पड़ता है, महंगा बोलने से नहीं होता है, ये रेशियो जाके चेक करिए, देखिए इसके बैलेंस शीट कितने की है, इसकी बैलेंस शीट में शेयर कितने की है, देखो 1500 का, कितने में मिल रहे हैं आपको, 7,300 का, 7,300 डिवाइडेड बाई 1500 के शेयर मिल रहे हैं, 1500, आप बताइए 5 गुना चल रहा है, तो क्या कंपैरेटिवली महंगा है, नहीं है कंपैरेटिवली महंगा है, वो तो 7,000 को देख के नहीं, 7,000 के शेयर के लिए 1,500 का तो संपत्ति है उसके पास, उस तरीके से देखोगे तो महंगा है, तो इस तरीके से क्या होता है, कितने का बैलेंस शीट वैल्यू और कितने का हमारा प्राइस चल रहा है, उससे हम लोग एक वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं कि कितना महंगा है, वैल्यूएशन महंगा सस्ता होने का एक जरिया जो ये था जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, कि बैलेंस शीट में कितना एसेट्स है और प्राइस कितना चल रहा है, इससे कितना महंगा ही आपको पता चल जाता है, इजाजत हो तो आगे बढ़े क्या, चलो तो इस तरीके से आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो, ये देखिए हमने यही चीज यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है कि 50 करोड़ का इसने संपत्ति बना लिया, देखिए बैलेंस शीट वैल्यू कितना हो गया एक शेयर का, 15 रुपये का, अब इसने क्या करा देखो, ये सारे लोग सेल करता है ब्रोकर के थ्रू, ध्यान से देखो थोड़ा सा नोटिस करिएगा मैंने क्या करने की कोशिश किया है, बीएससी में गया, ये भी किसी न किसी ब्रोकर को सेलेक्ट करके यहां तक ऑर्डर प्लेस किया, खरीदने वाले भी किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू किया, हमने बोला कि बाई ऑर्डर थ्रू ब्रोकर जीरोधा शेयर खान कोई भी हो सकता है, यहां भी सेल ऑर्डर थ्रू ब्रोकर हो गया, एक्स अमाउंट का प्राइस डिसाइड हुआ, अब वो कैसे प्राइस डिसाइड होता है वो हम बताते हैं, ये रुपीज एक्स कैसे डिसाइड होगा बताइए, मार्केट प्राइस एक्स रुपीज का आ गया, अब एक्स रुपीज मैंने डिसाइड ही नहीं किया कितना हुआ, एक्स रुपीज कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बायर एंड सेलर ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग, अब यहां बोली लगेगा, ऑक्शन नीलामी होंगे उस शेयर का, अब ये नीलामी कैसे होता है अब देखिए यहां पे, ठीक है मैंने यहां पे बैलेंस शीट भी बना दिया था, बैलेंस शीट में 15 रुपये निकाल के भी दिखा दिया, मान लीजिए यहां पे जो आपका प्राइस आ गया ना 30 रुपये का, तो आप क्या बोलोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमारा कितना हो गया, 2 टाइम्स, अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है 10-10 गुना, कुछ दो चार और भी कंपनी बोल दो ना उसका देखोगे तो आपको 14-14 गुना मिल जाएगा, 12 गुना तो चलो मिल ही गया आपका, किसका, मन्नापुरम फाइनेंस सब सस्ता होगा, इतना महंगा नहीं होगा, ये 12 गुना नहीं, इंफोसिस वगैरह सब सस्ता है, 12 टाइम्स बहुत होता है,
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो 12 टाइम्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा होता है, छोटा मोटा नहीं। समझ में आ गया? एमआरएफ सब सब आज के रेट पे नीचे आ गया। ऑटो सेक्टर तो आज के रेट पे मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक टाइम हुआ करता था जो वो भी मिलता था। कौन? चलो तो आप लोग ढूंढते रहिएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखिए किसका 10 से ऊपर जा रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। HD, हाँ HDFC AMC का मिल सकता है। सही बोल पकड़ा है इन्होंने। HDFC AMC एक ऐसा, वो भी मेरा बहुत प्यारा स्टॉक है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है खरीदने का। मौका इसलिए नहीं मिला है क्योंकि मैंने ना उसको बेच दिया था। मेरे पास उसको 80% प्रॉफिट जब दिखा ना, तो लगा अब ऊपर नहीं जाएगा, इसको बेचते हैं, अभी निकालते हैं। बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिए। उसका रीज़न एक और भी है, प्रॉफिट जो मैं बुक करता हूँ ना लॉन्ग टर्म का, इसके एक और रीज़न है। आप लोग भी कल के डेट पे सोच सकते हो, क्योंकि कंपनी ने आज के डेट पे, गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने से एग्जेम्प्ट कराया? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है या नहीं है? पता ही नहीं है। सीए ही कर रहे हो ना? सीए और सीएम में ही क्या स्टेट में कोई और हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है या नहीं है? अगर कोई शेयर में 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लूं और अगर मैं उसको बेचूं और उससे जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उस पर टैक्स लेगा गवर्नमेंट? नहीं लेगा। हाँ जी बोलो। एग्जेम्प्ट है? 1 लाख तक ही तो एग्जेम्प्ट है। अभी पीछे नहीं लेके आया था अमेंडमेंट, ये क्या कहते हैं जो ऊपर चले गए हमारे, कौन? अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी नहीं लेके आया था कि एक उसी अटेम्प्ट उसी बार लेके आया जब वहां पे एक इंडिविजुअल गरीब लोगों को 5 लाख का ये इंश्योरेंस का, हम क्या कहते हैं, सील देंगे, यानी कि हम लोगों को, गरीबों को 5-5 लाख का इंश्योरेंस देंगे। और उसी टाइम आके अरुण जेटली ने अपने उसमें क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि देखो हमने बड़े बड़े लोगों से 1 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन पे हमने टैक्स लगाया है, वहां से हमारे पास 48,000 करोड़ के आसपास का हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हमने गरीबों को क्या दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, है ना? तो उसी टाइम से तो मार्केट क्रैश कर गया था कि अच्छा बड़े लोगों के पैसे लेके छोटों को दे रहे हो, तो उस तरीके से मार्केट क्रैश कर गया। तो आज के रेट पे कितने एग्जेम्प्ट है? 1 लाख। अब आप सोचो, मान लीजिए मैं एक कोई शेयर होल्ड करता हूं बहुत ज्यादा, 10 साल तक होल्ड कर लिया और 10 साल के बाद मुझे दिख रहा है यहां पे 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, मान लो। अब उस टाइम जब मैं बेचने जाऊंगा ना, तो क्या होगा सोच के देखना, 19 लाख पे मेरा टैक्स जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं ना, हमने यहां पे मान लीजिए 1 लाख का शेयर खरीद रखा था, ठीक है, हमें 1 साल के एंड में क्या दिख रहा है कि ये 1,80,000 का हो चुका है। देखो प्लानिंग कैसे करते हैं, सेल बाय, सेल बाय, क्या हुआ बताइए? मेरा 80,000 का प्रॉफिट आ गया, एग्जेम्प्ट, बुक हो गई, बुक हो गई। अब मेरा कॉस्ट कितने का हो गया? 1,80। मान लीजिए अगले बार मेरा पहुंच जाता है 3 लाख का, 3 लाख नहीं बनाते हैं, मान लीजिए 2 लाख का, 2,50,000 पहुंच गया, ठीक है, सेल बाय, क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? फिर एग्जेम्प्ट करा दिया मैंने, यानी कि मैंने अपना प्रॉफिट को एक्युमुलेट होने ही नहीं दिया। सेल बाय, यही मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है, कि मुझे मालूम है कि इस लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। HDFC AMC को बेचा, इसको खरीद लेंगे, फिर लालच आ गया, 4 दिन वेट कर लेते हैं, 3-4 दिन में नीचे आ जाएगा फिर खरीदेंगे, वो नीचे क्या आएगा, भाग्य ऊपर। अब उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुआ, मैंने जिस लेवल से खरीदा वहां से भी 15% ऊपर चल रहा है अभी, जबकि मैं 80% प्रॉफिट में बेच चुका हूँ HDFC AMC को। ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा, फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है, ग्राफ देखोगे तो दिमाग ही घूम जाएगा इसका। किसका? HDFC AMC। अरे आ जा, नखरे क्यों दिखा रहा है, आ गया। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बोलोगे ये कौन है, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, म्यूचुअल फंड का पैसेट मैनेज करता है, 3,210 रुपये का है। इसका फाइनेंशियल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए इसका, इसका अगर 31 मार्च से कंपैरिजन करोगे ना, कितने रुपए का बुक वैल्यू बताइए, 144 रुपये का बुक वैल्यू, 3200 पे चल रहा है, 3200 डिवाइडेड बाई 144, 22 गुना चल रहा है अभी, 22 टाइम्स, है ना? तो आप देख लीजिए है या नहीं। वैसे अभी भी एक खरीद के छोड़ रखा हूँ मैं इसको, नोटिस करने के लिए कि वो कितना ऊपर कितना नीचे जा रहे हैं, दिमाग से निकल जाता है ना, क्योंकि जो इसको मुझे एकुमुलेट करना है, जिस दिन थोड़ा सा नीचे दिखेगा मैं इसको अच्छा खासा पैसे लगाऊंगा इसमें। चलो वापस आते हैं हम लोग, तो यानी कि आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 22 गुना तक का शेयर मिल चुका है ना। अब बोलोगे कुछ गड़बड़ी हुआ तो,
अब होगा तो जाएगा, वो तो सब में रिस्क रखा होता है। चलो वापस आते हैं, हम लोग कहाँ थे अभी, अब फिर से थोड़ा देर के लिए इधर आ जाते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे ना कैलकुलेशन करके दिखा रखा है बजाज फिनेंस का, ये कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस है, वो तो हो गया हमारा, हमने यहाँ से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकाल दिया। अब हम कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मैंने आपको लिख के दे रखा है, आज के रेट पे थोड़ा बदल चुका होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये कितना दिखा रहे हैं आपको, आपको निकालने आता है। चलो एक काम करते हैं, हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार निकाल के देते हैं, ठीक है? आप लोग निकाल के दीजिएगा बजाज फिनेंस का, आज से 5 साल पीछे चलते हैं, ठीक है जी? बजाज फिनेंस का आज से 5 साल पीछे चल के देखते क्या सिचुएशन है। अब कैसे जाओगे आज से 5 साल पीछे बताओ? एग्जैक्टली आपको मिलेगा ही नहीं प्राइस, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा, रुको वहीं पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? यहीं पे जो था ना, इसी के जो ग्राफ में ना, 5 साल के लिए हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है जी? 5 साल के पहले ग्राफ में देखिए क्या हुआ करता था इसका, ये रहा 5 साल का ग्राफ है ये, 5 साल पहले इसका प्राइस जो है ना, ये हुआ करता था 346 रुपये का, ठीक है? 5 साल पहले 346 का शेयर हुआ करता था, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो कितने का हुआ करता था? 346 का। आज का प्राइस कितना है बताइए कोई मुझे, तो जल्दी करिए, कितना चल रहा है इसका प्राइस? 4100 का। 5 साल के अंदर 346 रुपये का शेयर 4100 का पहुंच चुका है, कोई मुझे बता सकते हो कितना रिटर्न दे रहा है? निकाल के दीजिए मुझे थोड़ा जल्दी से। रिटर्न देना है? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, जब भी कोई आपसे रिटर्न पूछता है ना, तो कैसा रिटर्न पूछता है पता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR लोग बोलते हैं, CAGR बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअली कितना आपका हुआ है उस तरीके से लोग बताते हैं, ठीक है? यानी कि जब भी बताओगे तो कंपाउंडेड रिटर्न बताना होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी को सिंपल रिटर्न नहीं बताया जाता है, हर साल कितना कमाया है, तो आप मुझे कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न बताइए, बताओ थोड़ा जल्दी से। कह रहे 64% के आसपास चल रहा है, कैसे निकाला आप लोगों ने? आपको मैं अभी टाइम वैल्यू पढ़ चुके हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई सामान 346 रुपये का हुआ करता था, आज 4100 का हो रहा है, कितने साल में? 1 2 3 4 5। आपने कंपाउंडेड रिटर्न पढ़ा, कैसे पढ़ा? देखो 346 में एक्स परसेंट का रिटर्न बढ़ के यहाँ गया, फिर एक्स परसेंट का रिटर्न यहाँ, एक्स परसेंट का रिटर्न यहाँ, एक्स परसेंट का रिटर्न यहाँ, एक्स परसेंट का रिटर्न डाल के बाद कितना आ गया? 4100। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? 346 मल्टीप्लाई बाई 1 + रेट का पावर 5 इज इक्वल टू 4100, है ना? तो आप मुझे बताइए 1 + r का पावर अगर 5 रखते हो तो कितना हो जाएगा? 4100 / 346 कितना आ गया बताइए? 4100 / 346 11.85 कर सकते हैं, तो 1 + r कितना आएगा बताओ? 11.85 का पावर कितना लोगे? 1/5। तो ये देखो 11.85 का पावर 1/5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 है ना, डिवाइडेड बाई 5 + 1 multiply = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई टाइम वैल्यू मिस तो नहीं किया था? अब मिस किया तो हवन कर लो कि ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया, ठीक है? 12 टाइम स्क्वायर रूट करके, 12 टाइम स्क्वायर रूट -1 पावर का इफेक्ट +1 12 टाइम स्क्वायर रूट के, सॉरी 12 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना आ रहा है बताइए? इसका वैल्यू अगर ये आप कुछ लोग चाहे तो लॉग यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1.6398। अब इसमें से 1 हटा दो, आर कितना बताओ? ओहो, 1 साल का रिटर्न कितना चल रहा है? 63.98% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फिक्स डिपॉजिट में कितना मिलता? 7 साढ़े 7%। बजाज फिनेंस भी मेरे मिस हो चुका है, लेकिन फिर भी बजाज फिनेंस भी मिस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी प्रॉफिट बुक किया 38,000 का, इसमें भी मैं इसका तो मैंने 90% प्रॉफिट पे बेचा था, और 3100 पे बेचा, और मैंने सोचा थोड़ा सा वही लालच फिर से आ गया। पहले स्ट्रेटेजी क्या बनाया कि बुक बाई, बुक बाई तो क्या हो जाएगा हमारा, वहां से कॉस्ट शुरुआत हो गए, चलो 2 दिन वेट कर लेते, जिस दिन वेट किया उसी दिन 5% बढ़ गए, ठीक है? अब लगा कि अब महंगा हो गया, छोड़ देते। तो बताओ 3100 पे बेचा और आज कितना चल रहा है? 4100। मैंने वहाँ पे 28 शेयर बेचा, बताओ कितना मिस कर दिया? 28,000 मिस कर दिया मैंने, 38,000 के आसपास बुक किया और 28,000 मेरा मिस हो चुका है।
ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, ऐसे ही होता है। एएमसी भी बुक किया, एएमसी भी मिस कर दिया, ये दोनों अच्छे कंपनी का प्रॉफिट बुक किया और दोनों कंपनी का अभी जो है ना, एक इसका भी फिर भी है 5-6 शेयर तो बचा हुआ है, क्योंकि मेरे उसमें क्या था कि 28 शेयर लॉन्ग टर्म बना था तो लॉन्ग टर्म वाले बेच दिया था, 6 शेयर शॉर्ट टर्म बन रहा था तो 6 शेयर को बचा के रख लिया था, तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में 6 शेयर या 7 शेयर अभी भी बजाज फिनांस का है और वो भी अभी 60% प्रॉफिट पे चल रहा है। चलो एक एक अकाउंट में मेरे अभी 150% प्रॉफिट पे चल रहा है, कौन, बजाज फिनांस, उसमें भी 8 शेयर है। एक दूसरे अकाउंट में जो 8 8 शेयर है वो अभी 150% प्रॉफिट पे चल रहा है, 150%। तो बस ठीक है, कभी मिल जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी मिस हो जाता है, हो जाता है तो हो जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या पता कि फिर तो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छा कौन है, शेयर मार्केट। तो बजाज फिर उसका भी ऐसा ही था, किसका, एस बैंक भी ऐसे ही था, 6 6 महीने तक नीचे नहीं दिखते थे जी, 6 6 महीने तक नीचे नहीं आते थे, ऐसे स्टॉक मैंने देखा हुआ है जो कि 400 का शेयर आज कितने का चल रहा है, 50 रुपये का। तो देख लो क्या हालत होती है, अपने आप समझ आ जाएगी आपको। 1 मिनट, ये जब आप लोग जब अकाउंट ओपन करोगे तो इस तरीके से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, ठीक है, इस आ जाएगा, जब नहीं आया नहीं आया तो उसको ट्राई करिए, इंक्वायरी करिए, ठीक है जी। ये है होल्डिंग में आपको दिखता है, ये देखिए आज भी इसका अभी 140% चल रहा है, 140% के 8 शेयर है बजाज फिनांस का, पहले कभी खरीदा हुआ था एक दूसरे अकाउंट में 8 शेयर, तो ये 1700 का खरीदा हुआ शेयर है और ये आज कितने का चल रहा है, 4100 का, 140% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको मैंने सोच लिया था कि ये इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, इसमें बेचना ही नहीं कभी, देखेंगे 5 6 साल 10 साल के बाद क्या होता है नहीं होता है। एक एक कापरी ग्लोबल, ये ऐसे ही एक टाइम रिसर्च कर रहा था तो मुझे दिखा कि ये कंपनी शायद अच्छा हो सकता है, तो मैंने छोटा सा पैसे लगा दिया था, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। बाकी एक जो अच्छे जिस पे ज़्यादा भरोसा था, 72% माइनस चल, नहीं वो तो है, ये तो ट्राई करने के लिए, इसमें क्या हुआ, बच्चे को ऐसे ही दिखाने के लिए कभी ट्रेड किया, ऐसे ही ट्रेड करके दिखाया, वो छूट गया वहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके का दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, 2 शेयर कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है ये तो देख लो, 100 रुपये का, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है ना, 56 रुपीज़ पे हमने इन्वेस्ट किया है 2 शेयर, तो बताओ 80 रुपये का ही तो लॉस है, ये थोड़ा ना देखना होता है। हाँ ये देखो इसमें अच्छा लॉस है, 6000 का, इस पर भी बहुत भरोसा हुआ करता था, अशोक लीलैंड, तो अशोक लीलैंड पे इतने का है। एक मारुति भी है इसमें, मारुति में भी अच्छा खासा लॉस है 4000 का, तो कोई बात नहीं, मारुति तो मुझे लगता है किसी भी टाइम वो वापस आ जाएगा, क्योंकि मारुति भी ऐसे ही हुआ करता था, जैसे आज HDFC AMC के साथ हो रहे हैं ना मेरे साथ, कि मैं होल्ड कर रहा हूँ कि मैं एक खरीदूंगा और खरीदूंगा, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा है, मुझे मारुति हमेशा याद आ जाता है, क्योंकि मारुति को भी मैंने ऐसे ही सिचुएशन था, 6000 पे मैंने 3500 पे खरीदा था, उसको 6000 पे बेच दिया था, ठीक है, 6000 पे बेचा और उसके बाद मैंने सोचा मैं इन्वेस्ट करूंगा दोबारा इसको, वो इन्वेस्ट क्या होना है, बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, जब दिन में खरीदता सोचता था खरीदूंगा, नहीं मिला, हिम बाद में जाके गुस्से में आके 9000 पे खरीदा कि अब नहीं रहेगा, फिर 9000 से कहाँ तक गया, और गया ऊपर गया, 10000 तक पहुंच गए, ठीक है, तो मुझे लगा चलो कहीं तो हमने एंट्री लिया, फिर उसके बाद जब क्रैश किया तो ये फिर से आ गए 5500 तक, तो मुझे वही याद आ जाता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी चल रहा है ना, चलने दो, कोई तो टाइम ऐसा आएगा 1 साल के अंदर जो तो किसी ना किसी टाइम तो क्रैश करेगा किसी भी रीजन से, जब वो करेगा तब सोचेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले के लिए अच्छे स्टॉक को पकड़ के रखना चाहिए, जब वो नीचे गिरे तब खरीदना चाहिए, जैसे मेरे लिस्ट में हमेशा है कौन, दो, बजाज फिनांस, HDFC AMC, ये मेरे लिस्ट में हमेशा है कि कभी भी आएगा तो मैं अच्छा खासा पैसे इसमें लगाऊंगा। लेकिन मान लीजिए अभी मैं 3 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, 3 महीने से वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ने दीजिए ना, कोई बात नहीं, आज से 6 महीने बाद ही सही वो नीचे तो एक बार आएगा, ठीक है, जब आएगा तो देखेंगे उस टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। चलो वापस आते, कहाँ थे हम लोग, हाँ जी, एक मैंने बजाज फिनांस देखिए, उससे पीछे दिखा रहा था तो 71% का था उसका, उस टाइम रेशियो हम लोग बुक वैल्यू तो प्राइस रेशियो चेक कर रहे थे 9 टाइम्स था, अभी जो हमारा चल रहा है 12 गुना चल रहा है। पी रेशियो को हम बाद में बता देंगे, अभी फिलहाल उसका पी रेशियो जो था, प्राइस टू ईपीएस होता है,
अर्निंग के रेस्पेक्ट में कितना गुना महंगा है, यानी कि महंगा है स्टॉक या नहीं, उसके लिए दो रेशियो हम लोग देखते हैं। एक तो मैं जो देखता हूं प्राइस टू बुक वैल्यू, वो ये बताता है कि कितने का बैलेंस शीट में कितने का ट्रेड हो रहा है, और एक का होता है प्राइस टू ईपीएस, कितना कमाता है उसके रिस्पेक्ट में कितना गुना प्राइस है, उसको कहते हैं पीई, प्राइस टू ईपीएस, और एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब प्राइस टू अर्निंग को भी समझ सकते हो कि कितने गुना चल रहा है, कितना कमाता है। जैसे आप देखोगे जब आप रेशियो के टाइम पे गए थे तो इसी रेशियो पे आपको कुछ दिख रहा था, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कौन से हमारे बजाज फाइनेंस है, इसी के फाइनेंशियल्स पे जब जाओगे तो ये देखिए रेशियो के अंदर फाइनेंशियल्स रेशियो पे, ये देखिए यहीं पे ना स्टार्टिंग में आपको देख रहा था ईपीएस, एक शेयर पे कितने रुपए कमाता है, एक शेयर पे कितने रुपए कमाता है, 67 रुपीज, एक शेयर पे 67 रुपीज कमाता है वो हर एक साल पे, है ना, और आपने कितना दिया है 4,000, 67 रुपीज कमा रहे हो, 4,000 दे रहे हो, तो अर्निंग के रेस्पेक्ट में कितना गुना दे रहे हो आप, 4100, 4100, 4100 डिवाइडेड बाय 67, 61 टाइम्स। ओहो, कभी कभी देखते हैं ना तो हिम्मत ही नहीं काम करता है कि खरीदे भी या ना खरीदे, क्योंकि बहुत महंगा है। मतलब क्या हुआ पता है, ये आपको 100 रुपये देते हो और ये कमाता कितना है 1 रुपये, हम कंपनी को 100 रुपये देते हैं और वो कमा के कितना लाता है 1 रुपये, देखा जाए तो कितने परसेंट कमा रहा है 1%। नहीं लग रहा है कितना कम कमा रहे हैं और इसके लिए हम इतना महंगा दे रहे, वो कमाई इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि आप दे क्या रहे हो महंगा। कायदे से इसका क्या होना चाहिए, कमा के लाता है कितना, देखो आप उसका बुक वैल्यू कितना है बताइएगा कोई मुझे, कायदे से क्या होना चाहिए, जितना उसका बुक वैल्यू उस पर कितना कमाता है, ये होता है सही रेशियो, प्राइस टू अर्निंग नहीं, बुक वैल्यू टू अर्निंग, बुक वैल्यू टू अर्निंग। बैलेंस शीट में कितने का संपत्ति है, कितना था इसका बैलेंस शीट, कहता है 340 रुपये का, 340 रुपये का संपत्ति पे वो, उसके बैलेंस शीट में जो 340 रुपये का संपत्ति है उस पे वो कितने रुपए कमा के लाता है 67 रुपीज, एक शेयर पे 67 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करता है ये, एक शेयर पे प्रॉफिट 67 रुपीज का, और एक शेयर कितने का है बैलेंस शीट में 340 का, तो 67 डिवाइडेड बाई 340 मल्टीप्लाई बाय 100, कायदे से 20% का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ये। नहीं समझे, हमारे बैलेंस शीट में 340 का संपत्ति है, वही तो होता है ना बुक वैल्यू, 340 का इन्वेस्टमेंट करके हम कमा के ला रहे एक शेयर पे कितने रुपए 67, तो 340 रुपये लगा के 67 कमा रहे, तो मोटा मोटा 20% का रिटर्न है, इसी को कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। याद रखिएगा आने वाले टाइम पे आपका एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा पता है, कि बैलेंस शीट में कितना है कितना कमा के लगाते, ये जो मैंने अभी निकाल के दिया है ना आपको 67 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आ रहा है 19.7%, ये इसको हम लोग आने वाले टाइम पे नामकरण करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया, इक्विटी होल्डर कितना परसेंट कमाता है 20%, और ये जो होते हैं ना परफेक्ट रिटर्न होता है, ये आपको हकीकत को बताता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अब ये देखो हम कह रहे कि 4100 लगा रहे हैं, वो अब महंगा लगा रहे हो ना, कायदे से तो लगाना कितना चाहिए था 340, तो अब यहां इसीलिए क्या हो जाता है कि प्राइस जो है 4100 रुपये का है ना, और कमाते कितने हो 67, तो आपका रेशियो कितना आ रहा है 61 टाइम्स। तो लोग क्या कहता है, अरे पी रेशियो बड़ा है ना, तो ये बहुत महंगा शेयर है, नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अरे महंगा क्यों है, महंगा क्यों है बताओ, महंगा क्यों है, भीड़ नहीं तो महंगा बना रखा है, और भीड़ ने महंगा क्यों बना रखा है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है, तो परफॉर्मेंस अगर कंपनी का अच्छा है तो महंगा तो मिलेगा ही आपको, अगर आप कोई भी अच्छे बिजनेस में आप पैसे लगाना चाहोगे तो क्या होगा, महंगा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए ये दो रेशियो जो होता है ना लोग महंगाई से कैलकुलेट करते हैं, एक प्राइस टू बुक वैल्यू से कहते हैं कितना महंगा है, और एक प्राइस टू अर्निंग जिसको हम लोग पी रेशियो कहते हैं, तो यहां पे पी रेशियो कितना चल रहा है 61 टाइम्स, बहुत महंगा, दिल दहल जाता है 61 टाइम्स, अरे कुछ भी गड़बड़ हुआ सीधा खत्म। नहीं समझे, किसका, हिंदुस्तानी लिवर, चलो वो तो चलता रहेगा, वो क्यों चलता रहेगा बताओ, कुछ भी हो जाए खाना बंद नहीं करेगा कोई, समझ में आ गया, वो एफएमसीजी है,
एफएमसीजी वगैरह चलते रहते हैं, तो एफएमसीजी वगैरह में उतना रिस्क नहीं होता है, समझ में आ गए? क्योंकि आप देखो एचयूएल का सिर्फ नाम ही नहीं जानते हो, सुबह सो के उठते हो ना, स्टार्टिंग ही उसके बिजनेस से करते हो, ब्रश किया, पेप्सोडेंट, क्लोज अप, जो भी निकालो सब क्या होगा, फिर गए वॉशरूम में नहाने के लिए गए, अब वहां पे लगाया डव, फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर, उसके बाद पियर्स, उसके बाद लक्स भी शायद उसी का है, कोई भी साबुन उठा लो, कोई भी शैम्पू उठा लो, कुछ भी उठाओ वहां पे एक ही लिखा होगा, खाने पीने का। अब उसके बाद मान लीजिए आ गए बाहर, उसके बाद कुछ, यानी कि सिंपल सी बात ये समझ जाओ, सो के उठते हो और बिजनेस किसको देते हो? एचयूएल का। वो बात अलग है कि बाबा रामदेव जी कहते थे कि हिंदुस्तान लीवर का तो लीवर खराब कर देंगे, नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते इतने बड़े ब्रांड को। चलो वापस आते हैं, कितना बोला आपने पी रेशियो जी? 90 टाइम से पी एचयूएल का पक्का? नहीं, पी रेशियो बोल रहा है, नहीं ना कि इतना है, ये देखो हिंद यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक मिनट देख लेते हैं, अपना निकालेंगे, क्योंकि वो लोग होता है ना 31 मार्च की वजह से थोड़ा सा ऊपर अप डाउन हो जाता है, खुद अपना निकाल लेना, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ। ये लो फाइनेंशियल्स पे हम लोग चले गए, इसके फाइनेंशियल्स पे जो है ना रेशियो पे देखते हैं ये कितना कमाता है, ये कमाता है 2700 रुपये, शेयर चल रहा है 1900 का, है ना, तो ईपीएस कितना हो गया देखो, 1900, 1947 डिवाइडेड बाई 2700 रुपये कमाता है, 27, 64 टाइम्स चल रहा है इसका भी पी रेशियो, उसका पी रेशियो 61 था, ये भी 64 चल रहा है, यानी कि कंपैरेटिवली उतना ही महंगा चल रहा है। कोई ये देखना चाहे कि बुक वैल्यू कितना है, ओहो 35 रुपये का बुक वैल्यू, ठीक है जी, 1900 का शेयर, 1947 डिवाइडेड बाई 35, क्या है ये? रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ है, बुक वैल्यू 35 रुपये और प्राइस 1900 रुपये, 1900, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा का फर्क थोड़ा ना पड़ता है, रातों रात यहाँ पे थोड़ा ना चेंजेज आ गए इतने सारे, इसका प्राइस एक महीने में, एक साल में जो है ना दो गुना नहीं हो गया है, किसका प्राइस? एचयूएल का। एचयूएल तो पिछले 6 महीने से परफॉर्म ही नहीं किया है, पिछले 6 महीने से परफॉर्म नहीं किया एचयूएल, बोलो कैसे यार, इतना तो ग्राफ देखते हो तो याद रहता है ना, ग्राफ डेली देखता था पीछे, अभी कुछ दिनों से नहीं देखता हूँ, जब से आपका बैच शुरू हुई ना तब से मार्केट को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह क्लास होती है, फिर सुबह सुबह मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे से मार्केट देखना पड़ेगा, एक दो दिन बीच में लगाया था, पीछे एक दिन लगाया था, थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ गया, ठीक है जी, हाँ ये फ्राइडे को लगा दिया था, ऐसे ही देखा मुझे थोड़ा लगा कि अच्छा हो गया, बीच में न्यूज आ गया इसके स्टील सेक्टर का, तो कल परसों, कल या परसों, कल 8-9 हज़ार का बुक लॉस बुक करना पड़ गया। 1947 डिवाइडेड बाई कितना है जी? 35, प्राइस टू बुक वैल्यू 55 टाइम्स है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है जी, ये तो अभी तक के सबसे महंगा स्टॉक हो गया ये तो, ठीक है, अब इसका पी रेशियो तो हो गया 61 टाइम, चलो ठीक है, आप लोग एनालिसिस करते रहे, अगर आगे बढ़ते, बहुत हो गया अपनी ज़्यादा, ठीक है, अब चलो बस थोड़ा थोड़ा सा बोलते चलता हूँ। HDFC बैंक का मैंने 5 साल में रिटर्न निकाला है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो उसका देखोगे तो 15% का रिटर्न चल रहा है, HDFC बहुत ही कंसिस्टेंट है, HDFC बहुत कंसिस्टेंट, ऐसा स्टॉक तो मुझे लगता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले कोई भी नहीं होगा, आप अगर इसका ग्राफ देखोगे 45 डिग्री, मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा नीचे, 45 डिग्री पे एकदम कांस्टेंट चलने वाले ग्राफ है, ऐसा ग्राफ तो किसी का नहीं मिलेगा, किसके जैसे? HDFC जैसे, यानी कि मुझे लगता है किसी को कि फिक्स डिपॉजिट करना है ना, किसी को HDFC का शेयर खरीद तो फिक्स डिपॉजिट है, आप वैसे ही बताओ फिक्स डिपॉजिट में क्या कर रहे हो, बैंक को ही तो पैसे दे रहे हो, और बैंक आपको कितना दे रहा है? 6%, उसी बैंक का मालिकाना हक खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो वो भी तो एक तरीके से कंपनी डूबने वाला नहीं है, नहीं डूबेगा, 100% नहीं डूबेगा, ठीक है जी, इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट हो गया, कौन सी वाले, और बहुत ज़्यादा गुब्बारा भी नहीं है इसके अंदर, HDFC AMC के जैसे नहीं है कि एकदम ऐसे जा रहे हैं, एकदम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और किस टाइम टूट जाएगा पता ही नहीं है, ऐसे स्टॉक के साथ होता है, क्योंकि एकदम अपना आराम आराम से चल रहे, आराम आराम से चलने वाले के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, ये देखो ना ग्राफ आपको समझ आ जाएगी, तो इसीलिए कभी आपको लगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स डिपॉजिट मुझे करना है, तो फिक्स डिपॉजिट की जगह HDFC का शेयर खरीद लो, ठीक है, लेकिन हाँ टाइम पीरियड कम से कम आप रखना 2 साल, 1 साल में हो सकता है परफॉर्म ना करे आपको, बैंक बैंक
नहीं, शेयर नहीं देख, वो नहीं देखना है 1300, उसका ग्राफ देखना है आप लोगों को। ये देखो 5 साल का ग्राफ। अरे रुक जा, 5 साल का ग्राफ क्यों? ये लो 5 साल का ग्राफ देखिए, मैंने जो बोला है वो गलत नहीं बोला है। देखो आप देख लीजिए, मैंने ऐसे ही डायग्राफ बनाया था ना, चल रहा है ऑल टाइम में देख लीजिए एकदम। ए ऐसे नहीं दिखेगा कहीं पे भी, ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे देख रहे थे ना बजाज फाइनेंस वगैरह में कैसे दिख रहा था, ऐसे चल रहे ऐसे, है ना, पहाड़ बन रहा है, नहीं एकदम कांस्टेंट चल रहा है। ये देखो हमेशा का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक ठाक है, धीरे धीरे चल रहा है। यानी कि आपको 15 से 20% का रिटर्न जो है एनुअली आपको दे ही देगा, तो फिक्स डिपॉजिट तो हो गए नहीं है। हाँ जी चलो वापस आते हैं। रिलायंस, जब से जियो आया तब से परफॉर्म कर लिया, उससे पहले 10 साल तक परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है। आपको जो मोटा मोटा दिख रहा है 20% का पर एनम का रिटर्न, ठीक है, दो तीन कंपनी का मैंने लिखा के दे दिया है आप लोग। अब मैंने कैलकुलेशन करना सिखा दिया है आपके सामने, मनी कंट्रोल है, जाइए कैलकुलेशन करते रहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो, ब्रेक की बात कर रहे हो? आज तो छुट्टी है ना, है या नहीं पहले बताओ। छुट्टी आप लोगों को भी, आज ऑफिस छुट्टी नहीं आप लोगों का? कितना खड़ूसी है आपका। फिर किसके दिमाग में आ रहा, सर आप कौन सी है, शरीफ हो? देखो हमारा तो मजबूरी है कि टाइम पे कोर्स कंप्लीट करना है, इसकी वजह से है ना, क्योंकि बीच में ज्यादा टाइम लगा लिया ना हम लोगों ने। ब्रेक चाहिए या थोड़ा देर बाद ले? थोड़ा देर बाद ले लेते हैं, अभी लेंगे, इसके बाद लेंगे। आप लोगों ने जो अभी बोला कि बोली जो लग रहा है, अब हम लोग बोली लगाने चलते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग अब एक बिल्कुल एक बेस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं कि कंपनी बन गई, कंपनी का बिजनेस शुरू हो गए, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, जो बाहर वाले देख के उसको जलन हो रहा है, तो पुराने वाले को लालच देने को शुरू हो गए। अब ये जो लालच दिया जाता है, अब इसके लिए क्या होगा? अब कुछ ब्रोकर लोगों ने कुछ एक फीचर्स वगैरह लेके आया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि न्यूज आता है और सेकेंड में प्राइस भागता है, ठीक है। मान लीजिए मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, बोली लगा के प्राइस डिसाइड किया जा रहा है, इसीलिए बहुत सारे फीचर देने की जरूरत पड़ा ब्रोकर वगैरह को। यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जा रहे हैं एनएससी में या बीएससी में। बीएससी में आप बोली लगाने जा रहे हो, जब आप बोली लगाने जा रहे हो तो किसके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, एनएससी बीएससी का या ब्रोकर का? ब्रोकर का। ब्रोकर ने एक ऐसा अपना इंटरफेस बनाया जहां पे अपना फीचर्स वगैरह डाला अपने अपने हिसाब से। हम क्या करते हैं, उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। यहां हम लोग बोली लिखते हैं और वो बोली जब प्लेस करते हैं तो सीधा कहाँ जाता है, एनएससी में। इसका मतलब हमारे जो सॉफ्टवेयर यूज करना होता है वो ब्रोकर का बीच में होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सेम काम ऑर्डर प्लेस करने वाले ब्रोकर बदलने से प्लेटफॉर्म बदल जाएगा, लेकिन हर का मतलब एक ही होगा। हम बाई कर रहे हैं तो चाहे किसी भी ब्रोकर में बाई करो, बाई ऑर्डर कहां जाने वाला है, एनएससी बीएससी में, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने का तरीका क्या होगा वहां पे, बदल जाएगा। अब क्या होता है, मार्केट में बोली लगाते हैं, बोली कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। अब किसी चीज का बोली लगाओगे, मैंने यहां पे कुछ बना के दिखा रखा होगा, देखिए। हाउ डज प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज डिसाइड इन मार्केट, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग, बोली लगाए जाएंगे मेड बाय बायर एंड सेलर, सिंपली वी कैन से ऑक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, नीलामी चल रहा है सिक्योरिटीज का। ऑन स्क्रीन वी कैन सी टॉप 5 प्रायोरिटी बायर एंड सेलर, पहले था टॉप 5, आज जीरोधा आपको देता है टॉप 20। समझ में आया कुछ बात? नहीं। जब ये जब जाओगे ना आप, जैसे मैंने अभी यहाँ ओपन किया था, जब आप इसके प्राइस पे जाओगे, ये होता है वॉच लिस्ट। अच्छा, ये जब आप इसके ब्रैकेट पे जाओगे, मैंने आपको जैसे किया था यूजर अकाउंट, जैसे अकाउंट खोलोगे तो यूजर नेम पासवर्ड देगा, जैसे यूजर नेम पासवर्ड से जब प्लेटफॉर्म जब एंट्री करोगे तो इसका आउटलुक कुछ ऐसा है, कुछ प्लेटफॉर्म इसका ऐसा दिखेगा। मैं बता देता हूँ, ये इसका, ये इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। इसका जो प्लेटफॉर्म होगा, जो मेन फेस होगा, ये होगा। अब ये क्या कर रखा है, ध्यान से देखिए। वैसे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कुछ आपको लिस्ट का शेयर का लिस्ट दे रखा होगा। आपको जो भी कंपनी का शेयर खरीदना है बेचना है, यहाँ पे पहले सर्च करके यहाँ डालोगे, कोई भी वर्ड डालोगे तो सर्च हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें रिलायंस की, तो यहाँ रिलायंस लिखिए, ठीक है। अब जब रिलायंस लिखोगे तो यहाँ बहुत सारे आएगा, रिलायंस एनएससी में, रिलायंस बीएससी में, और ये सब डेरिवेटिव है। एनएफओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर एंड ऑप्शन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि डेरिवेटिव ट्रेड होता है, वो दिसंबर महीने के लिए चाहिए, जनवरी के लिए चाहिए, फरवरी के लिए चाहिए, फिर
फिर ये कॉल पुट ऑप्शन हो जाता है, बहुत सारे ट्रेड है, तो ये सब आपको कौन सी ट्रेड करना है वो बताता है। हम अभी बात करें कि अच्छा चलो इक्विटी की बात करें, यहाँ पे जाइए, ये कुछ प्लस करके आ रहे हैं, प्लस करने का मतलब होता है वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। ये देखिए हमारा वॉच लिस्ट में आ गया। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं बायर सेलर कितना है, इस पर जाके क्लिक करिए, देख रहे हो मार्केट डेप्थ, बायर सेलर कितने पे बोली लगा रहे हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभी आपको कितना दिख रहा है स्क्रीन पे, 5 5 क्यों दिखा रहा है? चलो कोई नहीं, कल जब मार्केट ओपन होगी तो मैं दिखाऊंगा। वैसे बाय डिफॉल्ट 5 आता है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी टॉप 20, जब उस पर क्लिक करोगे तो 20 स्टॉक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 स्टॉक नहीं 20 बायर एंड सेलर देख सकते हो। ये पहला ब्रोकर है जो आपको 20 लोगों को नंबर में लगा हुआ एक साथ दिखाता है आपको, अभी तक किसी के पास नहीं था ये, अभी तक आप दूसरे ने आप इंट्रोड्यूस किया नहीं किया, ये फीचर्स मुश्किल से 1 महीने हुए हैं जो इंट्रोड्यूस किया है जीरोधा वालों ने। उसने क्या बोला है कि बाई साइड में कौन कौन लोग हैं, मैं आपको 20 लोगों का ऑर्डर देखने के लिए आपको हेल्प करता हूँ, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, जो ट्रेड करता है उनको पता है कि 20 का अहमियत क्या होता है। एक टाइम ऐसा हुआ करते थे क्लास में, हम बोलते थे कि देखो हम लोग सिर्फ 5 लोगों को देख सकते हैं, आज अगर कोई मुझे ये बोले कि मैं 20 लोगों को दिखाने को तैयार हूँ और मेरे से वो 1000 रुपये महीने का चार्ज कर ले, मैं देने को तैयार हो जाऊंगा। ये मैंने पहले बोला हुआ था, जब एक बार नोटिफिकेशन आया, मेल आया कि आप 20 बायर देख सकते हो वो भी फ्री में, मैंने बोला अरे वाह क्या बात है, बढ़िया है, ये तो बढ़िया फीचर्स दे दिया। तो यही होता है अच्छे लोगों के साथ रहने से फ़ायदा ये होता है कि वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते, कुछ ना कुछ नई चीज़ अच्छी चीज़ लेके आते रहते, क्योंकि उसको भी तो मार्केट में बने रहने हैं। क्योंकि आपने सुना होगा नंबर 1 बनना बहुत आसान होता है, नंबर 1 पे टिके रहना वो मुश्किल होता है। तो इसको टिके रहना है तो कुछ ना कुछ तो करते रहना होगा, नए नए नई चीज़। तो इसमें क्या होता है, हम टॉप, अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है टॉप 20 लिख 5 लिख के दिया, आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, ऑन स्क्रीन वी कैन सी टॉप 5 प्रायोरिटी बायर एंड सेलर, यहाँ पे राइट साइड में लिख सकते हो नाउ 0, नाउ वी कैन सी टॉप 20 इन जीरोधा, यहाँ बगल में साइड में कहीं पे लिख लीजिए नाउ वी कैन सी टॉप 20 इन जीरोधा। दूसरे का नहीं मालूम मुझे, शेर खान वगैरह में तो अभी नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे हम लोग। ओके जी, यहाँ पे कैसे ऑर्डर फॉर्म दिखेगा ये देखो, मैंने एक अपने तरफ से कोई, मैं यहाँ पे डमी एक एग्जांपल बना रखा हूँ, बजाज फिनेंस का ऑर्डर बुक बाई डेप्थ सेल डेप्थ। ये देखो मैं स्क्रीन खोलता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ है बाई की तरफ 3 कॉलम, सेल की तरफ 3 कॉलम, ये सारे 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट आज क्या है, क्लोज है। जब मार्केट ओपन होंगी तो यहाँ बायर सेलर का भीड़ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं, तो यही चीज हमने यहाँ बताया है, हमने कुछ एक प्राइस लिया है जिसमें क्या क्या, देखो प्राइस क्या रखा है आपने, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ऑर्डर का नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, वैसे प्राइस दोनों आमने सामने होता है, हमने थोड़ा सा गलत लगा दिया है। अच्छा बिडर ऑफर, ठीक है प्राइस यहीं पे, इसका पहला प्राइस है बाई का, यहाँ पे पहला कॉलम किस चीज का है, सेल का। ठीक है, ये सेलर का बोली यहाँ लगता है, बायर का बोली यहाँ लगता है। चलो एक काम करते हैं, उस चीजों को हम ना देख के एक अलग से अपना एग्जाम्पल बना लेते हैं, बजाज फिनेंस का ही लेते हैं। आज कितना चल रहा है बजाज फिनेंस, अरे बोलो ना कुछ, 4100 के आसपास। क्या होगा स्क्रीन पे ऐसे बोली लगता है, ध्यान से देखो, एक ही जने तो बाई करने वाले नहीं है ना, एक ही तो सेल करने वाले नहीं है, किसी ने बोला कि देखो मैं ना 4100 में खरीदने को तैयार हूं, तो इससे सस्ता, यानी कि अब जो दूसरा होगा ना, मान लीजिए वो कहता है कि 4099 पे खरीदने, मैं इसमें डेसिमल हटा रहा हूँ मैं, ठीक है जी, कोई कहता है 4095 पे खरीदने को तैयार हूँ, 40 कहते हैं 94 पे खरीदने को तैयार हूँ, कोई कहता है 4090 पे खरीदने को तैयार हूँ, टॉप 5 आ गए। किसी ने बोला मैंने क्वांटिटी है कुछ, नंबर ऑफ ऑर्डर भी होते हैं और क्वांटिटी भी होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर है और फिर क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये हो गया प्राइस, ये है नंबर ऑफ ऑर्डर और ये है क्वांटिटी। मान लीजिए यहाँ 5 लोगों ने 4100 पे खरीदना चाहा है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 200, यहाँ पे एक ऑर्डर है, एक लोगों ने बोला है कि मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, वो कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूँ इतने पे। ऐसे यहाँ पे 2 ऑर्डर पड़ा हुआ है, मान लीजिए 50 लोग कहता है, यहाँ 3 ऑर्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 500 लोग कहता है कि मैं बेचूंगा खरीदूंगा, यहाँ पे 2 ऑर्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 200 क्वांटिटी के लेके थे, खरीदूंगा बेचूंगा, ये कौन हो गए बताओ, बायर। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके का सीन अगर देखना है तो आप वहां देख सकते हो, कहाँ पे, ये सब NSE को वेबसाइट पे मिल सकता है आपको।
ठीक है, ये है बज फिनांस। बज फिनांस यहाँ जब जाओगे तो इसके इक्विटी पे तो फिलहाल नहीं मिलेगा आपको, डेरिवेटिव पे मिल सकता है आपको। डेरिवेटिव पे मिल सकता है स्टॉक फ्यूचर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स स्टॉक फ्यूचर एक्सपायरी 26 दिसंबर। क्या है ये तो दिखाई नहीं रहा है। बाई सेल डेप्थ यहाँ से आता है क्या? अच्छा हाँ, प्लस करने पे आता है। ये देखो ऐसे दिखेगा, ये देखिए मार्केट डेप्थ। अरे आजा, हाँ जी ये देखो क्वांटिटी कितना है, बिड और आस्क ये दिख रहे। खरीदने वाले कहते 52 पे हैं। देखो सबसे महंगा खरीदने वाले का सबसे टॉप नंबर होगा। अरे रुक जाना, तू क्यों आ रहा है बीच में? ये देखो जैसे जैसे सस्ता करते जा रहे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। जैसे जैसे महंगा है क्या होते जा रहा है। अब इधर सेलर में देखो, सेलर सबसे टॉप नंबर पे कौन होगा जो सबसे सस्ता बेचेगा। ये देखो 57, ये कहता है मैं तो 50। रुको क्या ये? रुको गलत है ये कभी नहीं हो सकता है। आप खुद देखो ना, ये कितने में बेचने को तैयार है? 57 पे। ये कितने को खरीद बेचने को तैयार है? 52 पे। वो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इसी को पुराने वाले पे जाके दिखाता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है ये कौन है बताना? ये देखो कौन है, बजाज फिनांस का 26 दिसंबर का ट्रेड है ये, है ना? ओके मैं दिखाता हूँ पुराने वाले, इसी के एनएससी पे जाके दिखाता हूँ। होता है जब ये मार्केट जब क्लोज होते हैं ना, ये मैं पुराने वेबसाइट पे चला गया इसके। ठीक है यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, वैसे वहाँ पे भी यही दिखेगा क्योंकि तो डेटा तो सेम ही उठा रहे हैं ना दोनों जगह। ठीक है ये है डेरिवेटिव कोट, देखो नहीं है, देख रहे हैं? वो कह रहे हो ना कभी पॉसिबल ही नहीं है। अरे जो नहीं है तो नहीं है, लॉजिक मुझे मालूम है ना, बाकी जो दिख रहा है हमें मालूम है कि अगर मुझे लॉजिक पता है और मेरे पास कॉन्फिडेंस है तो जो दिखा रहे हो गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कभी। बोलो कैसे नहीं? ये देखो अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला मैं क्या चाइनीज बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रायोरिटी होता है ना, ये प्रायोरिटी वाइज नंबर पे होता है। आप ये देखो कितने में बेचने को तैयार है, 41 57। तो अगला जो सेलर होगा ना वो किसी भी हाल में 57 से नीचे हो ही नहीं सकता, वो हर हाल में क्या होगा 57 से ऊपर होगा। ये देखो कितने पे, ये देखो ये देखो ये देखो बढ़ते जाएगा। और क्वांटिटी देखिए आप सामने तो स्क्रीन पे मुश्किल से कितना दिख रहा है आपको, 1000 और 1000, 2000 दिख रहा है। देखो कितना बेचने वाले, 1,60,000। ये कैसे आ गया? टॉप दिख रहा है ना, यहाँ तो हजारों लोग यहाँ नंबर में लगे हुए, इधर भी टॉप 5 दिखता है स्क्रीन पे लेकिन हजारों लोग लगे हुए हैं। आप टॉप 20 तक देख सकते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉप 20 तक आप देख सकते हो इसमें कहाँ पे कितने क्वांटिटी का लोग बैठा हुआ है। ठीक है जबकि यही सेम चीज देखिए, कब का क्वांटिटी बताइए, 26 दिसंबर बजाज फिनांस का स्टॉक फ्यूचर है। एक काम करता हूँ, यही कोट आपने अभी देखा था 26 दिसंबर का बजाज फिनांस का आपका स्टॉक, ये देखिए यहाँ पे कैसे दिखा रहा है। ये देखो आस्क प्राइस देख रहे हो 5152 दिखा रहे हो, कभी हो ही नहीं सकता। यही मैंने बोला था ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए लॉजिक पता है तो आप कह सकते हो ये गलत है, ये प्राइस गलत है। ये कितना ही है, 9 है। ठीक है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं अभी जो इसका नया वेबसाइट है ना अभी उतना परफेक्टली काम नहीं कर रहा है शायद, मैं ऐसे कह सकता हूँ। चलो यही चीज हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है अब बेचने वाले कितने बैठे होंगे बताओ जल्दी से, सेल क्वांटिटी सेल प्राइस कितने में होंगे, सेल नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी आ जाएगा। हाँ जी मान लीजिए बेचने वाले कितने पे होगा, 4000 पे, 100 रहो 100 रहो, यहाँ पे लूड़ी सुनाने आया हूं ना मैं, क्या 4000 हो सकता है? और याद रखिएगा जब तक ये जो अभी बता रहा हूं ये लॉजिकली आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आने वाले जितने भी चार्ट देखो और कुछ भी देखो आपको लॉजिक बढ़िया से कभी क्लियर नहीं होगा। समझ में आ गया बात? ये कितना जाएगा बताइए, हर हाल में 4100 से ऊपर होगा, 4100 से नीचे इवन 4100 भी नहीं हो सकता है। अगर 4100 किसी ने प्राइस डाला तो मैच हो जाएगा, और जैसे ही मैच हो जाएगा तो ये जो फॉर्म है ना, ये जो ऑर्डर फॉर्म है ये ऐसा है जो नंबर में लगा है, जिसका बोली मैच हो चुका है वो यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये हर हाल में कितना होगा, ये 4100 से ऊपर होगा।
मान लीजिए किसी ने बोला 4102 पे मैं बेचना चाह रहा हूं, अब जो दूसरा सेलर होगा वो कितने पे होगा? उससे और महंगा होगा। 41 मान लीजिए 5 पे, एक कहता है 41.6 पे, एक कहता है 41.7 पे, एक कहता है 41.10 पे। हम कहते ठीक है सब लोग नंबर पे लगे रहो। अब क्या होगा देखिएगा, अब बायर को अगर जल्दी है, उनको लग रहा है कि अरे थोड़ा देर के प्राइस तो 4200 पे जाने वाला है, मैं लेट ना हो जाऊं, मेरे को शायद नंबर ना मिले, फिलहाल तो एक सेलर मिल रहा है मुझे, कितने का मिल रहा है? 4102 का, मैं फटाफट जाके इससे खरीद लेता हूँ, नहीं तो पता चला थोड़ा देर के बाद इसका भी मूड बदल जाएगा और ये भी अपना बोली रिवाइज करके कर देगा 4110, तब तो मुझे अगला सीधा कितने पे मिलेगा? 41.5 पे, 5 रुपये महंगा खरीदना पड़ेगा। बायर को भी मौका है, 200 पे लेते हैं, बायर को थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, इसने ये अपना बोली मॉडिफाई कर सकता है, इसने कितना डाला बताओ? 4102 का क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे LTP जिसको कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये आ जाएगा 4102, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन गायब तब होगा, गायब तब होगा जब ये एग्जैक्टली क्वांटिटी तक मैच होगा, या हो सकता है यहाँ कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पड़ा हुआ था? पांच, पांच नंबर ऑफ ऑर्डर था, हो सकता है इसमें से एक इंसान ने अपना बोली बदला ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? ये 5 हो जाएगा 4, हो सकता है 50 क्वांटिटी था, तो ये कितना बन जाएगा? 150, और ये 102 वाले तो खरीद बेच बिक गया, मान लीजिए यहाँ 50 क्वांटिटी था, यहाँ एक ऑर्डर सॉरी एक नंबर ऑफ ऑर्डर था, एक लोगों का ऑर्डर था 50 क्वांटिटी के लिए, है ना, तो यहाँ से एक ऑर्डर कम हो जाएगा और ये यहाँ से गायब ही हो जाएगा, फिर अगला सेलर आपको स्क्रीन पे कौन दिखेगा? 4105, और यहाँ पे LTP आपको दिखेगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होते हैं 4102। ऐसे ही बोली जो होते हैं हर सेकंड अलग अलग प्राइस पे बोली मैच होते रहते हैं, तो हर सेकंड पे प्राइस क्या होता है? अप डाउन होते रहते हैं, और उसी का हिस्ट्री हमारे को यहाँ पे दिखता है, जो कि हिस्ट्री होता है पूरे दिन का। पहला ट्रेड को बोलते हैं ओपन प्राइस, समझ आया कुछ? फर्स्ट टाइम जो बायर और सेलर का जो प्राइस मैच होगा उसको बोलेंगे ओपनिंग प्राइस, स्टार्टिंग का फर्स्ट प्राइस होता है ये। पूरे दिन में जो हाईएस्ट जाएगा वो ये होगा, और पूरे दिन में जो लोवेस्ट जाएगा सबसे सस्ता वो ये होगा, और ये होता है लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज, और ये होता है पिछले दिन का क्लोजिंग। पिछले दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखिए आप, एक दिन पहले आपका 59 पे क्लोज हुआ था, अगले दिन ओपनिंग कितने पे होता है? 45 पे। ये कोई अकाउंट का नहीं है कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, ऐसा नहीं है। पहला बोली जो मैच होता है वो होता है ओपनिंग, और जो आज पूरे लास्ट के 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में जो ट्रेड होगा उसका जो एवरेज किए जाएंगे वो आज का क्लोजिंग होगा। अब अगले दिन जाके क्या दिखाएगा पता है? ये प्रीवियस क्लोज बताएगा इसको, अगले दिन यहां पे दिखाएगा ये, और ओपनिंग क्या होगा? जो उस दिन पहला ट्रेड मैच होगा। क्लियर है? तो ये मैंने सब कुछ लिख के आपको यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए मैंने जो कुछ बोला है। देखो इस तरीके से बोली डल गए, अब ऑर्डर आर पेंडिंग ऑर्डर, बस सुनते जाइए एक बार। व्हेन बायर एंड सेलर प्राइस मैचेस देन ऑर्डर एग्जीक्यूट्स, जब मैच हो जाएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, एंड एग्जीक्यूटेड प्राइस इज नोन एज LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस, या कुछ लोग उसको CMP बोलते हैं, करेंट मार्केट प्राइस। करेंट मार्केट प्राइस हर सेकंड बदलता जाता है। वी कांट सी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इन ऑर्डर बुक, मतलब क्या हुआ? ये जो ऑर्डर बुक है ना, जिसका बोली मैच हो गया वो स्क्रीन पे नहीं रहेगा, वो ऑर्डर मैच होकर बाहर निकल जाएगा वहां से। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हिस्ट्री कैन बी कोटेड इन फॉलोइंग वेज, ओपन प्राइस फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस एग्जीक्यूटेड एट 9:07 to 9:08 AM। अब ये क्या है मैं बता दूंगा, इक्विटी सेगमेंट का जो पहला ट्रेड होता है वो 9:07 से 8 के बीच में रैंडमली क्लोज होता है, ठीक है? अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा वो मेरे से बहस करने लग जाता है, जाएगा लॉ पढ़ेगा ऑडिट पढ़ेगा, टीचर ने कभी ऑर्डर तो प्लेस किया नहीं होगा, वो बोलता है देखो भाई मार्केट खुलता ही 9:15 है, तुम्हारे टीचर ने ट्रेड कैसे कर लिया 9:07 पे, ठीक है? तुम्हारे टीचर गलत बताता है, ठीक है? मैं सिंपली ये बता दूं, मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सारा चीज बता रहा हूं। अगर मेरे से किसी का बोली बात नहीं मैच हो रहा है तो वो कभी ट्रेड नहीं किया है, समझ में आ गई बात? एक ऑडिट का टीचर है, आज के रेट पे स्टॉक मार्केट का बढ़िया सा उन्होंने एक वो बना लिया है, ऑडिट नहीं चला तो चलो दो चार स्टॉक मार्केट पे एक बढ़िया से वीडियो बना दिए, फॉलोअर बढ़ गए, है ना, आज 5 लाख सब्सक्राइबर पहुंच गए यूट्यूब पे, ठीक है? मुश्किल से 3 से 5 6 महीने के अंदर, नहीं मालूम वो सब मुझे नहीं मालूम, नाम नहीं लेते हम, ठीक है जी? नहीं, 5 लाख तो वो तो नहीं, वो कोई और भी है, 5 लाख नहीं पहुंचे थे अभी, अभी 5 लाख पहुंचने वाले हैं, 5 लाख पहुंचने वाले, 3 लाख तो पहुंचा हुआ देख चुका था। अरे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है,
वो जो पहला जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था ना, उसमें जो बोलते जा रहे हैं उसमें से 30% गलत बोल रहा है। ये प्री ओपनिंग में ही गलत बोल रहा है सबसे पहले तो, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस में जो बात करें, क्लोजिंग सेक्शन में जो जो ट्रेडिंग होते हैं वहां पे भी गलत बोल रहे हैं, तो ठीक है चल रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी, मुझे नहीं मालूम। चलो वापस आते हैं। हमारे साथ बहुत बार डिस्प्यूट हो रखा है कि दिल्ली के ही लॉ के टीचर वालों के साथ, पहले स्टूडेंट जाके कुछ बोल दिया करते थे, टीचर बोलते थे तुम्हारे टीचर गलत बोलता है, ऐसा तो होता ही नहीं, वैसा होता ही नहीं। मैं आपको एक काम करूंगा, 9:07 से लेकर 9:08 के बीच में आपको ट्रेड करके दिखा दूंगा, बस हो गई ना काम खत्म। प्री ओपनिंग सेशन इसको कहते हैं, 9 बजे से बोली डलना शुरू हो जाता है, 9:07 तक आपका बोली डल जाना चाहिए। फिर पहला जो बोली मैच होता है एवरेजिंग करके, वो एवरेजिंग करके प्री ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। तो इक्विटी सेक्शन में आपको इस इक्विटी का जो सेशन है ना, सेगमेंट है, उसमें आपका इस बीच में आपका प्री ओपनिंग सेशन में ओपन प्राइस डिसाइड हो जाता है। हाई प्राइस जो हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, लो प्राइस लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, क्लोज प्राइस कोटेड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ मार्केट, ये मार्केट क्लोज होने के 2 मिनट बाद आएगा आपके सामने। लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज होता है ये, 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में जो ट्रेड होता है उसका जो एवरेजिंग किया जाएगा वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्लोज प्राइस कहलाता है। ठीक है जी, बढ़िया भागे। एक एक करके, इतना तो प्राइस चल पता चल गया कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है ना जी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट में एक वर्ड है लॉन्ग पोजीशन। आराम से, पीछे वाले से बात कर रहा हूँ, आराम से। हाँ ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ पे बाई का मतलब, लॉन्ग पोजीशन का मतलब, ये मार्केट की लैंग्वेज है। जैसे आपको बचपन में कभी किसी ने नहीं बताया था कि 1 लाख का मतलब एक पेटी होता है, लेकिन बाद में कॉमन पार्लेंस में आपको पता चल गया, और ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि पेटी का साइज़ क्या होता है, क्योंकि अलग साइज़ के पेटी में अलग अमाउंट आ सकता है, लेकिन अभी भी एक पेटी का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, 1 लाख। एग्जैक्टली वैसे खोखा तो करोड़ होते हैं जी। हाँ तो अगर कोई बाई करके बैठा हुआ है, बाई पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन। वैसे पोजीशन वर्ड कब यूज होता है बताइएगा मुझे कोई। जैसे देखते हो फाइनेंशियल पोजीशन एक बैलेंस शीट को बताते हैं, एक किसी एक पर्टिकुलर डेट का आपका क्या पोजीशन है वो बताता है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर बाई करके होल्ड कर रहे हो तब पोजीशन बनता है। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं मतलब बाई करते हैं, और हम मैं कहता हूँ लॉन्ग अभी होल्ड कर रहा हूँ, या मैं अभी लॉन्ग हूँ मार्केट में, इस तरीके के कुछ लैंग्वेज यूज किए जाएंगे। क्या मतलब हुआ बताइए, मैं मार्केट में लॉन्ग हूँ मतलब बाई करके पोजीशन मेरा ओपन है, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो पोजीशन क्या हो जाएगा मेरा, ओपन हो जाएगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं बाई पोजीशन हो गए, या उसको लॉन्ग पोजीशन बोलिए, या लॉन्ग क्रिएट करना बोलिए, कुछ भी बोलिए, सबका मतलब क्या है यहाँ पे, एक है। वैसे शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट सेल करना, ये मार्केट का लैंग्वेज है, तो सेल पोजीशन को ही शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। अब मुझे बताइए कोई भी इंसान लॉन्ग पोजीशन कब क्रिएट करना चाहता होगा, या बाई पोजीशन कब क्रिएट करना चाहता होगा, बताइए कोई मुझे। सोचिए अभी मैं किसी एक टाइम पे बैठा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए अभी 9:20 पे पहला ट्रेड कब हो जाता है इक्विटी सेगमेंट में, पहला सेगमेंट कितने बजे हो जाता है, 9:07 से लेके 9:08 के बीच में, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है ना तो रैंडमली क्लोज होता है, तो कभी थोड़ा सा सेकंड पहले, कभी सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद, इस तरीके से चलेगा। तो 9:07 से लेके 9:08 के बीच का आप टाइम रख सकते हो, पहला ट्रेड तो वहाँ हो जाता है। वो ट्रेड जो होता है वो अलग टाइप का ट्रेड है, वो क्या होता है कि 9 बजे से लेके पेंडिंग ऑर्डर होगा, और सबका ऑर्डर एक साथ उसी टाइम पे मैच होगा। जैसे यहाँ क्या होता है, हर सेकंड सबके लिए अलग अलग प्राइस मैच होता है, 1 सेकंड में एक प्राइस मैच हुआ वो उस प्राइस अलग हो गया, अगले सेकंड में अलग हो गया, उसके अगले सेकंड में अलग हो गया, सेकंड सेकंड में प्राइस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्री ओपनिंग सेशन जिसको हम बोलते हैं उसमें प्राइस एक ही डिसाइड होता है, वो 9:07 से लेकर 8 के बीच में। किसके बीच में वो डिसाइड होता है, ऐसे लोगों के बीच में जिसने ऑर्डर डाला है 9 बजे से लेके 9:07 के बीच में, उसको प्री ओपनिंग सेशन बोलते हैं। चलो उस पर हम डिस्कशन बाद में कर लेंगे। नॉर्मल सेशन कब स्टार्ट होता है इसका मार्केट में, 9:15 पे, ठीक
ठीक है, मान लीजिए 9:20 में हमें एक स्टॉक मिला जिसका मान लीजिए यही प्राइस, हम किसी का भी, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि 3000 वाले कोई प्राइस है, चलो 3000 वाले ही ले लेंगे। कौन सी शेयर है, शेयर का नाम नहीं दिया है तो अच्छी बात है, शेयर का नाम नहीं है तो वो अच्छी बात है, ठीक है जी। चलो तो ये सारे कैलकुलेशन करके मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई शेयर 9:20 में ये शेयर हमारा ट्रेड हो रहा था कितने रुपीज़ पे, 3000 पे। याद रखना जब भी ग्राफ पे होगा तो जो हमारा जो वाई एक्सिस होता है इसमें हम लोग नॉर्मली प्राइस को इंडिकेट करते हैं, और जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम लोग नॉर्मली टाइम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आप जितने भी ग्राफ देखोगे सब में देखना नीचे टाइम होता है और प्राइस के बेसिस पे हमारा ग्राफ जो होते हैं अप डाउन होते रहते हैं। 3000 पे हमने क्या किया, यहाँ पे बाई कर लिया। क्यों बाई किया होगा बताइए, आपको लग रहा होगा कि आने वाले टाइम पे प्राइस हमारा ऊपर जाने वाला है, और होता क्या है प्राइस धीरे 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 ऊपर ऊपर ऐसे होता गया, और एक टाइम पे गया, मान लीजिए ये 2 बज रहे होंगे, ठीक है, 2 बजे जाके ये प्राइस पहुंच गया मान लो 2 3200 पे। ये प्राइस कहाँ पहुंच गया जी, 3200 पे, ठीक है जी। यहाँ पे जाके आपने क्या कर दिया, आपको लगा कि अब बहुत हो गया, अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, हो भी सकता है और भी जाए, कुछ लोग वेट भी करते, कुछ लोग कहते चलो काफ़ी हम निकल जाते, यहाँ पर उसने क्या कर लिया, सेल कर दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए सेल करने के बाद ये सेलर है या बायर है, सेल करने के बाद ये मार्केट में कुछ भी नहीं है, इसको कहते एग्जिट करना। ये मार्केट से एग्जिट करता है, ये मार्केट का क्या होता है एंट्री होता है, एंट्री बाई था, एग्जिट क्या किया सेल किया, सेल करने के लिए फिर वैसे ही बोली डालने जाएगा भीड़ में। मान लीजिए वहां पे कोई बायर अवेलेबल नहीं है, एक चीज माइंड में सेट कर लेना, बिना बायर सेल नहीं हो सकता है, बिना सेलर बाई नहीं हो सकता है। एनएससी कभी भी आपके साथ ट्रेड नहीं करता है, एनएससी तो सिर्फ एक मिलन करवाने का काम करता है, एनएससी कभी भी आपके बाई सेल के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। आप मुझे बताइए 9:20 में जब प्राइस आपका चल रहा था 3000 रुपये का, उस टाइम आपने यहाँ पे बाई किया, बाई करते टाइम कितने रुपये दिए होंगे आप, 3200 रुपये, नहीं लेता है आपसे 3200 रुपीज़, ये चीज़ याद रखिएगा, समझ में आ गई बात न। 3200 क्यों नहीं ले, सॉरी 3000 रुपीज़ नहीं लेगा वो आपसे, क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, लॉजिक बताओ ना। आपने शेयर खरीदा 3000 में, क्या शेयर मिल गए, शेयर मिल गए नहीं मिले, नहीं मिला ना, ठीक है नहीं मिला। तो आप मुझे बताओ शेयर तो मिलता है T+2 में, इसको कहते हैं डिलीवरी, इक्विटी मार्केट में डिलीवरी T+2 में होता है, तो T+2 में तो अभी आना बाकी है ना, तो जब मुझे शेयर मिलेगा तब पैसे दूंगा ना, हाँ या ना। तो स्टार्टिंग में उस टाइम आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जीरोधा वाले थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता है, वो क्या कहता है देखो आपको लेना है ये कन्फर्म कर दो मुझे पहले ही, कौन जीरोधा वाले जैसे शेर खान वाले, कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बाई कर लो, 3:30 से पहले निकल गए तो मतलब आपको डिलीवरी नहीं चाहिए, 3:30 तक अगर नहीं निकले इसका मतलब आपको T+2 में शेयर चाहिए, हम उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। जीरोधा वाले क्या कहता है, अच्छा ये बताओ आप पहले ही फाइंड कर फाइंड पहले ही डिसाइड करो, खरीदते टाइम ही डिसाइड करो कि आपको T+2 पे डिलीवरी चाहिए या नहीं चाहिए। हम कहते हैं हाँ चाहिए, तो कहते 3000 दे दे अभी, मैं बाद के लिए कुछ नहीं रखने वाला, ठीक है मुझे 3000 अभी दे दे। मैं कहता हूँ अच्छा नहीं रखना चाहूँ तो कहते नहीं रखना चाह रहे हो तो फिर ठीक है, फिर आप एक काम करो इसमें से मुझे आप 7% रुपये दे दो, 7% 10% मान लेता हूँ मैं, 10% दे दो मुझे। वो बोला कि चला मार्जिन दे दो मुझे, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है मार्जिन हो गए 3000 × 10% कितना दे दिया, 3300 रुपये दे दिए। और याद रखना आपने डिसाइड क्या किए हो कि मुझे नहीं रखना है, तो जीरोधा क्या कहता है रुक जाओ 3:15 तक आपका आपको टाइम मिलेगा 3:15 तक, क्योंकि आपने क्या बोले हो मुझे तो रखना ही नहीं, अगले दिन तक मुझे डिलीवरी चाहिए ही नहीं, तभी तो मैंने 300 रुपये लिया हूं आपसे, 3:15 से लेके 3:30 तक मेरा, किसका, जीरोधा वाले का। और वो कहते हैं कि अब आपके बिहाफ पे मैं ऑर्डर यहां से प्लेस करूंगा, ठीक है। अब जब इस बीच में ऑर्डर प्लेस करेगा तो जीरोधा वाले कहते हैं देखो यहाँ हमें मैन पावर लगाना होता है, जो काम आप खुद कर सकते थे वो मेरे पे टाल रहे हो, जो काम आप खुद कर सकते थे वो मेरे पे टाल रहे हो, मतलब क्या हुआ बताइए, आपको बेचना पड़ेगा ना, आप पहले बाई किए हो तो सेल करके एग्जिट करो। बोलोगे सेल करके एग्जिट करने का मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे मान लीजिए एक शेयर बाई किए, यहाँ पे एक शेयर सेल कर दिए,
तो मार्केट में क्या रूल जाता है देखो, कि आपने जो बाई किए हो, मान लीजिए मंडे को किसी ने बाई किया, तो ट्यूसडे को क्या होगा, वन डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को क्या होगा, टू डे, तो आपको शेयर मिलेगा। और आपने मंडे को ही सेल कर दिया, तो मंडे को ही शेयर क्या, वेडनेसडे को शेयर क्या होना है, जाना है। एक्सचेंज कहते हैं ना, शेयर देते हैं ना लेते हैं, एक काम करते हैं, शेयर का डिलीवरी नहीं होगा, नेट ऑफ हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ कर लेना, एग्जिट कर जाना, डिलीवरी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या बताओ, बाई सेल का डिफरेंस मिलेगा। आपने बाई कितने में किया, 3000 में, सेल कितने में किया, 3200 में, कितने महंगा बेचा आपने, 200 रुपये, कहते 200 रुपये लीजिए और घर जाइए। समझ में आ गई बात, अब आइए वापस। क्या बोला जीरोधा वालों ने, कि देखो आप पहले डिसाइड कर लो डिलीवरी चाहिए नहीं चाहिए, अगर डिलीवरी चाहिए तो मैं आगे बताऊंगा इसका नाम क्या होता है, CNC बोलते हैं, कैश एंड कैरी। डिलीवरी नहीं चाहिए, कहते आप MIS, मैनेजमेंट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मैनेजमेंट इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ का मतलब एग्जिट, ये सब लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, वो सही समय पे सब मिलेगा आपको। अब सही समय बाद में आएगा ना, ये देखो सही समय इसका कब आएगा, इंट्राडे, CNC डिलीवरी, ठीक है जी, वहीं पे MIS लिखा होगा मैंने ऊपर, इंट्राडे में, ये रहा जीरोधा यूज करता है MIS वर्ड, मैनेजमेंट इंट्राडे स्क्वायर अप। एडलवाइज इसका वर्ड ही यूज करता है इंट्राडे, शेयर खान इसका वर्ड यूज करता है बिग ट्रेड, सेल बिग ट्रेड, इस तरीके से वर्ड यूज करता है। मैंने पहले ही बोला है ब्रोकर बदलने से उसका नाम वगैरह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो वो डिपेंड करता है। चलो वापस आते हैं, हम लोग अभी जहाँ थे वहीं पे रहते हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं भागते अभी, ठीक है जी, वापस आइए। क्या बोला, ध्यान से सुनना, अभी एक काम की बात है, बाद में जाके जब पैसे लूटेंगे तब आपको याद आएगा। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए तो आपसे 300 रुपये लिया, आप अगर ये सेलेक्ट करते ट्रेड करते टाइम तो आपसे कितना ले लेता, 3000 पहले ही ले लेता वो आपसे, कहते हैं जब आपको डिलीवरी चाहिए तो मुझे आज दे दो। आप बोलते हो नहीं हम तो 2 दिन के बाद देंगे ना, शेयर तो 2 दिन के बाद मिलेगा, तो कहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर मत करो, फिर जाओ आप शेयर खान में ट्रेड कर लो। शेयर खान क्या कहता है, रुपया 300 ही देना, समझ में आया कुछ, शेयर कब मिलेगा, 2 दिन के बाद, तो जब शेयर मिलेगा उस दिन बाकी का जो बच गया 2700 रुपये मुझे दे देना, समझ में आ गया। जीरोधा वाले कहते नहीं तो मैं पहले ही लूंगा आपसे, तो ठीक है, वो ब्रोकर बदलने से थोड़ा सा सिस्टम क्या होता है, बदल जाता है। हाँ दो दिन का, अब वो कहते हैं वो तो हमारा अपना रूल है, नहीं करना है, पसंद नहीं है तो आप दूसरे ब्रोकर ढूंढो, ठीक है। बढ़े आके हम लोग वापस आइए, क्या सेलेक्ट किया आपने, इंट्राडे। जीरोधा क्या कहता है, देख भाई 3:15 तक आपका, 3:15 से 3:30 मेरा, मेरे एम्प्लॉई आपके बिहाफ पे यहाँ सेल करेगा, किस रेट पे सेल करेगा, जितना चल रहा होगा, जितना चल रहा होगा, और कहते इसमें हमारे को मेहनत लगते हैं, मेहनत से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉई हायर करके रखने पड़ते हैं। याद रखना, आपका चाहे 2 रुपये का शेयर क्यों ना हो, चाहे 1 रुपये क्यों ना कमाया हो, मैं तो चार्ज कर लूँगा, कितने रुपए, 20 रुपये है शायद, या 10 रुपये पहले स्टार्टिंग किया था, शायद आज के रेट पे 20 रुपये लेता है आपसे, इसीलिए संभल के रहना। MIS अगर आप ऑर्डर डालते हो तो चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, कहाँ निकाल लेना, 3:15 से पहले खुद से निकाल लेना, नहीं तो 1-2 रुपये के चक्कर में पता चला कि 20 रुपये आपसे वो ले लिए, ठीक है जी। और उसको बोलते कॉल एंड ट्रेड चार्जेस करके, वो आपको बिल में डाल के भेजेगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा ये कॉल एंड ट्रेड चार्जेस क्या डाल दिया हमें, और ये भूल जाते हो कि आपने ऑर्डर नहीं एक्सक्यूट किया था, ऑर्डर किसने एक्सक्यूट किया, उसने, तो उस टाइम पे आपको आ जाएगा। अगर आपने खुद निकल गए 3:15 से पहले तो ये चार्जेज आपका नहीं आएगा, ठीक है जी, ये सब हिडन। थ्री थाउजेंड में से 300 डिडक्ट नहीं होगा, 3000 है कहाँ, ये तो प्राइस है, मार्जिन, ये रहा ना हमारा अकाउंट है। जब आप जब जीरोधा का अकाउंट, कोई भी ब्रोकर का अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पे आपको पैसे डालने होते हैं, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे जाते हो तो ये देखो कुछ इसमें पैसे दिख रहे हैं आपको, अभी कितने पैसे दिख रहे हैं, 1975 रुपये इसमें, हाँ तो बहुत कम ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा नहीं है ना अकाउंट, मेरा नहीं, कोई और अकाउंट है, ठीक है। तो ये 1975 इसमें पैसे हैं, तो इसमें से ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ लिखा रहेगा,
ये जो है ना जितने पैसे इसमें से यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 300 रुपये यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे जितना बैलेंस बचता है वो आपका रह जाएगा, ठीक है। तो वो आपको अकाउंट जब पैसे में डाल इसमें डालते हो तब होता है, वापस आइए। अब हम क्या कहते हैं, इसमें क्या है कि इसमें कोई ट्रेड नहीं है ना, तो मैंने ये अब ट्रेड वेड जो छोटे मोटे ट्रेड वेड जितने भी करना है सब इसमें करेंगे, मेरे अकाउंट में तो चलते रहते हैं ना बड़े बड़े कभी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए, तो छोटे मोटे इक्विटी वाले ट्रेड सारे इसमें डालते हैं, ताकि वो मैं जब रिटर्न भी फाइल करता हूँ ना तो मेरे को बैलेंस सारे मिला के उसमें जब टैली पे एंट्री डालूंगा तो एक एक पैसे मिलाना होता है मुझे, और ये जितने भी ट्रेड करते हैं ना अभी तो उसका हिसाब मिलाना मुझे वहाँ दिक्कत हो जाता है। ये अभी एक शेयर खरीदेंगे 2 मिनट में बेचेंगे, फिर 25 पैसे फ़ायदा होगा, 50 पैसे लॉस होगा, इसीलिए कचरा वाले काम इधर करते हैं हम, अपने वाले अकाउंट को साफ़ सुथरा रखते हैं। ये देखिए इसमें ये क्या गए, हम लोग मार्जिन दे दिए, कितने दे दिए जी, 300 रुपये। 2 बजे कितने में बेच दिया, 3200 में, कितना प्रॉफिट कमाया जी, 200 रुपये। ये 200 रुपये 2 दिन तक बाद नहीं मिलेगा, उसी टाइम मिल जाएगा आपको। 3200 में बेचा आपने, 3000 में खरीदा था, एक्सचेंज कहता है डिलीवरी नहीं होगा T+2 पे, आप ये लीजिए 200 रुपीज़, घर जाइए ऐस करिए, हम खुश हो जाते, कमा लिया। परसेंटेज रिटर्न बताइए, 6.6 नहीं है, गलत सोच रहे हो। आपका शेयर प्राइस गया है 200 रुपये डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 पॉइंट, ध्यान से देखो शेयर प्राइस कितने से अप गया है, 6.67% से, लेकिन आपका रिटर्न देखो, हमने 200 रुपये जो कमाया है वो 300 लगा के, आप गलत सोच रहे हो, 300 लगा के कमाया आपने। आप अपना रिटर्न देखिए कितना है, 66.7%, और यही जो रिटर्न है ना भोले वाले इंसान को लालची नहीं बनाते हो, जुआड़ी बनाते, ठीक है जी, भोले वाले इंसान को जुआड़ी बनाते, कुछ लोगों को तो रोड पे ही लाके छोड़ते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो देखते अच्छा 300 देने हैं और 200 कमाऊंगा मैं, जबकि शेयर प्राइस कितना बढ़ता है, सिर्फ 6%, यानी कि शेयर का प्राइस सिर्फ 6% बढ़ा तो मेरा रिटर्न 66% हो गए, अगर शेयर प्राइस 2% बढ़ता तो मेरा रिटर्न 20% होता एक दिन में, तो वो सोचने लग जाते हैं, अब ख्याली प्लाव बनाते या ऐसे ख्यालों में खो जाते हैं, ओ एक दिन में 20% मल्टीप्लाई बाय 250 दिन ट्रेड होता है, 365 दिन ट्रेड नहीं होता है, 250 दिन ट्रेड होता है, 250, ओ 5000% मेरा कमाई हो जाएगा, मैं अगर 1 लाख रुपए का लोन ले लूं तो फिर उसके बाद 1,05,000% कमाऊंगा, अरे मेरे अकाउंट में तो प्लस 1 लाख प्लस 5000%, ठीक है जी, ओहो 50 लाख हो जाएगा पहले ही साल मुझे, है ना। वो ख्यालों में जीना शुरू करते हैं, रात में भी सपने आते हैं मैं तो मार्केट में पैसे कमा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लगाना कम होता है कमाते ज़्यादा है। और जीरोधा वाले ने एक और भी काम किया, कहता है अच्छा MIS लेते हो ना, ये 10% भी ज़्यादा बोल दिया, ये तो 7% भी ट्रेड कराते, 5% भी ट्रेड करा देते, सिर्फ 5 रुपये दो 100 रुपये का ट्रेड करो, जबकि वही दूसरे ब्रोकर वाले ने क्या किया, नहीं उसमें और फीचर दिया, अभी फीचर दिया, फीचर कैसे दिया, MIS में नहीं, MIS में तो 10 क्या 12 13 लेता है वो, ठीक है, 100 पे 12 से 15% का मार्जिन लेगा। वो कहते हैं अच्छा अपना रिस्क पहले रिड्यूस कर लो, बोलोगे रिस्क कैसे रिड्यूस करेंगे, फीचर्स वगैरह दिया कुछ, लॉस का ना लिमिट लगा लो पहले ही, किससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, तो कहते हैं चल 5 रुपये में ही करा देता हूँ ट्रेड, 100 रुपये का ट्रेड, इसका मतलब 3000 का ट्रेड कितने में करा दूंगा, 3000 मल्टीप्लाई 5%, सिर्फ 150 में ट्रेड करा देता हूँ आपको, लो। इसको कहते हैं हाई लिवरेज ट्रेड, वो अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई लिवरेज होगा ना तो एकदम से आपका कैपिटल जीरो होगा, या एकदम से आपका कैपिटल क्या होगा, जैसे आप देखो अभी अगर आप 150 में ही ट्रेड करा देता तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट देखो कितना हो जाता, 200 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100, 133% हो जाता, तो और खुश हो जाता, अरे। तो कुछ लोग जो होते ऐसे ऐसे ब्रोकर आया कहते हाई लीवरेज में 25 गुना ट्रेड करा के देता हूँ आपको, 25 टाइम्स 40 टाइम का लीवरेज देता हूँ, मतलब ये हो गए 40 टाइम्स भी था, कोई कह रहा था कि 40 टाइम्स लीवरेज देता हूँ, 40 टाइम लीवरेज का मतलब समझ रहे हो, 40 में 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, सिर्फ 2.5% दे दो आप मुझे, मतलब 100 रुपये का ट्रेड करो कितने रुपये देके, 2.5 रुपये, 40 टाइम्स का लीवरेज देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कोई अच्छा बात नहीं है, क्यों नहीं अच्छा बात है बताओ, क्योंकि आपने 2.5% लेते तो कितना होता बताओ, 2.5%, 300 का मल्टीप्लाई बाय 2.5%,
7.5%, 7.5 रुपये ना। अब 7.5 रुपये पे अगर कोई ट्रेड कर, नहीं एक मिनट एक मिनट, 300 नहीं 3,000 ना, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 75 रुपये। अगर मान लीजिए कोई मुझे 75 रुपये लेके ही ट्रेड करा देता तो आप तो कहते बहुत खुश, 75 लगाया और 200 कमाया, 200 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 266% हो गए। तो आप हमेशा फेवरेबली क्यों सोच रहे हो, उल्टा सोचो ना, उल्टा सोचो। आप मान लीजिए गलती से 75 रुपीज नीचे गया, जीरो, आप कितने लॉस करके निकले, 100%। जिसने 300 रुपये दिया होता उसको अभी कैपिटल अभी कुछ बचा होगा, तो लॉस का भी तो परसेंटेज उतना ही बढ़ा जाएगा। तो लीवरेज कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसीलिए इस चीजों को देख के ब्रोकर सिलेक्ट करना मुझे नहीं लगता ठीक है। और वैसे इनसे ज्यादा लीवरेज तो मुझे नहीं लगता कोई देता होगा, क्योंकि इसने जो फीचर लेके आया कुछ एडिशनल फीचर, वो सिर्फ इन्हीं के पास था, इनिशियल इंडिया में किसी के पास नहीं था। जैसे अभी वो एक ना एक जो अभी वो लेके आया हुआ है टॉप 20 जो है अभी इन्हीं के पास है, वैसे इनिशियली क्या करा इसने, अपने ट्रेड के अंदर लिमिट लगा लगा के कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर लेके आया। वो ब्रैकेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो है ना इसने फर्स्ट टाइम यही लेके आया था। वो क्या है उसको आपको पता चलेगा, तीन तीन ऑर्डर एक साथ रिलीज होता है, तीन ऑर्डर एक साथ, एंट्री भी स्टॉप लॉस भी टारगेट भी, तीन तीन ऑर्डर एक साथ रिलीज होगा आपका, उसको कहते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। तो ये कुछ थोड़ा सा टेक्निकल फीचर है। ये सब फीचर के अंदर जो होते हैं ना, मार्जिन आपको लीवरेज बहुत ज़्यादा देता है, 150 रुपये में आपको 3,000 का ट्रेड करा देगा, समझ में आ गए। तो कुछ लोग इसकी वजह से भी इनिशियली जीरोधा को प्रीफर किया था। वापस आते हैं हम लोग, हम कहाँ थे अभी, इतने परसेंट का रिटर्न हो गए। देखिए सब लिखा हुआ है, आप एक बार चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है, कितना परसेंट रिटर्न कमाया हमने, कितना परसेंट रिटर्न कमाया हमने, कितना परसेंट रिटर्न कमाया हमने, 82% कैसे आ गया जी, हमने मार्जिन बदल दिया होगा। यहाँ मार्जिन जो मैंने दिया होगा ना, मैंने यहाँ मार्जिन 8% लिया है MIS में, हो सकता है उस टाइम 8% चल रहा हो। तो 240 रुपये देंगे तो देखो रिटर्न कितना आ गया, 82.1%। एनालिसिस, इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस 6.67, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना है, 82%। ठीक है, ऐसे सेल ऑर्डर, आप मुझे बताइए कोई भी इंसान सेल कब करता है। सेल ऑर्डर को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या बताओ, शॉर्ट पोजिशन। ये सब जो भी अभी कुछ बता रहे हैं इसको काम करेंगे हम कल, कल हम आपको ट्रेड करके सारे चीज़ दिखा देंगे। अभी बस समझते जाइए सबको, ताकि अगले क्लास में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा ट्रेड व्रेड करके जितना भी होगा सब कंसेप्ट। एक कौन सी होगा बताइए, शॉर्ट पोजीशन, किसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, किसी चीज को सेल करना, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना होता है। सेल कब करते, देखो मान लीजिए कोई शेयर जो है, अभी मैं वही सेम एग्जाम्पल लेता हूँ जो उधर मैंने ले रखा होगा, मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल ले रखा है आपको वहाँ ले रखा है 3,500 का। मान लीजिए कोई शेयर चल रहा है अभी फिलहाल, कोई भी ABC शेयर है, वो 3,500 का चल रहा है इस टाइम पे। मुझे क्या महसूस हो रहा है, ये 3,500 जो है ना, ये 9:30 पे, 9:30 का प्राइस है, याद रखिएगा, 9:30 AM पे एक प्राइस चल रहा था। मुझे क्या महसूस हुआ कि इसका प्राइस नीचे जाने वाला है, क्या हम बेच सकते हैं क्या? हाँ बेच सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे शेयर होना भी तो चाहिए, होने की जरूरत नहीं है। बताइए क्यों होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप CNC में नहीं कर सकते, डिलीवरी में नहीं सेल कर सकते आप, बात समझ में आया, CNC में डेल सेल नहीं कर सकते। इसका रीजन यह है कि डिलीवरी के साथ तो वही सेल कर सकते हैं ना जिसके पास पहले से शेयर है, आपके जेब में शेयर है, तो आप डिलीवरी में कैसे शेयर ट्रेड करोगे। हाँ इंट्राडे में कर सकते, इंट्राडे का मतलब क्या हुआ कि मैं अभी सेल कर देता हूं, डिलीवरी देने की बारी कब आएगा, T+2, 2 दिन के बाद आएगा, तो मैं एक काम करूंगा 2 दिन से पहले एग्जिट कर जाऊंगा, 2 दिन से पहले मतलब आज ही एग्जिट कर जाऊंगा, 3:30 से पहले। तो आज ही अगर किसी टाइम पे मैं अगर बाई करके निकल जाऊं तो क्या होगा, देखिए ना मुझे शेयर देना पड़ेगा ना लेना है। इसका मतलब मार्केट में दो चीज होता है, पहले सेल करना चाहो पहले सेल कर लो, पहले बाई करना चाहो पहले बाई कर लो। आपके जो माइंड में एक चीज चलता है ना, बिना बाई सेल कैसे कर देंगे, वो पहले दिमाग से निकाल दो। और मैं बोल दिया उसके बावजूद भी आपके दिमाग में यही चलेगा, चाहे मैं जितना मर्जी बार बोल दूं, फिर भी बाद में क्वेश्चन ये पूछ लो, सर सेल कैसे कर रहे हो आप, सेल मेरे पास शेयर है कहाँ। मैं बार बार बोलता हूँ सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें शेयर देना ही नहीं है। कब देना है, 2 दिन बाद, और 2 दिन तक वेट करेंगे तब देना है ना, 2 दिन तो हम वेट ही नहीं करेंगे, हम तो आज 3:30 से पहले निकाल देंगे। निकालने का मतलब एग्जिट करना, स्क्वायर ऑफ करना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाई कर लूंगा, मुझे लग रहा था ना कि ये शेयर अभी 3,500 पे चल रहा है, अब लगता कैसे वो सब बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शेयर नीचे जाने वाला है, तो मैं एक काम करूंगा जब नीचे जाएगा तब तो हम खरीद लेंगे। मान लीजिए 3,200 पे जाता है थोड़ा देर के बाद, ये 3 बजे है ना, 3,200 पे चला गया, हमने क्या कर लिया, हमने जैसे सोचा मान लीजिए वैसे ही चल रहा है आपके मार्केट, है ना, आप ज्योतिषी हो मान लीजिए,
तो आप ज्योतिषी ने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे चला गया। और होता क्या है, यहाँ पे जब आपने ट्रेड किया तो मान लीजिए 8% मार्जिन उधर हमने अज्यूम किया था, अभी भी 8% ही मार्जिन अज्यूम कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए। कुछ लोग बोलेंगे मार्जिन क्यों देंगे, हमने तो सेल किया, शेयर आना चाहिए, पैसे आना चाहिए। आ कैसे जाएगा बताओ, आ कैसे किया बताओ? आपने सेल किया शेयर, किसी को दे दिया, सामान दिया नहीं, और पैसे ले लोगे? कुछ के दिमाग में ये भी चलता है कि अच्छा मैंने सेल किया है ना तो मुझे पैसे आ जाना चाहिए। सेल क्या किया है बताओ, सामान किसको दिया है? कुछ भी नहीं दिया अभी आपने, इसीलिए आपको पैसे मिलेगा नहीं, अभी देना ही पड़ेगा। बोलोगे देंगे क्यों हम, हमें तो बाद में मिलेगा। वो देना इसलिए है क्योंकि अगर गलती से ऊपर निकलता तब सोचो ना क्या होता। आपने 3500 पे सेल किया, ये चला जाता 4000 पे। अब बाई करो, हर हाल में बाई करना पड़ेगा क्योंकि आप होल्ड कर नहीं सकते इसको, क्योंकि शेयर आपके पास है नहीं, और हर हाल में आपको 3:30 से पहले निकलना है। आप नहीं निकालोगे, वो निकालेगा। कब निकालेगा? 3:15 से 3:20 रुपये, इनको याद हो गए, 3:15 से लेके 3:30 के बीच में निकालेगा। और रुपये भी लेंगे कितना, ये तो जाएगा जो 500 गया ही है, 20 रुपये और लेके जाएगा, तो कम से कम 20 रुपये तो बचेंगे। अब आप मुझे बताइए, बाई करना तो मजबूरी है हर हाल में, तो लॉस भी तो हो सकता था। इसीलिए एक्सचेंज कहता है आप अगर पहले बाई करते थे तो मार्जिन देते थे, तो आप सेल कर रहे तो भी मार्जिन दोगे। इसका मतलब मार्जिन आपको हर हाल में देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा बताओ? 3500 का 8%, बताइए कितना हो गए? 3500 × 8%। याद रखना ये बदलता है, स्टॉक टू स्टॉक बदलता है। कुछ लोग बोलेंगे 8-10% क्यों क्यों लेता है? अगर ये चेक करना चाहोगे किस पे कितना लेगा आपसे, तो चेक कर सकते हो, सारे कैलकुलेटर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जाइए जीरोधा पे, फिर से आप जिसमें ट्रेड करते हो उसका सबका अपना अपना मार्जिन होते हैं, अपना आप वहां से चेक कर सकते हो। ये देखिए, इसके आप होम पेज पे जाइए, होम पेज पे कुछ आपको यहाँ पे जब जाओगे तो मार्जिन कैलकुलेटर होगा कहीं पे, दिख रहा है? मार्जिन कैलकुलेटर पे जाइए। जब मार्जिन कैलकुलेटर पे जाओगे तो पूछेगा क्या करना चाह रहे हो। एफ एंड ओ, हम कहते नहीं एफ एंड ओ नहीं, हमें डेरिवेटिव नहीं जाना है, हमें किस में जाना है? इक्विटी में ना, इक्विटी कहाँ था, एक सेकेंड, यहीं पे मिलेगा कहीं पे, कहाँ है, ये रहा ये रहा, इक्विटी में हमें जाना है। ठीक है जी, हम चले गए इक्विटी में, फ्यूचर है तो, एक मिनट, ये रहा ये रहा ये रहा, इधर इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी में इसने पूरा लिस्ट ही दे दिया। अब ये देखो, ये 1x MIS 1x अलाउड ऑन ऑल स्टॉक्स एक्सेप्ट फॉर दोज इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जिसका नाम है उनको छोड़ के सबको मैं 1x देता हूं, मतलब 1 टाइम 100 रुपये पे 100 रुपये लूंगा मैं, पूरे 100% लूंगा मैं, ये 8% और 10% नहीं लूंगा। आप मुझे बताइए 100% कौन सी स्टॉक पे लेगा जिस पे लगता है कि आपको 1 घंटे के अंदर 100% लॉस हो सकता है? समझ में आया कुछ बात? जो पॉपुलर नहीं, मतलब उसमें जिसमें ज्यादा रिस्क है। देखो कहते कि इसमें हम 3 गुना लेंगे, इसमें कहते 12.5 गुना, 3 गुना नहीं लेंगे, 3 गुना आपको लीवरेज देंगे। 3 टाइम्स का मतलब मैं समझाता हूं, आप 100 रुपये जे अकाउंट में रखोगे तो 300 का ट्रेड कराऊंगा, ये कहना चाह रहा है। 100 रुपये का पैसे रखोगे तो 300 का ट्रेड कराऊंगा मैं, 300 का ट्रेड करिए, 100 रुपये दीजिए, मार्जिन कितना हुआ, 33.33%। ठीक है, जैसे इसमें देखो कितना दे रहा है ये, 12.5 टाइम्स, मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये रखिए, 1250 का ट्रेड कीजिए, 100 रुपीज रखिए, 1250 का ट्रेड कीजिए, मतलब 1250 पे कितना मार्जिन दे रहा हूँ, 100 रुपये। तो 100 / 1250 × 100, 8% मार्जिन जा रहा है। ये जो है ना, ये 8% मार्जिन वाले, ये कौन है देखो, 8% मार्जिन वाले आपका ACC है, ACC सीमेंट, ये सब देख रहे हो, इन सब ऐसे थे जिसका नाम नहीं जानते थे आप, उसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें भी नाम जानते, इसका ये तो मेरे पास है, ये आरती इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में, बहुत बढ़िया स्टॉक, इसका भी आप ग्राफ देखोगे कभी भी नीचे जाने वाले नहीं मिलेगा, ये केमिकल में डील करता है आरती इंडस्ट्री। चलो वापस आते, ACC में था इतना, देखो इसमें सबसे बढ़िया दिया था, बाकी ये कहते हैं CNC मल्टीप्लायर, समझ रहे हो, CNC डिलीवरी में कहते हैं हम तो 100% लेंगे भाई, डिलीवरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझ में आ गया। MIS में जाओगे तो इसका देखो 12.5 गुना चलता है, यानी कि अभी तक 8% मार्जिन वाले एक मिला आपको, कौन, ACC। एक काम और करते, 8% मार्जिन वाले और भी मिलेगा, देखते कौन है ये। ये कहते हैं अमर राजा बैटरी, ये जो बैटरी आते हैं ना गाड़ी वगैरह में, जितने भी आज के रेट पे कार वगैरह में जो अप्लाई होते हैं, बाइक वगैरह में, ये अमर राजा का बैटरी देखना उसमें दिखेगा आपको। ये कहते हैं अमर राजा बैटरी में भी आपको 12.5 गुना लिवरेज दूंगा, 12.5 से ऊपर दिख रहा है एक भी, अभी तक तो नहीं मिला, कहते इससे नीचे इसका होगा ही नहीं।
मतलब ये हो गए कि 8% से नीचे का मार्जिन नहीं लेगा। ये मल्टीप्लायर समझ आया? फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूं। फाइव, ये एक्स का मतलब टाइम्स होता है, टाइम्स। 5x मतलब 5 टाइम्स आप ट्रेड करोगे। 100 रखिए, 500 का ट्रेड करिए, तो 500 का शेयर खरीदिए 100 रुपये देके, तो कितना हुआ बताओ? 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना मार्जिन लिया? 20%। 20% का मार्जिन हुआ ना ये, तो 5 टाइम्स जो है 20% है। देखो बॉस, सुना है? नहीं, बी सॉफ्ट है, बिरला सॉफ्ट होगा शायद ये, ठीक है। इसमें बीएससी में देखो, ये बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी तो लिस्टेड है ना, ठीक है। ब्रिटानिया सुना है? सुना है? ये देखो 12.5 गुना, जो जो अच्छे खासे जाने पहचाने नाम है उसमें कितना ले रहा है वो? 8%। चलो वापस आते, तो हमने भी मोटा मोटा यहाँ पे 8% ले लिया। तो ये देखिए 3500 मल्टीप्लाई बाई 8% कितना हुआ बताओ? 280 रुपये दे दिया। अब मुझे बताइए सेल कितने में किया मैंने? तो जल्दी बोलो, 3500 में। बाई कितने में किया आपने? 3200 में। कितना प्रॉफिट कमाया जी? 3300। ऐसे होता है? 300 रुपये। चलो जाग तो रहे कोई, आप मुझे बताइए कितना परसेंट कमाया? परसेंटेज रिटर्न जो बोल रहे हैं ना, किस पे? ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहा हूं। 300 रुपये कमाया, कितने पे कमाया? 3500 पे कम, नहीं गलत। इन्वेस्टमेंट कितना था आपका? 280। लो यहां तो आपका कमाई 100% से ऊपर निकल गए। समझ में आ गई बात? यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 280 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया? 107%। शेयर कितना गिरा था? शेयर कितना गिरा था? 300 डिवाइडेड बाई 3500 मल्टीप्लाई बाई 100। शेयर तो सिर्फ 8% ही गिरा है। कुछ लोग बोलेंगे 8% शेयर गिरता है क्या? यहाँ तो 75% गिरता है एक दिन में। बोलोगे 75% अलाउड है क्या? वो अलाउड है नहीं, हम बाद में बात करेंगे। DHFL में जिस दिन फ्रॉड का न्यूज आया था, 72% गिरा था एक दिन में। इन्फीबीम, वो भी आईटी सेक्टर का कंपनी था, वो भी 77% गिरा था एक दिन में। पीसी ज्वेलर्स का जिस दिन न्यूज आया था, 55% टूटा था एक दिन में, ठीक है। पीसी ज्वेलर्स, DHFL, किंग फिशर, तो किंग फिशर के टाइम पे मैं नहीं था, ठीक है। किंग फिशर का मुझे नहीं पता, उस टाइम जब हुआ होगा तब की बात होगा। अभी फिलहाल मेरे नज़र में ये सब हुआ। हाँ, एस बैंक का जिस दिन न्यूज आया 35% टूटा था, ठीक है, 35%। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक है जाने पहचाने, जिसका बहुत सारा कुछ हो रखा है पीछे। बाकी हो सकता है हुआ होगा जो मुझे नॉलेज में नहीं होगा। वापस आ जाए, बढ़ने वाले में बढ़ भी जाता है, 100% एक दिन में बढ़ जाता है। समझ में आ गया? 2 गुना हो जाता है। अब बढ़ते टाइम में देखो 100% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, आप समझ जा सकते हो। सिचुएशन को थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हो कि 8% गिरने पे 107% का प्रॉफिट हो सकता है, तो किसी को तो 107% लॉस भी हो सकता है। हाँ या ना? जिस दिन नोटबंदी हुआ था उस दिन मार्केट में 10% और 20% का लाइन लगा हुआ था शेयर। समझ में आया कुछ? 20% का तो नंबर ऑफ स्टॉक, क्या पूरे के पूरे लाइन लगे हुए थे 20%, तो जिसको भी देखने जाओ 10 और 20% माइनस, लाल ही लाल। अब क्या हुआ होगा सोचो, एक एक दिन में कितने परसेंट का लॉस हुआ होगा? मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, 50 लाख का लॉस। एक यहाँ पे दिल्ली में ही एक टीचर है, फाइनल को ही पढ़ाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उनके अकाउंट मेरे पास, उसके पास उस अकाउंट का मेरे पास क्या कहते हैं पासवर्ड, सब चीज़ हुआ करते थे, क्योंकि मैंने ही अकाउंट ओपन करवाया था और इनिशियली 6 महीने मैंने ही अकाउंट को ऑपरेट किया था उस अकाउंट को, तो इसीलिए मेरे पास सारा चीज़ हुआ करता था। जिस दिन नोटबंदी हुए थे 50 लाख का लॉस, उसके बाद मार्केट से बाहर, नहीं करना ट्रेड, नसीब मेरे साथ में नहीं है, ठीक है। चलो वापस आते, ऐसे होता है। तो न्यूज़ के बेसिस में कोई भी फंस सकता है। न्यूज़ जहाँ आ गए वो लक बेस्ड ट्रेड है, वो आपका कोई एनालिसिस नहीं काम करेगा वहाँ पे। किसी को नहीं पता है कि आएगा नोटबंदी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने सिस्टम पे। क्या कह रहे हो? नहीं निकल सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। आप बताओ क्यों? क्यों नहीं कर सकते हो? फ्रीज था ना बैंक, बैंक फ्रीज था। इसलिए मैं जब रात को पोजीशन लेके कैरी करता हूँ ना आज के रेट पे, तो मैं एक पोजीशन नहीं कैरी करता हूँ, एक अपसाइड, एक सिर्फ डाउन से अपसाइड ट्रेड नहीं करता। जब मेरे साइड अपसाइड होते हैं तो मैं एक कोई ना कोई डाउन साइड लेके बैठता हूँ। रात में कुछ न्यूज आ गया तो एक बचा देगा मुझे। जैसे मान लीजिए उसी दिन सर का जो इतना बड़ा लॉस हुआ, ठीक है,
मान लीजिए एक प्लस था ऊपर की तरफ पैसे, यही बजाज फिनांस ही, यही बजाज फिनांस, ठीक है, हाँ वही बजाज फिनांस में। तो आप बताइए एक प्लस था, कोई स्टॉक अगर आपका पास माइनस होता, ठीक है, तो एक -10% गया था, एक +10% गया, मतलब प्लस वाले में तो लॉस किया आपने, क्योंकि आपने इस लेवल पे क्या किया था भाई, एकदम से नीचे चला गया, अब आपको सेल करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे होल्ड कर लेते हैं ना, होल्ड कैसे करोगे, मार्जिन शॉर्टफॉल होगी, बोलोगे कैसे, अभी आपने 300 रुपये नीचे की तरफ देखा ना, 300 रुपये ऊपर की तरफ देखिए, आपने कितने पैसे दिए थे, मार्जिन कितने दिए थे, 280, ऊपर चला गया 300 रुपये, आपको क्या बचा के रखेंगे, नहीं रखेंगे बचा के, आपको बोलेंगे पैसे डालो, पैसे डाल ही नहीं सकते आप, बोलो कैसे नहीं डाल सकते, बैंक फ्रीज है, बैंक फ्रीज है, आप उसमें पैसे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ब्रोकर फटाफट, वो ब्रोकर अपना रिस्क नहीं उठाएगा, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और आप अकाउंट बंद हो जाते हैं, आप डिफॉल्ट कर देते हो, कहाँ से निकालेगा ब्रोकर, आप तो अकेला हो, ब्रोकर के पास तो करोड़ों करोड़ लगाने वाले लोग हैं, यहाँ पे तो 10-10 लाख क्लाइंट उसके ट्रेड कर रहे हैं, अब मुझे बताओ ब्रोकर तो एक ही दिन में लुट जाएगा, तो ब्रोकर क्या करता है, एग्जिट एग्जिट, सबका कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट करना शुरू करते, अब एग्जिट कर दिया आपको, आपको तो लॉस बुक करा दिया, और उसके बाद मार्केट क्या हो जाता है, आपको बता दूं, ये जो 50 लाख अगर सुबह में लॉस नहीं बुक हुआ होता तो शाम तक ये +10 लाख होता, रिवर्स हो गया मार्केट, मार्केट उस दिन नोटबंदी के दिन रिवर्स हो गया, मैं नहीं फंसा उस दिन, मेरा नसीब ठीक था क्योंकि मैं उस दिन घर से आया था वापस, ठीक है। तो मैं उसी दिन शाम को 8 बजे न्यूज आता है, 7:50 घर पे पहुंचता हूँ, मोबाइल जैसे ही देखता हूँ वाईफाई ऑन होते ही वहाँ पे आ गए नोटबंदी, मतलब मज़े ले रहा होगा, फिर देखता हूँ आज तक का स्क्रीनशॉट, मतलब टीवी पे आज तक और उसका, मतलब अरे ये क्या हो गया, मैं फटाफट टीवी ओपन करता हूँ, मैं जैसे जैसे ऑन करता हूँ टीवी तो वहाँ देखता हूँ नोटबंदी हो गए। अब उसके बाद देखते, मेरे तो वैसे कोई ज़्यादा मेरा पोजिशन था ही नहीं, अब मैंने बोला अगले बार मार्केट देखते, सीधा 600 पॉइंट से निफ्टी नीचे, जो स्टॉक देखो 10% नीचे, है ना। तो अब आप देखो उसमें क्या होता है, इस न्यूज़ में फंसे तो क्या हुआ, अगर आपके पास एक प्लस था तो उसमें लॉस किया, तो ये माइनस वाले आपको कमा के देता, वो कमाई जो है ना उसको आपको क्या करता, कंपनसेट करता। तो आज के डेट पे मेरा 90% ट्रेड जो होता है मेरा, जब मैं रात को कोई पोजिशन होल्ड करता हूँ तो एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, अगर स्टॉक है तो, निफ्टी है तो चलेगा, निफ्टी में इतना चल सकता है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी क्या होता है, एवरेज है, ऐसा कोई बुरा न्यूज़ नहीं आने वाला है कि निफ्टी हमारा 10% नीचे चला जाएगा, और वैसे वहाँ भी जा सकता है, बताओ कैसे, नीचे जा सकता है, ऊपर का नहीं मालूम, नीचे जा सकता, मैं नहीं बोल सकता फिर, हाँ जी, अब आप लोगों ने समझ लिया उन्होंने क्या बोला, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हो सकता है, ठीक है, और होने को देखो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए फिर भी निफ्टी में इतना रिस्क ले सकते हो, उतना तो अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, हम ऊपर चले जाए कौन जानता है ना, सिंपल सी बात है, तो वो चीज़ है, तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ सकता है। चलो वापस आते, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई है, देखो प्रॉफिट कितना आ गया बताइए, 106.27%, डिक्रीज हुआ प्राइस सिर्फ 8.7%, और रिटर्न कितना आ गया, 106%, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, रीजन बिहाइंड प्राइस मूवमेंट, ये भी कुछ हमने बता रखा है, बताइए कोई कोई रीजन क्या हो सकता है प्राइस मूवमेंट की, हाँ जी, खरीदने वाले ज्यादा क्यों हैं, रीजंस बिहाइंड, मैं लिखते चलता हूँ, एटलीस्ट हेडिंग तो लिखा रहे ना, रीजन बिहाइंड प्राइस मूवमेंट, इतना जो प्राइस मूवमेंट होते क्यों होता है, इसका बहुत सारे रीजन होते हैं, मेन रीजन तो बिजनेस ही होता है, याद रखिएगा, जो हमने अभी आप देखो 15 रुपये का बुक वैल्यू को हम लोगों ने कितना दिया था, 150 देने को तैयार थे, क्यों देने को तैयार थे, क्योंकि सेलर जो था बेचने को तैयार नहीं थे और बायर को खरीदना था हर हाल में, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया था, बोली बढ़ा के दिए थे, बिकता सब है, दाम लगाने वाले होने चाहिए, समझ में आ गई बात, तो दाम लगा देते हैं हम महंगे तो बेचने वाले बेच लेता है। हमने यहाँ पे जो बताया है, देखिए शॉर्ट टर्म में, इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम पीरियड, जैसे 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, इस तरीके के छोटे टाइम पीरियड पे ड्यू टू डेली न्यूज एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, कि जो डेली बेसिस पे लोग होते हैं ना, वो कभी ये नहीं देखते कि बैलेंस शीट में क्या चल रहा है, अगर ऐसा होता तो जिसका बैलेंस शीट खराब हो गया, जैसे मान लीजिए रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया, ठीक है, एस बैंक भी कह सकते हैं, जब बैलेंस शीट खराब हो गया, जब उसके लॉस में चले गए कोई कंपनी, बिल्कुल अब लिक्विडेशन के कगार पे आ गए, तब भी लोग खरीदते रहते हैं उसमें,
कंपनी बचेगा ये सोच के, या एक दिन में प्राइस ऊपर जाएगा ये सोच के, क्योंकि एक दिन में प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो वो छोटे से जो होते हैं ना, वो चार्ट को देख के हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं, यानी कि छोटे टाइम पीरियड में एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे होता है और डेली न्यूज के बेसिस पे होता है, दो चीज। कुछ लोग सिर्फ न्यूज पे ट्रेड करता है, कुछ लोग चार्ट को देख के ट्रेड करता है। मैं न्यूज पे ट्रेड नहीं करता, मैं चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, और उसी चार्ट देखते हुए गलती से कभी बीच में न्यूज आ जाता है तो कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, कभी भी लॉस भी हो जाता है। वैसे पीछे 2-3 बार अच्छे अच्छे प्रॉफिट हुए, न्यूज मेरे फेवर में आ गए। कुछ दिन पहले औरोबिंदो फार्मा मैंने बेचा, रात को न्यूज आ गया उधर USFDA से, औरोबिंदो फार्मा। उस दिन बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि मैंने ये कॉल टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया, ये कॉल नहीं दिया था, दूसरा कॉल दिया था। और औरोबिंदो फार्मा में मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था, क्योंकि ये फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर का न्यूज रात को आता है, क्यों ना आता है देखिएगा। USFDA नाम थोड़ा बहुत सुन के रखिएगा, USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी। ये जितने भी फार्मा सेक्टर है ना, इसका मेडिसिन USA में अप्रूव होता है, वहां पे सेल होता है। USFDA एक अथॉरिटी है। आपको मालूम है कि जब हम सोने जाते हैं तो US वाले जागता है, उनका ऑफिशियल टाइमिंग ही होता है हमारे सोते हुए टाइम। तो कोई भी USFDA का नोटिस वोटिस डालना होता है, कब डालता है वो, हमारे सोते हुए टाइम। सुबह सो के उठते हैं तो फार्मा कंपनी सीधा 10% जंप दिखता है गैप अप, या कभी कभी दिखता है 10% माइनस, जैसे नोटिस आता है उसके बेसिस पे, ठीक है। हमने सेल किया, ग्राफ को चार्ट को देख के हमने सेल किया, किसको, औरोबिंदो फार्मा को सेल किया, ठीक है। सुबह उठे -10%, मजा आ गया। उस दिन सोच रहा था 2 लॉट बेचते कितना मजा आता 2 लॉट का मतलब होता है 1 लाख रुपए। सुबह सो के उठते 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। मैंने कितने बुक किया, 38,000 के आसपास बुक किया, 38,000 सुबह सुबह बुक कर लिए। तकलीफ बस इस बात का था कि अगर टेलीग्राम चैनल पे लोगों से भी ये शेयर किया होता तो सब लोग उस दिन माला माल हो जाते, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया। उससे पहले एक दिन और ऐसे ही हुआ था ICICI बैंक के साथ, उसमें भी 38,000 मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैंने ग्रुप पे नहीं दिया। बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ, जो जो कॉल नहीं दिया टेलीग्राम चैनल पे वो कॉल अच्छा खासा चल गया था, तो अब क्या कह सकते, वो न्यूज़ वाले था। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे एनालिसिस के बेसिस पे कमाया, वो मेरे लक के बेसिस पे कमाया, क्योंकि न्यूज़ आना मुझे पता कहाँ था। जब घर पे पहुंचे तो देखते, लो USFDA ने तो नोटिस डाल दिया, इसको नोटिस ये डाला कि तुम्हारा जो कोई एक कोई प्लांट था इसका गोवा की तरफ, वो प्लांट में तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल नहीं होते। 14 ऑब्जर्वेशन निकाला उसने, कि 14 ऑब्जर्वेशन निकाला USFDA ने, प्राइस सीधा 10% से गैप डाउन ओपनिंग होता है, इसको कहते हैं गैप डाउन। शाम को यहाँ ओपन, मान लीजिए 100 पे कोई क्लोज हुआ और अगले दिन 90 से शुरुआत होते हैं, तो इसको कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। 100 पे क्लोज हुआ था, 110 से शुरुआत हुए गैप अप ओपनिंग। तो फार्मा में गैप अप गैप डाउन होते रहते, वापस आते। तो डेली न्यूज के बेसिस पे और चार्ट के बेसिस पे रेफर सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर, इसमें देख लो आपको मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस का भी कुछ दे रखा है, वो प्योर चार्ट एनालिसिस है, हम वहां पर डिस्कशन करेंगे, फिलहाल नहीं करते, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने 1 साल के लिए किसी शेयर को खरीदना चाह रहा है, इन लॉन्ग टाइम पीरियड, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, अब क्या होगा बताइए। अगर कोई 5 साल के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो डेली मूवमेंट आपको देखना ही नहीं है, समझ में आ गया। जैसे HDFC AMC हो गए, बजाज फिनांस हो गए, HDFC बैंक हो गए, रिलायंस भी आज के डेट पर ठीक ही चल रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये सारे कंपनी जिसको लग रहा है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे 5 साल तक के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीदना है। अरे 5 साल तो बहुत लंबा होता है, एक दिन का 5% अप डाउन से आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस केस में आपको क्या देखना है, ड्यू टू फंडामेंटल ऑफ कंपनी, दैट इज बिजनेस ग्रोथ एंड मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर अच्छे मैनेजमेंट होंगे तो काम चल जाएगा। जैसे सोचो, एक हुआ करता था रिलायंस कॉम्युनिकेशन, सोचिए आप, रिलायंस कॉम्युनिकेशन सुना, पहले CDM में आते थे रिलायंस वाले, जिसके पास मोबाइल देखना ऑफिस वगैरह में बहुत यूज होता था। मुझे याद है 2009 में जब मैं न्यूकेम लिमिटेड फरीदाबाद में जाता था ऑडिट करने, तो जितने भी बिल वगैरह आते थे, जितने एम्प्लॉई थे, सबको रिलायंस का CDMA का उसका पोस्ट पोस्ट पेड सबका बिल आता था, सबको दे रखा था रिलायंस का ही मोबाइल उन लोगों ने, ठीक है। सबके पास रिलायंस तो लगता था उस टाइम चल रहा है, 2009 की बात है, और उस टाइम शेयर देखोगे तो आपको 150-200 रुपये के आसपास चल रहा था, 200 रुपये से ऊपर था। और अब आप देखिए वही सेम चीज आज 85 पैसे पे आ गया है। अच्छा 85 पैसे हैं, अच्छा मैं तो देखता भी नहीं इसको, ये तो मेरे स्क्रीन उसमें भी नहीं आता, वॉच लिस्ट में कभी आता नहीं है, ऐसे कचरा को वॉच लिस्ट में डाल के वॉच लिस्ट खराब नहीं करते हम, ठीक है। आज ये चल रहा है 85 पैसे। ये एक भाई है, कौन भाई, अनिल भाई, अनिल अंबानी, ठीक है।
एक दूसरा भाई आए जो कि जियो लेके आए। आज दो को रुला के जा रहा है, एक को के एक को तो सुला के जा रहा है वो। किसको? वोडाफोन आइडिया को बोल सकते हैं, वोडाफोन तो बाद में, आइडिया को सुला के जा रहा है वो। और एक था वो खुद सो गया। एक भाई है कौन? मुकेश अंबानी। इसका मतलब क्या लगता है, मैनेजमेंट में दम नहीं होता है? आप स्ट्रेटजी क्या बनाते हो बहुत मायने रखता है। समझ में आ गई बात? आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सेक्टर खराब था। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, पापा ने तो पार्सलिटी कर लिया, उसको तो रिलायंस इंडस्ट्री दे दिए। किसको? मुकेश अंबानी को। और इनको रिलायंस कम्युनिकेशन दे दिया। याद रखिए, जिस टाइम दिया गया था उस टाइम माना जा रहा था कि इसके फेवर में था। अनिल अंबानी को ज्यादा मिल गया ये लोग मान रहे थे, है ना? बस एक उसको पेट्रो केमिकल वाले गए, यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिफाइनरीज का 60% रेवेन्यूज है। लेकिन आज के डेट पे देखोगे तो रिलायंस रिटेल जो है, रिटेल का भी आईपीओ आने वाला है अभी, वो अलग से कंपनी बनाने वाले है, अभी सब्सिडी चल रहा है उसका। रिलायंस रिटेल जो है वो किसके अंदर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड है। तो आप मुझे बताइए, इतने सारे करके, चलो मैं टेलीकॉम्युनिकेशन ही बात करता हूँ, आज ये 2000 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिट बुक कर रहा है जियो। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उसने अपना स्ट्रेटजी इस तरीके से लगाया कि वही स्ट्रेटजी वो भी तो अपना लगा सकता था। तो ये मत बोलना कि बिजनेस का नेचर खराब था। सेम नेचर है बिजनेस में, एक मैनेजमेंट अच्छा करता है तो दूसरा मैनेजमेंट बुरा करता है। आज जो जो इंडस्ट्री, जो जो कंपनी अनिल अंबानी का, मैं एक को भी हाथ नहीं लगाता। रिलायंस कैपिटल ठीक है, वो ठीक ठाक है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाता। इसलिए लगाता कि वो भी जाने वाला है, उसका भी ग्राफ देखोगे तो नीचे ही चलता है हमेशा। क्या चीज? अच्छा, 97% चल रहा है अभी। बहुत दिन पहले से वो नीचे जा रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे रिलायंस कैपिटल अच्छा चलेगा, बहुत सस्ता आ गया। मतलब मैनेजमेंट कौन है देख लो, पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। ठीक है, हाँ, अगर यही, अगर मुकेश अंबानी के आज के रेट पे कोई आईपीओ आए तो लोग उसको भरोसा करता है, क्योंकि ये माना जाता है उसका मैनेजमेंट बढ़िया है। आज एचडीएफसी का कोई भी चीज आता है, एचडीएफसी लाइफ हो, एचडीएफसी एमसी हो, एचडीएफसी एमसी जब आया था तो उसका भी 100% 100% 80% के लिस्टिंग गेन से स्टार्ट हुए थे, जैसे आईआरसीटी के, जैसे आईआरसीटी तो और ज्यादा हो गए। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में जाना है तो एक चीज याद रखना, मैनेजमेंट। और आपको बता दूं, जिस दिन ये एस बैंक 400 रुपये से जो टूटा था, पहला टूटने वाले जो प्राइस था, ये जो 15% जिस दिन टूटा था, उस दिन एक न्यूज की वजह से मैनेजमेंट चेंज हुआ था। और लोगों को समझ में आ गया कि मैनेजमेंट बदले, अब उसका बुरे दिन शुरुआत हो गए। जो समझदार लोग थे वो 15% लॉस पे भी निकल गया, वो बहुत अच्छा किया। और मेरे जैसे, अरे आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, 10,000 ही तो लगा रखा है, ठीक है आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आया, 5,000 और डाल दिया तो 15,000 हो गए, और नीचे आ गए 100 पे, मतलब चलो अब क्या होगा, 5,000 और डाल देते हैं, ठीक है थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा। आज मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000 रुपये का। अब नहीं लगाते, अब 30 पे भी जिस दिन आया ना क्लास में, उस दिन था क्लास चल रहा था, बच्चे कह रहे थे सर 30 पे आ गया, अब तो डाल दो। बोला रहने दीजिए, अब मुझे डालना ही नहीं, या तो 20,000 जीरो हो जाएगा, या 20,000 मेरे कॉस्ट पे जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, अब मुझे दोबारा इसमें डालना नहीं है। तो यानी कि सबसे पहला इंडिकेशन किसी भी कंपनी का बुरा होने का होता है, वो क्या होता है? मैनेजमेंट। जिस दिन लगा अच्छे मैनेजमेंट इसमें से निकल गए, सबसे बढ़िया तरीका होता है अब इसका त्यागो, दूसरे को ढूंढो। ठीक है, तो ये सारे चीज लॉन्ग टर्म की बात होती है। रेफर सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर यूनिट 2। तब कुछ लोग क्या सोचेगा, सर आप शॉर्ट टर्म के लिए बोला एनालिसिस जाओ उधर उसमें जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए बोला सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जाओ, तो अभी क्या करेंगे? अभी हम प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस ही नहीं करेंगे। अभी जो हम चेक करेंगे कि हम मार्केट में खरीदे कैसे, मार्केट में बेचे कैसे, प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो कैसे होगा, वो सारा चीज हम फिलहाल देखने वाले। बात समझ में आ गई? बैलेंस शीट देखने को सिखाऊंगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, चार्ट देखने को सिखाऊंगा ये जब सारा चीज खत्म हो जाएगा, तो अभी हम इस पर थोड़ा बहुत बहस कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। हाँ, एक चीज समझ सकते हो, प्राइस बढ़ता कब है? हाई डिमांड प्राइस विल मूव अप, हाई सप्लाई प्राइस विल मूव डाउन। ऑलवेज रिमेंबर, विदाउट सेलर बाई ऑर्डर कांट बी एग्जीक्यूटेड, सिमिलरली विदाउट बायर सेल ऑर्डर कांट बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि हमारे कुछ बड़े बड़े लोग हैं 25,000 वाले, वो कहते हैं ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। समझ में आ गए? वो क्या कहता है देखिएगा, एक बार तो बहुत पहले बहस हुआ था, क्योंकि वो एडलवाइज में ट्रेड करते हैं, हमारे जो महापुरुष है। हाँ, सबका ब्रोकर पता चल जाता है ना, जब स्क्रीन पे दिखाते हैं तो पता चल जाता है कौन किस ब्रोकर के साथ है, वो एडलवाइज के साथ है। एडलवाइज मेरे पास उस टाइम नहीं था,
कुछ बच्चे जब मेरा क्लास वहाँ एलटीजी में होते थे उस टाइम पे एक बच्चे लेके आए सर, वो एक नोट लेके आता है उसमें लिखा हुआ था, उसमें इंट्राडे होता था। किसमें? इसमें इंट्राडे का ऑप्शन होता है, शेर खान में इंट्राडे ऑप्शन ही नहीं होता था। और मैं शेर ट्रेड करता था किसमें? शेर खान में। शेर खान में इंट्राडे का ऑप्शन, वो बोला ना मैंने आपको बिग ट्रेड करके है, और उसको मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया वो बिग ट्रेड वाले को। तो इंट्राडे में लिखवाया था कि ऑटोमेटिकली 330 पे आपको कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना स्क्वायर अप हो जाएगा। मैंने चैलेंज दिया, मैंने बोला कि चलो मुझे नहीं पता एडलवाइज क्या है नहीं है, मुझे लॉजिक पता है। उसने ये लिखा था कि इंट्राडे ऑर्डर जो होता है 3:30 पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा, वो उन्होंने लिखवाया था। समझ आया कुछ? नहीं। अरे माइंड पॉजिटिव भर के पढ़ा करो, ठीक है? अब ये नहीं सोचना है कि इन टीचर की बात करते उन टीचर, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास जो सिचुएशन है वो मैं बता रहा हूँ, उसको आप जानने की कोशिश करो। मैं टीचर का नाम थोड़ा ले रहा हूँ जो आपको दिमाग में कुछ चल रहा है और आपको उसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने क्या लिखवाया था अपने क्लास के अंदर कि इंट्राडे ऑर्डर जो होता है वो 3:30 पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाता है। मैंने उन स्टूडेंट को बोला मुझे नहीं पता आपने कहाँ से वर्ड लेके आए हो और मुझे जानना भी नहीं है, बस इतना बोल सकता हूँ ये 100% गलत लिखा हुआ है और मुझे प्रूफ करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। मैं इवन मैं एडलवाइज में ट्रेड नहीं करता तब भी मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लॉजिक मालूम था। क्या लॉजिक बताओ? 3:30 पे मार्केट क्लोज हो चुका है, इसके बाद किसी के पास दम नहीं है कि वो स्क्वायर अप करके आप एग्जिट कर लोगे। जब एनएससी जिस दिन हैंग किया था 3:15 पे, उसके बाद तो किसी का दम ही नहीं था कि वो अपने आप को स्क्वायर अप कर लेगा। जितने ऑर्डर पेंडिंग था सारा पेंडिंग रह गया, एमआईएस भी कुछ नहीं कर पाएगा। सुना कुछ? जीरोधा वाले बैठ के भी कुछ नहीं कर पाएगा, सारे एमआईएस कैरी होगा। हुआ या नहीं हुआ? एमआईएस कुछ लोग कहते देखो रूल बनाते, एमआईएस कॉन्ट्रैक्ट कांट बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे, आप लिख लो, ये भी गलत हो जाएगा। एमआईएस कॉन्ट्रैक्ट भी अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कब? एनएससी काम नहीं किया ना। अब लो कहां स्क्वायर अप करोगे आप? आप ब्रोकर हो क्या? ब्रोकर आप अपने तरफ से स्क्वायर अप कर दोगे? आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो 3:30 पे स्क्वायर अप हो जाएगा, 3:30 पे स्क्वायर अप हो ही नहीं सकता। आप बताओ कैसे? मार्केट तो क्लोज हो चुका है, स्क्वायर अप कैसे करोगे आप? पहले आप मान लीजिए 9:15 पे बाई कर लिया था, सेल कैसे हो जाएगा? इतना ही नहीं, मार्केट में सर्किट लगता है, सर्किट लगने के बाद क्या होता है, ऑर्डर कैंसिल होता है, आप ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते, फ्रीज कर दिया जाता है उसका ट्रेड, उसके बावजूद भी आप स्क्वायर अप ही नहीं होगा। इसीलिए याद रखिएगा, मैं कहता हूं मैं सेल करने जा रहा हूं, हां मैं सेल कर रहा हूं और बायर कोई है ही नहीं, आप चाह के भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। जैसे आपका अकाउंट ओपन होगा उसके बाद मैसेज आना शुरू हो जाएगा, इस स्टॉक को इतने क्वांटिटी खरीदो, इस स्टॉक को इतने क्वांटिटी खरीदो, और आप लोग लालच में आके 1-2 दिन नोटिस भी करोगे, हो सकता है 1-2 दिन आपको प्राइस बढ़ भी जाएगा और जाकर ट्रेड करोगे। और ऐसे स्टॉक होता है जिसका कभी नाम नहीं सुना होता है, आप मान लीजिए किसी दिन शेयर खरीद लिया, अगले दिन से सेलर ही नहीं, बायर करने जा सॉरी बाई कर लिया मान लीजिए, जब सेल करने जाओगे बायर ही नहीं मिलेगा। समझ में आया कुछ बात? ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, मान लीजिए आपने बाई कर लिया, किसी ने बोला बाई कर लो और आपने बाई कर लिया, और बाद में मान लीजिए 5 दिन के बाद सेल करने जा रहे हो, आप सेल ऑर्डर डाल के बैठे हो और बायर एक भी नहीं है, कहां बेचोगे बताओ? समझ में आ गए? इसीलिए ऐसे स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है जो मैसेज आता है मोबाइल पे, क्योंकि होता क्या है देखो, सबको बिजनेस चलाने हैं, ठीक है, सबके पास नंबर पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आप बोलोगे जीरोधा वाले बेचता है, मे भी हो सकता है बेचता हो सकता है एनएससी बेचता हो, बोलोगे कैसे? आपके जैसे अकाउंट ओपन होता है तो आपके डेटा एक जगह नहीं रहता है, यहाँ जाता है सीडीएसएल में जाता है, एनएसडी क्या कहते हैं एनएससी में जाता है, एनएससी के स्टाफ जो रिकॉर्डिंग करा है वो, इवन आईसीआई का डेटा मिलता है। नहीं पता? आज जितने भी सीपीटी में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा ना उसका नंबर चाहिए, मिल जाएगा। एक नंबर पे 5 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे, एक मोबाइल नंबर लेना है 5 रुपये दीजिए, बोलो कैसे? उसी स्टाफ से बात करिए, फोटो स्टेट करके फोटो खींच के आपको भेज देंगे, आपसे बात कर लीजिए, उसको 5 रुपये दीजिए, आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो यानी कि नंबर मिलता है, कहाँ से मिलता है नहीं मिलता है उसके बगैर पीछे नहीं जाना है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, उस सबसे दूर रहना। समझ में आ गए? अभी कॉल आएगा, मैं ना आपको ट्रेड करता हूँ सॉरी ट्रेड कराता हूँ, आपको एडवाइजरी कॉल दूंगा महीने का, आप मुझे इतना रुपये दे देना, कुछ नहीं करना है, सारे फ्रॉड है, सारे पैसे आपके डूबने वाले, कहीं से कुछ नहीं आने वाला है, एक ही चीज़ आने वाला है, वो क्या है? आपका खुद की एनालिसिस। समझ
में आ गए। मैंने भी बहुत सारे एडवाइजर को पैसे दिए, 40-40 हज़ार रुपये महीने का दिया है, एक से भी कहीं से कुछ नहीं आया, सिर्फ पैसे जाते, कहीं से आता नहीं है। समझ में आ गया बात? आता एक ही जगह से, खुद के एनालिसिस। वापस आ जाए हम लोग तो। हाँ जी, नहीं परेशान करते हैं तो उसको सीधा ये बोल देना, प्यार से समझाना, लड़ाई करोगे तो बेकार मूड खराब हो जाएगा। हाँ आप, नहीं, प्यार से ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, इतना ही बोला ना उसने, पहले तो स्टार्टिंग करते ही है। उसको बोल देना, भाई साहब तुम्हारे पास गलत नंबर अपडेट हुआ है, इस नंबर को डिलीट कर लो और इस नंबर से दोबारा मेरे पास कॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है? एक दो बार इतना बोल के कट कर दो, उससे ज्यादा कुछ सुनना ही नहीं है। एक दो बार करोगे उसके बाद क्या हो जाता है, वो लोग, उनको समझ में आता है, वो नंबर डिलीट कर लेते, वो भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ ज्यादा आप उससे प्यार से बातें करने लगोगे तो फिर देखिए क्या होता है, फिर तो गालियां भी देना शुरू कर देते हैं। आप जितना मर्जी गालियां दीजिए वो भी गाली देंगे, फिर होगा क्या बताओ? अपना मूड खराब होगा, और क्या कर सकते हो, और इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ तो लड़की होते तो क्या उसको आप, तो फिर शादी कर लेते जाके। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की होते हम इससे प्यार से, मतलब उससे गुस्से में बात नहीं कर सकते, है ना? कहना चाह रहे थे। और देख रहा उस तरीके के कॉल जो होते हैं ना, आज जो सेबी का जो एक बड़े से, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है जो CNBC आवाज वगैरह पे आते हैं, जिसका नाम बहुत बढ़िया है, आज इवन राकेश झुनझुनवाला के पास भी कॉल जाता होगा। समझ में आ गया बात? तो इससे आप ही नहीं बच सकते। राकेश झुनझुनवाला का तो नाम सुना ना, उनके पास भी कॉल आता होगा और वो भी कहता होगा आप मार्केट में ट्रेड करते हो, उनको थोड़ा ना पता किसका नंबर है। समझ में आ गया बात? तो ये चीज है, तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि कॉल आता है। आज के रेट पे इवन देखोगे तो दिन में 10 कॉल तो मुझे बजाज फाइनेंस से आ जाता है, ठीक है? क्या करोगे आप, जितने बार हर से लड़ते रहोगे, कुछ भी कर लो कोई उपाय ही नहीं इसके, आप बंद कराने का कोई उपाय है ही नहीं। तो प्यार से जैसे बोलता है बजाज फाइनेंस, कहते भाई कुछ नहीं चाहिए, मुश्किल से 10 सेकंड लगता है कॉल कट करने में। वो कहते हैं मैं बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए कट। मैं IDFC फर्स्ट बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए कट। खत्म हो गई बात, जैसे मुझे समझ में आ गया कट। हाँ बाकी अगर एक्सिस बैंक से कॉल कर रहा हूँ तो पहले सुन लेते वो कहाँ से, वो कहते लक्ष्मी नगर ब्रांच से बोल रहा हूँ, तो आप बता क्या बोल रहे हो, क्योंकि अब मेरा वहाँ से रिलेशन है। तो पता चल जाता है कौन हमारे काम के कौन हमारे बेकार है, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका, कोई नहीं बचा सकते इसे। आइए वापस, टाइम हो गया, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा एक दो बुल मार्केट क्या होता है बता दो बस। अगर मार्केट कोई ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बुल मार्केट बुल फेज में चल रहा है, अभी मार्केट बुल फेज में चल रहा है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी का पता नहीं, ठीक है? हाँ जी, बियर मार्केट, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, बियर मार्केट। मार्केट में साइडवेज ट्रेंड भी होता है, जब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है उसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। चलो ट्रेंड के टाइम पे होता है, अप ट्रेंड बुलिश, डाउन ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, जो मार्केट कहाँ रहता है बीच बीच में। तो ये चीज हमने कोशिश किया है, बियर मार्केट का मतलब नीचे की तरफ बुल। कुछ लोग इसका भी लॉजिक ढूंढने लगते हैं, और कुछ लोग तो इसी में आधे घंटे लगा देते हैं, 25-25 हज़ार लेके बुल का लॉजिक दे रहा होता है, और वहां पर वीडियो भी दिखा रहा होता है। वीडियो कैसे दिखाता है देखो, कि सांड आते किसी पे जब वार करता है तो ऊपर की तरफ फेंकता है, उसका लॉजिक निकाल दे कि बुल मार्केट नाम क्यों पड़ा, ठीक है? देख लीजिए, हम तो जानते हैं कि राम भी चोर होते हैं, नाम के पीछे मैं नहीं भागता कभी, कि बुल मार्केट ही क्यों बोला। हाँ मुझे पता है बुल मार्केट का मतलब क्या है, बुल मार्केट का मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहे तो उसको लोग क्या बोलते हैं, बुल। अब लोग बुल क्यों बोलता है, उसके पीछे क्यों जाना है, मुझे इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, आधे घंटे वीडियो ढूंढ के लाऊं मैं यूट्यूब से, और मैं देखूं कि देखो कैसे फेंकता है, कैसे वार करता है, और फिर बोलेंगे कि अच्छा देखो भालू आते हैं, फिर भालू कैसे वार करता है, भालू होते हैं ना वो जमीन पे घसीटता है, तो जमीन पे घसीटता है कि मैं तो कहता हूँ गड्ढे करो, जमीन पे घसीटने को बियर नहीं होगा ना फिर। अब बियर में क्या हो रहा है बताओ, बियर में क्या हो रहा है बताओ, समझाओ मुझे क्या हो रहा है, वो तो नीचे जा रहा है ना, तो गड्ढा खोदो फिर, अब नीचे की तरफ जा रहा चाहिए ना। अब जमीन पे अगर आपने किसी को घसीटा तो कैसे हो गया, स्ट्रेट हो गया ना फिर तो वो, तो स्ट्रेट का मतलब था। अब अपने मर्जी से जो मर्जी लॉजिक निकालते रहो क्या बोलेगा, सिंपल सी बात है, बुल अपसाइड बियर डाउन साइड, ठीक है? अब उसके लिए लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। अब आइए वापस, अब मैं बता देता हूँ क्या क्या रह गया हमारा। अब मेन चीज ये रह गया कि जो सॉफ्टवेयर में जितने फीचर्स दिया गया है, रुको अभी छुट्टी है आराम से जाना, जल्दी क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं भी है तो डांट नहीं पड़ेगा आज, आज डांट नहीं पड़ेगा इतना मैं कहता हूँ, और डांट पड़ेगा तो बोल देना कि सर बहुत ही खड़ूस है, सर ऐसे ऐसे करके गेट बंद कर दिया, बाहर से जाने नहीं दिया, और मेरा नंबर दे देना, मैं निपट लूंगा। वापस आइए, जब यहाँ पे बाई करने जाएंगे ना, ध्यान से देखिएगा, जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं,
ठीक है, मैं अभी मार्केट का ट्रेंड वगैरह बाद में बताऊंगा, सिर्फ फीचर पूछे पहले। ये क्या आ गया बीच में, ये तो नया कुछ दिख रहा है मुझे। ऑटोमेटिकली क्रिएट जीटीटी फॉर द पोजिशन ऑन ऑर्डर, क्या ये? मुझे भी देखना पड़ेगा ये पता नहीं है, अभी तो मैं पहले दिन देख रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक क्रिएट जीटीटी फॉर द पोजिशन ऑन ऑर्डर कंप्लीशन, लर्न मोर दे रखा है, देखना हो क्या है उसमें। स्टॉप लॉस से टारगेट सीएनसी, अच्छा वाओ, नहीं ये फीचर्स नहीं था इसमें, ये शेयर खान में था। और मैं हर दिन कहता था कि हर चीज इतना अच्छा कर रहा है, एटलीस्ट ये तो देना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि गुड टिल समथिंग होना चाहिए, डेट एक फिक्स कर देगा। जैसे मेरे साथ दिक्कत है ना, मेरे को बहुत जैसे मैं मान लीजिए बजाज फाइनेंस और एएमसी खरीदना चाह रहा हूँ, मैं बिना देख के मैं बोल सकता हूँ क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि सीएनसी में ये ऑर्डर आ रहा है, सीएनसी में ये ऑर्डर आ रहा है, जो मुझे लग रहा है अभी तक, जो मेरे को अपेरेंटली जो मुझे अपने दिमाग से समझ आया है कि मान लीजिए मैं बजाज फाइनेंस को 3100 पे खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेट उसको उस डेट के लेके वो मैं टारगेट सेट कर दूंगा, तो उस दिन जिस दिन भी आएगा ना, उस दिन मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो शेयर खान देता है। शेयर खान वाले क्या कहते हैं, वहाँ कहते हैं गुड टिल डेट, जीटीडी बोलता है वो, गुड टिल डेट, एक डेट फिक्स कर दो, उस डेट तक में किसी भी दिन ये प्राइस आएगा तो मैं ऑर्डर खरीदने को तैयार हूँ, इस तरीके का ऑप्शन आता है। देखता हूँ इसका मतलब क्या है, इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या ऑप्शन है। एमआईएस और सीएनसी पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर चुका हूँ। एक मार्केट ऑर्डर होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस मार्केट होता है। क्या फीचर्स है यहाँ देखिए, कुछ और भी ऑप्शन आ रहा है, रेगुलर ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट आवर, डे आईओसी, इतने फीचर्स आपको मुझे बताने हैं, और ये सारे फीचर्स ट्रेड कर करके बताने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो अब जो आपका जो ये ऑप्शन, ये जो हम देखने जा रहे हैं अब, यही सब है। देखो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंट्राडे एमआईएस वाले, डिलीवरी सीएनसी, उसके बाद बीटीएसटी एसटीबीटी में क्या हम लोग करते हैं, शॉर्ट सेल किसको बोलते हैं, स्क्वायर अप किसको बोलते हैं, सर्किट क्या होता है, फिर लिमिट ऑर्डर उधर जो था ना आपका, देख रहे थे आप अभी, ये देखो लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। स्टॉप लॉस में दो चीज़ होगा, इसमें स्टॉप लॉस में होता है आपका एक स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस के साथ, एक स्टॉप लॉस मार्केट के साथ, ये दिख रहा था ना आपको, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है जी, क्या होता है इसमें, क्या फीचर्स है। उसके बाद आएगा ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर अलग अलग टाइप्स के फीचर है, ये फीचर्स वगैरह मुझे बताना है, फिर उसके बाद हमारा स्टॉक मार्केट ये वाला कॉन्सेप्ट जो होगा ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, या बोलो तो आधे घंटे और पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं कल, कल ये हो जाएगा मेरे हिसाब से कंप्लीट। ठीक है।